नमस्कार, आप सभी का वी पेंट लाइफ में स्वागत है। आप सुन रहे हैं सोनम की आवाज। आज की हमारी पुस्तक का शीर्षक है हिंद स्वराज, जिसके लेखक हैं महात्मा गांधी और इस पुस्तक के प्रकाशक हैं शिक्षा भारती। किल्डोनन कैसल, 22 नवंबर 1909। इस विषय पर मैंने जो 20 अध्याय लिखे हैं, उन्हें पाठकों के सामने रखने की मैं हिम्मत करता हूँ। जब मुझसे रहा ही नहीं गया तभी मैंने ये लिखा है। बहुत पढ़ा, बहुत सोचा। विलायत में ट्रांसवाल डिपुटेशन के साथ में 4 माह रहा। उस बीच हो सका उतने हिंदुस्तानियों के साथ मैंने सोच विचार किया, हो सका उतने अंग्रेजों से भी मैं मिला। अपने जो विचार मुझे आखिरी मालूम हुए, उन्हें पाठकों के सामने रखना मैंने अपना फर्ज समझा। इंडियन ओपिनियन के गुजराती ग्राहक 800 के करीब हैं। हर ग्राहक पीछे कम से कम 10 आदमी दिलचस्पी से ये अखबार पढ़ते हैं, ऐसा मैंने महसूस किया है। जो गुजराती नहीं जानते वे दूसरों से पढ़वाते हैं। इन भाइयों ने हिंदुस्तान की हालत के बारे में मुझसे बहुत सवाल किए हैं। ऐसे ही सवाल मुझसे विलायत में किए गए थे, इसलिए मुझे लगा कि जो विचार मैंने यो खानगी में बताए उन्हें सबके सामने रखना गलत नहीं होगा। जो विचार यहाँ रखे गए हैं वो मेरे हैं और मेरे नहीं भी हैं। वे मेरे हैं क्योंकि उनके मुताबिक बरतने की मैं उम्मीद रखता हूँ। वे मेरी आत्मा में गढ़े जड़े हुए हैं। वे मेरे नहीं हैं क्योंकि सिर्फ मैंने ही उन्हें सोचा हो, सो बात नहीं। कुछ किताब पढ़ने के बाद वे बने हैं। दिल में भीतर ही भीतर जो मैं महसूस करता था उसका इन बातों ने समर्थन किया। ये साबित करने की जरूरत नहीं कि जो विचार मैं पाठकों के सामने रखता हूँ वे हिंदुस्तान में जिन पर पश्चिमी सभ्यता की धुन सवार नहीं हुई है, ऐसे बहुतेरे हिंदुस्तानियों के हैं। लेकिन यही विचार यूरोप के हजारों लोगों के हैं। ये मैं अपने पाठकों के मन में अपने सबूतों से ही जचाना चाहता हूँ। जिसे इसकी खोज करनी हो, जिसे ऐसी फुर्सत हो, वो आदमी ये किताब देख सकता है। अपनी फुर्सत से उन किताबों में से कुछ न कुछ पाठकों के सामने रखने की मेरी उम्मीद है। इंडियन ओपिनियन के पाठकों या औरों के मन में मेरे लेख पढ़कर जो विचार आए उन्हें अगर वे मुझे बताएंगे तो मैं उनका आभारी रहूंगा। उद्देश्य सिर्फ देश की सेवा करना और सत्य की खोज करने का और उसके मुताबिक बरतने का है, इसलिए अगर मेरे विचार गलत साबित हों तो उन्हें पकड़ रखने का मेरा आग्रह नहीं है। अगर वे सच साबित हों तो दूसरे लोग भी उनके मुताबिक बरतें। ऐसी देश के भले के लिए साधारण तौर पर मेरी भावना रहेगी। सुभीते के लिए लेखों को पाठक और संपादक के बीच के संवाद का रूप दिया गया है। किल्डोनन कैसल, 22 नवंबर 1909। मोहनदास करमचंद गांधी, जनवरी 1921। यंग इंडिया के गुजराती अनुवाद से हिंद स्वराज के बारे में। मेरी इस छोटी सी किताब की ओर विशाल जनसंख्या का ध्यान खींच रहा है। ये सचमुच ही मेरा सौभाग्य है। ये मूल तो गुजराती में लिखी गई है। इसका जीवन क्रम अजीब है। ये पहले पहल दक्षिणी अफ्रीका में छपने वाले साप्ताहिक इंडियन ओपिनियन में प्रकट हुई थी। 1909 में लंदन से दक्षिण अफ्रीका लौटते हुए जहाज पर हिंदुस्तानियों के हिंसावादी पंथ को और उसी विचारधारा वाले दक्षिण अफ्रीका के एक वर्ग को दिए गए जवाब के रूप में ये लिखी गई थी। वह लंदन में रहने वाले हर एक नामी अराजकतावादी हिंदुस्तान के संपर्क में आया था। उनकी शूरवीरता का असर मेरे मन पर पड़ा था, लेकिन मुझे लगा कि उनके जोश ने उल्टी राह पकड़ ली है। मुझे लगा कि हिंसा हिंदुस्तान के दुखों का इलाज नहीं है और उसकी संस्कृति को देखते हुए उसे आत्मरक्षा के लिए कोई अलग और ऊंचे प्रकार का शस्त्र काम में लाना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका का सत्याग्रह उस वक्त शैशवावस्था में था, लेकिन उसका विकास इतना हो चुका था कि उसके बारे में कुछ हद तक आत्मविश्वास से लिखने की मैंने हिम्मत की थी। मेरी वो लेखमाला पाठक वर्ग को इतनी पसंद आई कि वो किताब के रूप में प्रकाशित की गई। हिंदुस्तान में उसकी ओर लोगों का कुछ ध्यान गया। बंबई सरकार ने उसके प्रचार की मनाही कर दी। उसका जवाब मैंने किताब का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित करके दिया। मुझे लगा कि अपने अंग्रेज मित्रों को इस किताब के विचारों से वाकिफ करना उनके प्रति मेरा फर्ज है। मेरी राय से ये किताब ऐसी है कि ये बालक के हाथ में भी दे दी जा सकती है। ये द्वेष धर्म की जगह प्रेम धर्म सिखाती है, हिंसा की जगह आत्म बलिदान को रखती है, पशु बल से टक्कर लेने के लिए आत्मबल को खड़ा करती है। इसकी अनेक आवृत्तियां हो चुकी हैं और जिन्हें इसे पढ़ने की परवाह है उनसे इसे पढ़ने की मैं जरूर सिफारिश करूंगा। इसमें से मैंने सिर्फ एक ही शब्द और वो एक महिला मित्र की इच्छा को मानकर रद्द किया है। इसके सिवा और कोई फेरबदल इसमें मैंने नहीं किया है। इस किताब में आधुनिक सभ्यता की सख्त टीका की गई है। ये 1909 ईस्वी में लिखी गई थी। इसमें मेरी जो मान्यता प्रकट की गई है वो आज पहले से ज्यादा मजबूत है। मुझे लगता है कि अगर हिंदुस्तान आधुनिक सभ्यता का त्याग करेगा तो उससे उसे लाभ ही होगा। लेकिन मैं पाठकों को एक चेतावनी देना चाहता हूँ।
वह ऐसा ना मान ले कि इस किताब में जिस स्वराज की तस्वीर मैंने खड़ी की है वैसा स्वराज कायम करने के लिए आज मेरी कोशिशें चल रही हैं। मैं जानता हूँ कि अभी हिंदुस्तान उसके लिए तैयार नहीं है। ऐसा कहने में शायद ढिठाई का भास हो, लेकिन मुझे तो पक्का विश्वास है कि इसमें जिस स्वराज की तस्वीर मैंने खींची है वैसा स्वराज पाने की मेरी निजी कोशिश जरूर चल रही है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि आज मेरी सामूहिक प्रवृत्ति का ध्येय तो हिंदुस्तान की प्रजा की इच्छा के मुताबिक पार्लियामेंट्री ढंग का स्वराज पाना है। रेलों या अस्पतालों का नाश करने का ध्येय मेरे मन में नहीं है। अगरचे उनका कुदरती नाश हो तो मैं जरूर उसका स्वागत करूंगा। रेल या अस्पताल दोनों में से एक भी ऊंची और बिल्कुल शुद्ध संस्कृति की सूचक नहीं है। ज्यादा से ज्यादा इतना ही कह सकते हैं कि ये एक ऐसी बुराई है जो टाली नहीं जा सकती। दोनों में से एक भी हमारे राष्ट्र की नैतिक ऊंचाई में एक इंच की भी बढ़ती नहीं करती। उसी तरह मैं अदालत के स्थायी नाश का ध्येय मन में नहीं रखता। हालांकि ऐसी नतीजा आए तो मुझे अवश्य बहुत अच्छा लगेगा। यंत्रों और मिलों के नाश के लिए तो मैं उससे भी कम कोशिश करता हूँ। उसके लिए लोगों की आज जो तैयारी है उससे कहीं ज्यादा सादगी और त्याग की जरूरत रहती है। इस पुस्तक में बताए हुए कार्यक्रम के एक ही हिस्से का आज अमल हो रहा है, वो है अहिंसा। लेकिन मैं अफसोस के साथ कबूल करूंगा कि उसका अमल भी इस पुस्तक में दिखाई हुई भावना से नहीं हो रहा है। अगर हो तो हिंदुस्तान एक ही रोज में स्वराज पा जाए। हिंदुस्तान अगर प्रेम के सिद्धांत को अपने धर्म के एक सक्रिय अंश के रूप में स्वीकार करे और उसे अपनी राजनीति में शामिल करे तो स्वराज स्वर्ग से हिंदुस्तान की धरती पर उतरेगा। लेकिन मुझे दुख के साथ इस बात का भान है कि ऐसा होना बहुत दूर की बात है। ये वाक्य मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आज के आंदोलन को बदनाम करने के लिए इस पुस्तक में से बहुत सी बातों का हवाला दिया जाता मैंने देखा है। मैंने इस मतलब के लेख भी देखे हैं कि मैं कोई गहरी चाल चल रहा हूँ। आज की उथल पुथल से लाभ उठाकर अपने अजीब ख्याल भारत के सिर लादने की कोशिश कर रहा हूँ और हिंदुस्तान को नुकसान पहुँचाकर अपने धार्मिक प्रयोग कर रहा हूँ। इसका मेरे पास यही जवाब है कि सत्याग्रह ऐसी कोई कच्ची खोखली चीज नहीं है। हिंद स्वराज में बताए हुए संपूर्ण जीवन सिद्धांत के एक भाग को आचरण में लाने की कोशिश हो रही है, इसमें कोई शक नहीं। ऐसा नहीं कि उस समूचे सिद्धांत का अमल करने में जोखिम है, लेकिन आज देश के सामने जो प्रश्न है उसके साथ जिन हिस्सों का कोई संबंध नहीं है, ऐसे हिस्से मेरे लेखों में से लेकर लोगों की भड़काने में न्याय हरगिज नहीं है। मोहनदास करमचंद गांधी। कांग्रेस और उसके कर्ता धर्ता। पाठक, आजकल हिंदुस्तान में स्वराज की हवा चल रही है। सब हिंदुस्तानी आजाद होने के लिए तरस रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में भी वही जोश दिखाई दे रहा है। हिंदुस्तानियों में अपने हक पाने की बड़ी हिम्मत आई हुई मालूम होती है। इस बारे में क्या आप अपने ख्याल बताएंगे? संपादक, आपने सवाल ठीक पूछा है, लेकिन इसका जवाब देना आसान बात नहीं है। अखबार का एक काम तो है लोगों की भावनाएं जानना और उन्हें जाहिर करना, दूसरा काम है लोगों में अमुक जरूरी भावनाएं पैदा करना, और तीसरा काम है लोगों में दोष हो तो चाहे जितनी मुसीबत आने पर भी बेधड़क होकर उन्हें दिखाना। आपके सवाल का जवाब देने में ये तीनों काम साथ साथ आ जाते हैं। लोगों की भावनाएं कुछ हद तक बतानी होंगी, ना हो तो वैसी भावनाएं उनमें पैदा करने की कोशिश करनी होगी और उनके दोषों की निंदा भी करनी होगी। फिर भी आपने सवाल किया है, इसलिए उसका जवाब देना मेरा फर्ज मालूम होता है। पाठक, क्या स्वराज की भावना हिंद में पैदा हुई आप देखते हैं? संपादक, वो तो जब से नेशनल कांग्रेस कायम हुई है तब से देखने में आई है। नेशनल का अर्थ ही वो विचार जाहिर करता है। पाठक, ये तो आपने ठीक नहीं कहा। नौजवान हिंदुस्तानी आज कांग्रेस की परवाह ही नहीं करते, वे तो उसे अंग्रेजों का राज निभाने का साधन मानते हैं। संपादक, नौजवानों का ऐसा ख्याल ठीक नहीं है। हिंद के दादा दादा भाई नौरोजी ने जमीन तैयार नहीं की होती तो नौजवान आज जो बातें कर रहे हैं वो कर भी नहीं पाते। मिस्टर ह्यूम ने जो लेख लिखे, जो फटकारे हमें सुनाई, जिस जोश से हमें जगाया, उसे कैसे भुलाया जाए? सर विलियम वेडरबर्न ने कांग्रेस का मकसद हासिल करने के लिए अपना तन मन और धन सब दे दिया था। उन्होंने अंग्रेजी राज्य के बारे में जो लेख लिखे हैं वे आज भी पढ़ने लायक हैं। प्रोफेसर गोखले ने जनता को तैयार करने के लिए भिखारी के जैसी हालत में रहकर अपने 20 साल दिए हैं, आज वे भी गरीबी में रहते हैं। मरहूम जस्टिस बदरुद्दीन ने भी कांग्रेस के जरिए स्वराज का बीज बोया था। यो बंगाल, मद्रास, पंजाब वगैरह में कांग्रेस का और हिंद का भला चाहने वाले कई हिंदुस्तानी और अंग्रेज लोग हो गए हैं, ये याद रखना चाहिए। पाठक, ठहरिए ठहरिए, आप तो बहुत आगे बढ़ गए। मेरा सवाल कुछ है और आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। मैं स्वराज की बात करता हूँ और आप पर राज्य की बात करते हैं। मुझे अंग्रेजों का नाम तक नहीं चाहिए और आप तो अंग्रेजों के नाम देने लगे। इस तरह तो हमारी गाड़ी राह पर आए ऐसा नहीं दिखता। मुझे तो स्वराज की ही बातें अच्छी लगती हैं। दूसरी मीठी सयानी बातों से मुझे संतोष नहीं होगा। संपादक, आप तो अधीर हो गए। मैं अधीरपन बर्दाश्त नहीं कर सकता।
आप जरा सब्र करेंगे तो आपको जो चाहिए वही मिलेगा। उतावली से आम नहीं पकते, दाल नहीं चुरती, ये कहावत याद रखिए। आपने मुझे रोका और आपको हिंद पर उपकार करने वाली बातों की बात भी सुननी अच्छी नहीं लगती। ये बताता है कि अभी आपके लिए स्वराज्य दूर है। आपके जैसे बहुत से हिंदुस्तानी हो तो हम स्वराज्य से दूर हटकर पिछड़ जाएंगे। वो बात जरा सोचने लायक है। पाठक, मुझे तो लगता है कि ये गोलमोल बातें बनाकर आप मेरे सवाल का जवाब उड़ा देना चाहते हैं। आप जिन्हें हिंदुस्तान पर उपकार करने वाले मानते हैं, उन्हें मैं ऐसा नहीं मानता। फिर मुझे किसके उपकार की बात सुननी है? आप जिन्हें हिंद के दादा कहते हैं, उन्होंने क्या उपकार किया? वे तो कहते हैं कि अंग्रेज राजकर्ता न्याय करेंगे और उनसे हमें हिलमिल कर रहना चाहिए। संपादक, मुझे सविनय आपसे कहना चाहिए कि उस पुरुष के बारे में आपका बेअदबी से यूं बोलना हमारे लिए शर्म की बात है। उनके कामों की ओर देखिए, उन्होंने अपना जीवन हिंद को अर्पण कर दिया है। उनसे ये सबक हमने सीखा, हिंद का खून अंग्रेजों ने चूस लिया है, ये सिखाने वाले माननीय दादा भाई हैं। आज उन्हें अंग्रेजों पर भरोसा है, उससे क्या? हम जवानी के जोश में एक कदम आगे रखते हैं, इससे क्या दादा भाई कम पूज्य हो जाते हैं? इससे क्या हम ज्यादा ज्ञानी हो गए? जिस सीढ़ी से हम ऊपर चढ़े उसको लात न मारने में ही बुद्धिमानी है। अगर वो सीढ़ी निकाल दे तो सारी निशानी गिर जाए। ये हमें याद रखना चाहिए। हम बचपन से जवानी में आते हैं तब बचपन से नफरत नहीं करते, बल्कि उन दिनों को प्यार से याद करते हैं। बरसों तक अगर मुझे कोई पढ़ाता है और उससे मेरी जानकारी जरा बढ़ जाती है तो इससे मैं अपने शिक्षक से ज्यादा ज्ञानी नहीं माना जाऊंगा। अपने शिक्षक को तो मुझे मान देना ही पड़ेगा। इसी तरह हिंद के दादा के बारे में समझना चाहिए। उनके पीछे हिंदुस्तानी जनता है, ये तो हमें कहना ही पड़ेगा। पाठक, ये तो आपने ठीक कहा। दादा भाई नौरोजी की इज्जत करनी चाहिए, ये तो समझ सकते हैं। उन्होंने और उनके जैसे दूसरे पुरुषों ने जो काम किए हैं, उनके बगैर हम आज का जोश महसूस नहीं कर पाते, ये बात ठीक लगती है। लेकिन यही बात प्रोफेसर गोखले साहब के बारे में हम कैसे मान सकते हैं? वे तो अंग्रेजों के बड़े भाईबंद बनकर बैठे हैं। वे तो कहते हैं कि अंग्रेजों से हमें बहुत कुछ सीखना है। अंग्रेजों की राजनीति से हम वाकिफ हो जाएं, तभी स्वराज्य की बातचीत की जाए। उन साहब के भाषणों से तो मैं ऊब गया हूँ। संपादक, आप ऊब गए हैं, ये दिखाता है कि आपका मिजाज उतावला है। लेकिन जो नौजवान अपने माँ बाप के ठंडे मिजाज से ऊब जाते हैं, और माँ बाप अगर अपने साथ न दौड़े तो गुस्सा होते हैं, वे अपने माँ बाप का अनादर करते हैं, ऐसा हम समझते हैं। प्रोफेसर गोखले के बारे में भी ऐसा ही समझना चाहिए। क्या हुआ अगर प्रोफेसर गोखले हमारे साथ नहीं दौड़ते हैं? स्वराज भोगने की इच्छा रखने वाली प्रजा अपने बुजुर्गों का तिरस्कार नहीं कर सकती। अगर दूसरे की इज्जत करने की आदत हम खो बैठे तो हम निकम्मे हो जाएंगे। जो प्रौढ़ और तजुर्बेकार हैं, वे ही स्वराज भोग सकते हैं, न कि बेलगाम लोग। और देखिए कि जब प्रोफेसर गोखले ने हिंदुस्तान की शिक्षा के लिए त्याग किया, तब ऐसे कितने हिंदुस्तानी थे जो कुछ भी करते हैं वो शुद्ध भाव से और हिंदुस्तान का हित मानकर करते हैं। हिंद के लिए अगर अपनी जान भी देनी पड़े तो वे देंगे, ऐसी हिंद के लिए उनकी भक्ति है। वे जो कुछ कहते हैं वो किसी की खुशामत करने के लिए नहीं, बल्कि सही मानकर कहते हैं। इसलिए हमारे मन में उनके लिए पूज्य भाव होना चाहिए। पाठक, तो क्या वे साहब जो कहते हैं उनके मुताबिक हमें भी करना चाहिए? संपादक, मैं ऐसा कुछ नहीं कहता। अगर हम शुद्ध बुद्धि से अलग राय रखते हैं तो उस राय के मुताबिक चलने की सलाह खुद प्रोफेसर साहब हमें देंगे। हमारा मुख्य काम तो यह है कि हम उनके कामों की निंदा न करें। हमसे वे महान हैं, ऐसा माने और यकीन रखें कि उनके मुकाबले में हमने हिंद के लिए कुछ भी नहीं किया है। उनके बारे में कुछ अखबार जो अशिष्टता पूर्वक लिखते हैं, उसकी हमें निंदा करनी चाहिए। और प्रोफेसर गोखले जैसों को हमें स्वराज के स्तंभ मानना चाहिए। उनके ख्याल गलत और हमारे ही सही हैं, या हमारे ख्यालों के मुताबिक ना बरतने वाले देश के दुश्मन हैं, ऐसा मान लेना बुरी भावना है। पाठक, आप जो कुछ कहते हैं वो अब मेरी समझ में कुछ आता है। फिर भी मुझे उनके बारे में सोचना होगा। पर मिस्टर ह्यूम, सर विलियम विडरबन वगैरह के बारे में आपने जो कुछ कहा उसमें तो हद हो गई। संपादक, जो नियम हिंदुस्तानियों के बारे में है वही अंग्रेजों के बारे में भी समझना चाहिए। सारे के सारे अंग्रेज बुरे हैं, ऐसा तो मैं नहीं मानूंगा। बहुत से अंग्रेज चाहते हैं कि हिंदुस्तान को स्वराज मिले। उस प्रजा में स्वार्थ ज्यादा है, ये ठीक है, लेकिन उससे हर एक अंग्रेज बुरा है ऐसा साबित नहीं होता। जो हक न्याय चाहते हैं उन्हें सबके साथ न्याय करना होगा। सर विलियम हिंदुस्तान का बुरा चाहने वाले नहीं है, इतना हमारे लिए काफी है। ज्यों ज्यों हम आगे बढ़ेंगे त्यों त्यों आप देखेंगे कि अगर हम न्याय की भावना से काम लेंगे तो हिंदुस्तान का छुटकारा जल्दी होगा। आप ये भी देखेंगे कि अगर हम तमाम अंग्रेजों से द्वेष करेंगे तो उससे स्वराज दूर ही जाने वाला है, लेकिन अगर उनके साथ भी न्याय करेंगे तो स्वराज के लिए हमें उनकी मदद मिलेगी। पाठक, अभी तो ये सब मुझे फिजूल की बड़ी बड़ी बातें लगती हैं।
अंग्रेजों की मदद मिले और उससे स्वराज मिले, तो ये तो आपने दो उल्टी बातें कही। लेकिन इस सवाल का हल मुझे अभी नहीं चाहिए, उसमें समय बिताना बेकार होगा। स्वराज कैसे मिलेगा ये जब आप बताएंगे तब शायद इसके विचार मैं समझ सकूं। फिलहाल तो अंग्रेजों की मदद की आपकी बात ने मुझे शंका में डाल दिया है और आपके विचार के खिलाफ मुझे भरमा दिया है, इसलिए ये बात आप आगे ना बढ़ाइए तो अच्छा है। संपादक, मैं अंग्रेजों की बात को बढ़ाना नहीं चाहता। आप शंका में पड़ गए इसकी कोई फिक्र नहीं, मुझे जो महत्व की बातें कहनी है उसे पहले ही बता देना ठीक है। आपकी शंका को धीरज से दूर करना मेरा फर्ज है। पाठक, आपकी ये बात मुझे पसंद आई, इससे मुझे जो ठीक लगे वो बात कहने की मुझमें हिम्मत आई है। अभी मेरी एक शंका रह गई है, कांग्रेस के आरंभ से स्वराज की नींव पड़ी ये कैसे कहा जा सकता है? संपादक, देखिए कांग्रेस ने अलग अलग जगहों पर हिंदुस्तानियों को इकट्ठा करके उनमें हम एक राष्ट्र हैं ऐसा जोश पैदा किया। कांग्रेस पर सरकार की कड़ी नजर रहती थी, महसूल का हक प्रजा को होना चाहिए ऐसी मांग कांग्रेस ने हमेशा की है। जैसा स्वराज कनाडा में है वैसा स्वराज कांग्रेस ने हमेशा चाहा है। वैसा स्वराज मिलेगा या नहीं, वैसा स्वराज हमें चाहिए या नहीं चाहिए, उससे बढ़कर दूसरा कोई स्वराज है या नहीं ये अलग सवाल है। मुझे दिखाना तो इतना ही है कि कांग्रेस ने हिंद को स्वराज का रस चखाया, इसका जस कोई और लेना चाहे तो वो ठीक ना होगा और हम भी ऐसे माने तो बेकदर ठहरेंगे। इतना ही नहीं बल्कि जो मकसद हम हासिल करना चाहते हैं उसमें मुसीबतें पैदा होंगी। कांग्रेस को अलग समझने और स्वराज के खिलाफ मानने से हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। चैप्टर 2, बंगाल का विभाजन। पाठक, आप कहते हैं उस तरह विचार करने पर यह ठीक लगता है कि कांग्रेस ने स्वराज की नींव डाली, लेकिन ये तो आप मानेंगे कि वो सही जागृति नहीं थी। सही जागृति कब और कैसे हुई? संपादक, बीज हमेशा हमें दिखाई नहीं देता, वो अपना काम जमीन के नीचे करता है और जब खुद मिट जाता है तभी पेड़ जमीन के ऊपर देखने में आता है। कांग्रेस के बारे में ऐसा ही समझिए, जिसे आप सही जागृति मानते हैं वो तो बंग भंग से हुई, जिसके लिए हम लॉर्ड कर्जन के आभारी हैं। बंग भंग के वक्त बंगालियों ने कर्जन साहब से बहुत प्रार्थना की, लेकिन वे साहब अपनी सत्ता के मद लापरवाह रहे। उन्होंने मान लिया कि हिंदुस्तानी लोग सिर्फ बकवास ही करेंगे, उनसे कुछ भी नहीं होगा। उन्होंने अपमान भरी भाषा का प्रयोग किया और जबरदस्ती बंगाल के टुकड़े किए। हम ये मान सकते हैं कि उस दिन से अंग्रेजी राज्य के भी टुकड़े हुए। बंग भंग से जो धक्का अंग्रेजी हुकूमत को लगा वैसा और किसी काम से नहीं लगा। इसका मतलब ये नहीं कि जो दूसरे गैर इंसाफ हुए वे बंग भंग से कुछ कम थे। नमक महसूल कुछ कम गैर इंसाफी नहीं है, ऐसा और तो आगे हम बहुत देखेंगे। लेकिन बंगाल के टुकड़े करने का विरोध करने के लिए प्रजा तैयार थी। उस वक्त की प्रजा की भावना बहुत तेज थी। उस समय बंगाल के बहुतेरे नेता अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार थे। अपनी सत्ता अपनी ताकत को वे जानते थे, इसलिए तुरंत आग भड़क उठी। अब वो बुझने वाली नहीं है, उसे बुझाने की जरूरत भी नहीं है। ये टुकड़े कायम नहीं रहेंगे, बंगाल फिर एक हो जाएगा। लेकिन अंग्रेजी जहाज में जो दरार पड़ी है वो तो हमेशा रहेगी ही, वो दिन ब दिन चौड़ी होती जाएगी। जागा हुआ हिंद फिर सो जाए ये नामुमकिन है। बंग भंग को रद्द करने की मांग स्वराज की मांग के बराबर है। बंगाल के नेता ये बात खूब जानते हैं, अंग्रेजी हुकूमत भी ये बात समझती है, इसलिए टुकड़े रद्द नहीं हुए। ज्यो ज्यो दिन बीतते जाते हैं त्यो त्यो प्रजा तैयार होती जाती है। प्रजा एक दिन में नहीं बनती, उसे बनने में कई बरस लग जाते हैं। पाठक, बंग भंग के नतीजे आपने क्या देखे? संपादक, आज तक हम मानते आए हैं कि बादशाह से अर्ज करना चाहिए और वैसा करने पर भी दाद ना मिले तो दुख सहन करना चाहिए, अलबत्ता अर्ज तो करते ही रहना चाहिए। बंगाल के टुकड़े होने के बाद लोगों ने देखा कि हमारी अर्ज के पीछे कुछ ताकत चाहिए, लोगों में कष्ट सहन करने की शक्ति चाहिए। ये नया जोश टुकड़े होने का अहम नतीजा माना जाएगा। ये जोश अखबारों के लेखों में दिखाई दिया, लेख कड़े होने लगे। जो बात लोग डरते हुए या चोरी चुपके करते थे वो खुल्लम खुल्ला होने लगी, लिखी जाने लगी। स्वदेशी का आंदोलन चला, अंग्रेजों को देखकर छोटे बड़े सब भागते थे, पर अब नहीं डरते, मारपीट से भी नहीं डरते, जेल जाने में भी कोई हर्ज मालूम नहीं होता, और हिंद के पुत्र रत्न आज देश निकाला भुगतते हुए विराजमान है। ये चीज उस अर्ज से अलग है, जो लोगों में खलबली मच रही है। बंगाल की हवा उत्तर में पंजाब तक और मद्रास इलाके में कन्याकुमारी तक पहुंच गई है। पाठक, इसके अलावा और कोई जानने लायक नतीजा आपको सूझता है? संपादक, बंग भंग से जैसे अंग्रेजी जहाज में दरार पड़ी है वैसे ही हमें भी दरार फूट पड़ी है। बड़ी घटनाओं के परिणाम भी यो बड़े ही होते हैं। हमारे नेताओं में दो दल हो गए हैं, एक मॉडरेट और दूसरा एक्सट्रीमिस्ट। उनको हम धीमे और उतावले कह सकते हैं।
कोई मॉडरेट को डरपोक पक्ष और एक्सट्रीमिस्ट को हिम्मत वाला पक्ष भी कहते हैं। सब अपने अपने ख्यालों के मुताबिक इन दो शब्दों का अर्थ करते हैं। ये सच है कि ये जो दो दल हुए हैं उनके बीच जहर भी पैदा हुआ है। एक दल दूसरे का भरोसा नहीं करता, दोनों एक दूसरे को ताना मारते हैं। सूरत कांग्रेस के समय करीब करीब मारपीट भी हो गई। ये जो दो दल पैदा हुए हैं वो देश के लिए अच्छी निशानी नहीं है, ऐसा मुझे तो लगता है। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि ऐसे दल लंबे अरसे तक नहीं टिकेंगे। इस तरह कब तक ये दल रहेंगे ये तो नेताओं पर आधार रखता है। अध्याय 3, अशांति और असंतोष। पाठक, तो आपने बंग भंग को जागृति का कारण माना, उससे फैली हुई अशांति को ठीक ठाक समझा जाए या नहीं? संपादक, इंसान नींद में से उठता है तो अंगड़ाई लेता है, इधर उधर घूमता है और अशांत रहता है। उसे पूरा भान आने में कुछ वक्त लगता है। उसी तरह अगरचे बंग भंग से जागृति आई है फिर भी बेहोशी नहीं गई है। अभी हम अंगड़ाई लेने की हालत में हैं, अभी अशांति की हालत है। जैसे नींद और जाग के बीच की हालत जरूरी मानी जानी चाहिए और इसलिए वो ठीक कही जाएगी, वैसे बंगाल में और उस कारण से हिंदुस्तान में जो अशांति फैली है वो भी ठीक है। अशांति है ये हम जानते हैं, इसलिए अशांति का समय आने की शक्यता है। नींद से उठने के बाद हमेशा अंगड़ाई लेने की हालत में हम नहीं रहते, देर सबेर अपनी शक्ति के मुताबिक पूरे जागते ही हैं। इसी तरह अशांति में से हम जरूर छूटेंगे। अशांति किसी को नहीं भाती। पाठक, अशांति का दूसरा रूप क्या है? संपादक, अशांति असल में असंतोष है, उसे आज हम अनरेस्ट कहते हैं। कांग्रेस के जमाने में वो डिस्कंटेंट कहलाता था। मिस्टर ह्यूम हमेशा कहते थे कि हिंदुस्तान में असंतोष फैलाने की जरूरत है। ये असंतोष बहुत उपयोगी चीज है। जब तक आदमी अपनी चालू हालत में खुश रहता है तब तक उसमें से निकलने के लिए उसे समझना मुश्किल है। इसलिए हर एक सुधार के पहले असंतोष होना ही चाहिए। चालू चीज से ऊब जाने पर ही उसे फेंक देने को मन करता है। ऐसा असंतोष हम में महान हिंदुस्तानियों की और अंग्रेजों की पुस्तकें पढ़कर पैदा हुआ है। उस असंतोष से अशांति पैदा हुई और उस अशांति में कई लोग मरे, कई बर्बाद हुए, कई जेल गए, कई को देश निकाला हुआ। आगे भी ऐसा होगा और होना चाहिए। ये सब लक्षण अच्छे जाने जा सकते हैं लेकिन इसका नतीजा बुरा भी आ सकता है। अध्याय 4, स्वराज क्या है? पाठक, कांग्रेस ने हिंदुस्तान को एक राष्ट्र बनाने के लिए क्या किया? बंग भंग से जागृति कैसे हुई? अशांति और असंतोष कैसे फैले? ये सब जाना। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि स्वराज के बारे में आपके क्या ख्याल हैं? मुझे डर है कि शायद हमारी समझ में फर्क हो। संपादक, फर्क होना मुमकिन है। स्वराज के लिए आप हम सब अधीर बन रहे हैं लेकिन वो क्या है इस बारे में हम ठीक राय पर नहीं पहुंचे हैं। अंग्रेजों को निकाल बाहर करना चाहिए, इसका कोई ठीक ख्याल किया गया हो ऐसा नहीं लगता। आपसे ही एक सवाल मैं पूछता हूँ, मान लीजिए कि हम मांगते हैं उतना सब अंग्रेज हमें दे दें, फिर भी उन्हें निकाल देने की जरूरत आप समझते हैं? पाठक, मैं तो उनसे एक ही चीज मांगूंगा, वो है मेहरबानी करके आप हमारे मुल्क से चले जाएं। ये मांग वे कबूल करें और हिंदुस्तान से चले जाएं। तब भी अगर कोई ऐसा अर्थ का अनर्थ करे कि वे यहीं रहते हैं तो मुझे उसकी परवाह नहीं होगी। तब फिर हम ऐसा मानेंगे कि हमारी भाषा में कुछ लोग जाना का अर्थ रहना करते हैं। संपादक, अच्छा मान ले कि हमारी मांग के मुताबिक अंग्रेज चले गए, उसके बाद आप क्या करेंगे? पाठक, इस सवाल का जवाब अभी से दिया ही नहीं जा सकता। वे किस तरह जाते हैं उस पर बात की हालत का आधार होगा। मान ले कि आप कहते हैं उस तरह वे चले गए तो मुझे लगता है कि उनका बनाया हुआ विधान हम चालू रखेंगे और राज का कारोबार चलाएंगे। कहने से ही वे चले जाएं तो हमारे पास लश्कर तैयार ही होगा, इसलिए हमें राजकाज चलाने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। संपादक, आप भले ही ऐसा माने लेकिन मैं नहीं मानूंगा। फिर भी मैं इस बात पर ज्यादा बहस नहीं करना चाहता, मुझे तो आपके सवाल का जवाब देना है। वो जवाब मैं आपसे ही कुछ सवाल करके अच्छी तरह दे सकता हूँ, इसलिए कुछ सवाल आपसे करता हूँ। हम अंग्रेजों को क्यों निकालना चाहते हैं? पाठक, इसलिए कि उनके राज कारोबार से देश कंगाल होता जा रहा है। वे हर साल देश से धन ले जाते हैं, वे अपनी ही चमड़ी के लोगों को बड़े ओहदे देते हैं, हमें सिर्फ गुलामी में रखते हैं, हमारे साथ बेअदबी का बर्ताव करते हैं और हमारी जरा भी परवाह नहीं करते। संपादक, अगर वे धन बाहर न ले जाएं, नम्र बन जाएं और हमें बड़े ओहदे दें तो उनके रहने में आपको कुछ हर्ज है? पाठक, ये सवाल ही बेकार है। बाघ अपना रूप पलट दे तो उसकी भाई बंदी से कोई नुकसान है? ऐसा सवाल आपने पूछा ये सिर्फ वक्त बर्बाद करने की खातिर है।
अगर बाघ अपना स्वभाव बदल सके तो अंग्रेज लोग अपनी आदत छोड़ सकते हैं। जो कभी होने वाला नहीं वो होगा, ऐसा मानना मनुष्य की रीति नहीं है। संपादक, कैनेडी को जो राजसत्ता मिली है, बुआर लोगों को जो राजसत्ता मिली है, वैसे ही हमें मिले तो? पाठक, ये भी सवाल बेकार है। हमारे पास उनकी तरह गोला बारूद हो तब वैसा जरूर हो सकता है, लेकिन उन लोगों की जितनी सत्ता जब अंग्रेज हमें देंगे तब हम अपना ही झंडा रखेंगे, जैसा जापान वैसा हिंदुस्तान। अपनी जंगी बेड़ा, अपनी फौज और अपनी जाहो जलाली होगी और तभी हिंदुस्तान का सारी दुनिया में बोलबाला होगा। संपादक, ये तो आपने अच्छी तस्वीर खींची। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें अंग्रेजी राज्य तो चाहिए पर अंग्रेज नहीं चाहिए। आप बाघ का स्वभाव तो चाहते हैं लेकिन बाघ नहीं चाहते। मतलब ये हुआ कि आप हिंदुस्तान को अंग्रेज बनाना चाहते हैं, और हिंदुस्तान जब अंग्रेज बन जाएगा तब वो हिंदुस्तान नहीं कहा जाएगा लेकिन सच्चा इंग्लिस्तान कहा जाएगा। ये मेरी कल्पना का स्वराज नहीं। पाठक, मैंने तो जैसा मुझे सूझता है वैसा स्वराज बतलाया। हम जो शिक्षा पाते हैं वो अगर कुछ काम की हो, स्पेंसर मिल वगैरह महान लेखकों के जो लेख हम पढ़ते हैं वे कुछ काम के हो, अंग्रेजों की पार्लियामेंट पार्लियामेंट की माता हो, तो फिर बेशक मुझे तो लगता है कि हमें उनकी नकल करनी चाहिए। वो यहाँ तक कि जैसे वे अपने मुल्क में दूसरों को घुसने नहीं देते, वैसे हम भी दूसरों को ना घुसने दें। यो तो उन्होंने अपने देश में जो किया है वैसा और जगह अभी देखने में नहीं आता, इसलिए उसे तो हमें अपने देश में अपनाना ही चाहिए। लेकिन आप अपने विचार बतलाइए। संपादक, अभी देर है, मेरे विचार अपने आप इस चर्चा में आपको मालूम हो जाएंगे। स्वराज को समझना आपको जितना आसान लगता है उतना ही मुझे मुश्किल लगता है, इसलिए फिलहाल मैं आपको इतना ही समझाने की कोशिश करूंगा कि जिसे आप स्वराज कहते हैं वो सचमुच स्वराज नहीं है। अध्याय 5, इंग्लैंड की हालत। पाठक, आप जो कहते हैं उस पर से तो मैं यही अंदाजा लगाता हूं कि इंग्लैंड में जो राज चलता है वो ठीक नहीं है और हमारे लायक नहीं है। संपादक, आपका यही ख्याल सही है। इंग्लैंड में आज जो हालत है वो सचमुच दयनीय तरस खाने लायक है। मैं तो भगवान से यही मांगता हूँ कि हिंदुस्तान की ऐसी हालत कभी ना हो। जिसे आप पार्लियामेंटों की माता कहते हैं वो पार्लियामेंट तो बांझ और वैश्य है। ये दोनों शब्द बहुत कड़े हैं तो भी उस पर अच्छी तरह लागू होते हैं। मैंने उसे बांझ कहा क्योंकि अब तक उस पार्लियामेंट ने अपने आप एक भी अच्छा काम नहीं किया। अगर उस पर जोर दबाव डालने वाला कोई ना हो तो वो कुछ भी ना करे, ऐसी उसकी कुदरती हालत है। और वो बेसवा है क्योंकि जो मंत्रिमंडल उसे रखे उसके पास वो रहती है। आज उसका मालिक एस्क्विथ है तो कल बालफर होगा और परसों तीसरा कोई। पाठक, आपके बोलने में कुछ व्यंग है। बांझ शब्द तो अब तक आपने लागू नहीं किया। पार्लियामेंट लोगों की बनी है इसलिए बेशक लोगों के दबाव से ही वो काम करेगी, वही उसका गुण है, उसके ऊपर का अंकुश है। संपादक, ये बड़ी गलत बात है। अगर पार्लियामेंट बांझ ना हो तो इस तरह होना चाहिए, लोग उसमें अच्छे से अच्छे मेंबर चुनकर भेजते हैं। मेंबर तनख्वाह नहीं लेते इसलिए उन्हें लोगों की भलाई के लिए जाना चाहिए। लोग खुद सुशिक्षित संस्कारी माने जाते हैं इसलिए उनसे भूल नहीं होती, ऐसा हमें मानना चाहिए। ऐसी पार्लियामेंट को अर्जी की जरूरत नहीं होनी चाहिए न दबाव की। उस पार्लियामेंट का काम इतना सरल होना चाहिए कि दिन ब दिन उसका तेज बढ़ता जाए और लोगों पर उसका असर होता जाए। लेकिन इससे उल्टे इतना तो सब कबूल करते हैं कि पार्लियामेंट के मेंबर दिखावटी और स्वार्थी पाए जाते हैं। सब अपना मतलब साधने की सोचते हैं। सिर्फ डर के कारण ही पार्लियामेंट कुछ काम करती है। जो काम आज किया वो कल उसे रद्द करना पड़ता है। आज तक एक भी चीज को पार्लियामेंट में ठिकाने लगाया गया हो ऐसी कोई मिसाल देखने में नहीं आती। बड़े सवालों की चर्चा जब पार्लियामेंट में चलती है तब उसके मेंबर पैर फैलाकर लेटते हैं या बैठे बैठे झपकियां लेते हैं। उस पार्लियामेंट के मेंबर इतने जोरों से चिल्लाते हैं कि सुनने वाले हैरान परेशान हो जाते हैं। उसके एक महान लेखक ने उसे दुनिया की बातूनी जैसा नाम दिया है। अगर कोई निष्पक्ष मेंबर इसमें अपवाद रूप निकल आए तो उसकी कमबख्ती ही समझिए। जितना समय और पैसा पार्लियामेंट खर्च करती है उतना समय पैसा अगर अच्छे लोगों को मिले तो प्रजा का उद्धार हो जाए। ब्रिटिश पार्लियामेंट महज प्रजा का खिलौना है और वो खिलौना प्रजा को भारी खर्च में डालता है। ये विचार मेरे खुद के हैं, ऐसा आप न माने। बड़े और विचारशील अंग्रेज ऐसा विचार रखते हैं। एक मेंबर ने तो यहाँ तक कहा है कि पार्लियामेंट धर्मिष्ठ आदमी के लायक नहीं रही। दूसरे मेंबर ने तो कहा है कि पार्लियामेंट एक बच्चा है। बच्चों को कभी आपने हमेशा बच्चे ही रहते देखा है? आज 700 बरस के बाद भी अगर पार्लियामेंट बच्चा ही हो
तो वो बड़ी कब होगी? पाठक, आपने मुझे सचमुच सोच में डाल दिया। ये सब मुझे तुरंत मान लेना चाहिए, ऐसा तो आप नहीं कहेंगे। आप बिल्कुल निराले विचार मेरे मन में पैदा कर रहे हैं, मुझे उन्हें हजम करना होगा। अच्छा, वैश्या शब्द का विवेचन कीजिए। संपादक, मेरे विचारों को आप तुरंत नहीं मान सकते, ये बात ठीक है। उसके बारे में आपको जो साहित्य पढ़ना चाहिए वो आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ ख्याल आएगा। पार्लियामेंट को मैंने वैश्या कहा, वो भी ठीक है, उसका कोई मालिक नहीं है, उसका कोई एक मालिक नहीं हो सकता। लेकिन मेरे कहने का मतलब इतना ही नहीं है। जब कोई उसका मालिक बनता है, जैसे प्रधानमंत्री, तब भी उसकी चाल एक सरीखी नहीं रहती। जैसे बुरे हाल वैश्या के होते हैं, वैसे ही सदा पार्लियामेंट के होते हैं। प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट की थोड़ी ही परवाह रहती है, वो तो अपनी सत्ता के मद में मस्त रहता है। अपना दल कैसे जीते, इसी की लगन उसे रहती है। पार्लियामेंट सही काम कैसे करे, इसका वो बहुत कम विचार करता है। अपने दल को बलवान बनाने के लिए प्रधानमंत्री पार्लियामेंट से कैसे कैसे काम करवाता है, इसकी मिसालें जितनी चाहिए उतनी मिल सकती हैं। ये सब सोचने लायक है। पाठक, तब तो आज तक जिन्हें हम देशाभिमानी और ईमानदार समझते आए हैं, उन पर भी आप टूट पड़ते हैं। संपादक, हाँ ये सच है, मुझे प्रधानमंत्रियों से द्वेष नहीं है, लेकिन तजुर्बे से मैंने देखा है कि वे सच्चे देशाभिमानी नहीं कहे जा सकते। जिसे हम घूस कहते हैं, वो घूस वे खुल्लम खुल्ला नहीं लेते देते। इसलिए भले ही वे ईमानदार कहे जाएं, लेकिन उनके पास बसीला काम कर सकता है। वे दूसरों से काम निकालने के लिए उपाधि वगैरह की घूस बहुत देते हैं। मैं हिम्मत के साथ कह सकता हूं कि उनमें शुद्ध भावना और सच्ची ईमानदारी नहीं होती। पाठक, जब आपके ऐसे ख्याल हैं, तो जिन अंग्रेजों के नाम से पार्लियामेंट राज करती है उनके बारे में आप कुछ कहिए, ताकि उनके स्वराज का पूरा ख्याल मुझे आ जाए। संपादक, जो अंग्रेज वोटर हैं, उनकी धर्म पुस्तक तो है अखबार। वे अखबारों से अपने विचार बनाते हैं। अखबार अप्रामाणिक होते हैं, एक ही बात को दो शक्लें देते हैं। एक दल वाले उसी बात को बड़ी बनाकर दिखाते हैं, तो दूसरे दल वाले उसी को छोटी कर डालते हैं। एक अखबार वाला किसी अंग्रेज नेता को प्रामाणिक मानेगा, तो दूसरा अखबार वाला उसको अप्रामाणिक मानेगा। जिस देश में ऐसे अखबार हैं, उस देश के आदमियों की कैसी दुर्दशा होगी। पाठक, ये तो आप ही बताइए। संपादक, उन लोगों के विचार घड़ी घड़ी में बदलते हैं। उन लोगों में ये कहावत है कि सात सात बरस में रंग बदलता है। घड़ी के लोलक की तरह वे इधर उधर घूम सकते हैं, जमकर वे बैठ ही नहीं सकते। कोई दौर दमाम वाला आदमी हो और उसने अगर बड़ी बड़ी बातें कर दी या दावतें दे दी, तो वे नकारची की तरह उसी के ढोल पीटने लग जाते हैं। ऐसे लोगों की पार्लियामेंट भी ऐसी ही होती है। उनमें एक बात जरूर है, वो ये कि वे अपने देश को खाएंगे नहीं। अगर किसी ने उस पर बुरी नजर डाली तो वे इसकी मिट्टी पलीत कर देंगे। लेकिन इससे उस प्रजा में सब गुण आ गए या उस प्रजा की नकल की जाए, ऐसा नहीं कह सकते। अगर हिंदुस्तान अंग्रेज प्रजा की नकल करे तो हिंदुस्तान बर्बाद हो जाए, ऐसा मेरा पक्का ख्याल है। पाठक, अंग्रेज प्रजा ऐसी हो गई है, इसके आप क्या कारण मानते हैं? संपादक, इसमें अंग्रेजों का कोई खास कसूर नहीं है, वो यूरोप की आजकल की सभ्यता का कसूर है। वो सभ्यता नुकसानदेह है और उससे यूरोप की प्रजा बर्बाद होती जा रही है। अध्याय 6, सभ्यता का दर्शन। पाठक, अब तो आपको सभ्यता की भी बात करनी होगी। आपके हिसाब से तो ये सभ्यता बिगाड़ करने वाली है। संपादक, मेरे हिसाब से ही नहीं, बल्कि अंग्रेज लेखकों के हिसाब से भी ये सभ्यता बिगाड़ करने वाली है। उसके बारे में बहुत किताबें लिखी गई हैं। वहां इस सभ्यता के खिलाफ मंडल भी कायम हो रहे हैं। एक लेखक ने सभ्यता, उसके कारण और उसकी दवा नाम की किताब लिखी है। उसमें उसने ये साबित किया है कि ये सभ्यता एक तरह का रोग है। पाठक, ये सब हम क्यों नहीं जानते? संपादक, इसका कारण तो साफ है। कोई भी आदमी अपने खिलाफ जाने वाली बात करे, ऐसा शायद ही होता है। आज की सभ्यता के मुंह में फंसे हुए लोग उसके खिलाफ नहीं लिखेंगे, उल्टे उसको सहारा मिले ऐसी ही बातें और दलीलें ढूंढ निकालेंगे। ये वे जानबूझकर करते हैं, ऐसा भी नहीं है। वे जो लिखते हैं उसे खुद सच मानते हैं। नींद में आदमी जो सपना देखता है उसे वो सही मानता है। जब उसकी नींद खुलती है तभी उसे अपनी गलती मालूम होती है। ऐसी ही दशा सभ्यता के मोह में फंसे हुए आदमी की होती है। हम जो बातें पढ़ते हैं वे सभ्यता की हिमायत करने वालों की लिखी बातें होती हैं। उनमें बहुत होशियार और भले आदमी हैं। उनके लेखों से हम चौंधिया जाते हैं, जो एक के बाद दूसरा आदमी उसमें फंसता जाता है। पाठक, ये बात आपने ठीक कही। अब आपने जो कुछ पढ़ा और सोचा है उसका ख्याल मुझे दीजिए। संपादक, पहले तो हम ये सोचें कि सभ्यता किस हालत का नाम है।
इस सभ्यता की सही पहचान तो ये है कि लोग बाहरी दुनिया की खोजों में और शरीर के सुख में धन्यता, सार्थकता और पुरुषार्थ मानते हैं। इसकी कुछ मिसालें लें। 100 साल पहले यूरोप के लोग जैसे घरों में रहते थे, उनसे ज्यादा अच्छे घरों में आज वे रहते हैं। ये सभ्यता की निशानी मानी जाती है। इसमें शरीर के सुख की बात है। इसके पहले लोग चमड़े के कपड़े पहनते थे और भालों का इस्तेमाल करते थे। अब वे लंबे पतलून पहनते हैं और शरीर को सजाने के लिए तरह तरह के कपड़े बनवाते हैं, और भाले के बदले एक के बाद एक 5 गोलियां छोड़ सके ऐसी चक्कर वाली बंदूक इस्तेमाल करते हैं। ये सभ्यता की निशानी है। किसी मुल्क के लोग जो जूते वगैरह नहीं पहनते हो, जब यूरोप के कपड़े पहनना सीखते हैं तो जंगली हालत में से सभ्य हालत में आए हुए माने जाते हैं। पहले यूरोप में लोग मामूली हल की मदद से अपने लिए जोत मेहनत करके जमीन जोतते थे। उनकी जगह आज भाप के यंत्रों से हल चलाकर एक आदमी बहुत सारी जमीन जोत सकता है और बहुत सा पैसा जमा सकता है। ये सभ्यता की निशानी मानी जाती है। पहले लोग कुछ ही किताबें लिखते थे और वे अनमोल मानी जाती थी। आज हर कोई चाहे जो लिखता है और छपवाता है और लोगों के मन को भरमाता है। ये सभ्यता की निशानी है। पहले लोग बैलगाड़ी से रोज 12 कोस की मंजिलें तय करते थे, आज रेलगाड़ी से 400 कोस की मंजिल मारते हैं। ये तो सभ्यता की चोटी मानी गई है। ये सभ्यता जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ये सोचा जाता है कि लोग हवाई जहाज से सफर करेंगे और थोड़े ही घंटों में दुनिया के किसी भी भाग में पहुंच जाएंगे। लोगों को हाथ पैर हिलाने की जरूरत नहीं होगी। एक बटन दबाया कि आदमी के सामने पहनने की पोशाक हाजिर हो जाएगी, दूसरा बटन दबाया कि उसे अखबार मिल जाएंगे, तीसरा बटन दबाया कि उसके लिए गाड़ी तैयार हो जाएगी, हमेशा नए भोजन मिलेंगे, हाथ पैर का काम नहीं पड़ेगा, सारा काम कल से ही किया जाएगा। पहले जब लोग लड़ना चाहते थे तो एक दूसरे का शरीर बल आजमाते थे, आज तो तोप के एक गोले से हजारों जानें ली जा सकती हैं। ये सभ्यता की निशानी है। पहले लोग खुली हवा में अपने को ठीक लगे उतना काम स्वतंत्रता से करते थे, अब हजारों आदमी अपने गुजारे के लिए इकट्ठा होकर बड़े कारखाने में या खानों में काम करते हैं। उनकी हालत जानवर से भी बदतर हो गई है। उन्हें शीशे वगैरह के कारखानों में जान को जोखिम में डालकर काम करना पड़ता है। इसका लाभ पैसेदार लोगों को मिलता है। पहले लोगों को मारपीट कर गुलाम बनाया जाता था, आज लोगों को पैसे का और लोभ का लालच देकर गुलाम बनाया जाता है। पहले जैसे रोग नहीं थे, वैसे रोग आज लोगों में पैदा हो गए हैं और उसके साथ डॉक्टर खोज करने लगे हैं कि ये रोग कैसे मिटाए जाए। ऐसा करने से अस्पताल बढ़े हैं। ये सभ्यता की निशानी मानी जाती है। पहले लोग पत्र लिखते थे, तब खास कासिद उसे ले जाता था और उसके लिए काफी खर्च लगता था। आज मुझे किसी को गालियां देने के लिए पत्र लिखना हो तो 1 पैसे में मैं गालियां दे सकता हूँ। किसी को मुझे मुबारकबाद देना हो तो भी मैं उसे उसी दाम में पत्र भेज सकता हूँ। ये सभ्यता की निशानी है। पहले लोग 2 या 3 बार खाते थे, और वो भी खुद हाथ से पकाई हुई रोटी और थोड़ी सी तरकारी। अब तो हर 2 घंटे पर खाना चाहिए, और वो यहाँ तक कि लोगों को खाने से फुर्सत ही नहीं मिलती। और कितना कहूँ, ये सब आप किसी भी पुस्तक में पढ़ सकते हैं। ये सब सभ्यता की सच्ची निशानियां मानी जाती हैं। और अगर कोई भी इससे भिन्न बात समझाए तो वो भोला है, ऐसा निश्चय ही मानिए। सभ्यता तो मैंने जो बताई वही मानी जाती है, उसमें नीति या धर्म की बात ही नहीं है। सभ्यता के हिमायती साफ कहते हैं कि उनका काम लोगों को धर्म सिखाने का नहीं है। धर्म तो ढोंग है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं, और कुछ लोग धर्म का दंभ करते हैं, नीति की बातें भी करते हैं। फिर भी मैं आपसे 20 बरस के अनुभव के बाद कहता हूँ कि नीति के नाम से अनीति सिखलाई जाती है। ऊपर की बातों में नीति हो ही नहीं सकती, ये कोई बच्चा भी समझ सकता है। शरीर का सुख कैसे मिले, यही आज की सभ्यता ढूंढती है और यही देने की वो कोशिश करती है, परंतु वो सुख भी नहीं मिल पाता। ये सभ्यता तो अधर्म है, और ये यूरोप में इतने दर्जे तक फैल गई है कि वहाँ के लोग आधे पागल जैसे देखने में आते हैं। उनमें सच्ची कुवत नहीं है, वे नशा करके अपनी ताकत कायम रखते हैं, एकांत में वे बैठ ही नहीं सकते। जो स्त्रियां घर की रानियां होनी चाहिए, उन्हें गलियों में भटकना पड़ता है या कोई मजदूरी करनी पड़ती है। इंग्लैंड में ही 40 लाख गरीब औरतों को पेट के लिए सख्त मजदूरी करनी पड़ती है, और आजकल इसके लिए सफ्रेजेट का आंदोलन चल रहा है। ये सभ्यता ऐसी है कि अगर हम धीरज धर कर बैठे रहेंगे तो सभ्यता की चपेट में आए हुए लोग खुद की जलाई हुई आग में जल मरेंगे। पैगंबर मोहम्मद साहब की सीख के मुताबिक ये शैतानी सभ्यता है। हिंदू धर्म इसे निरा कलयुग कहता है। मैं आपके सामने इस सभ्यता का हूबहु चित्र नहीं खींच सकता, ये मेरी शक्ति के बाहर है, लेकिन आप समझ सकेंगे कि इस सभ्यता के कारण अंग्रेज प्रजा में सड़न ने घर कर लिया है। ये सभ्यता दूसरों का नाश करने वाली और खुद नाशवान है, इससे दूर रहना चाहिए, और इसलिए ब्रिटिश और दूसरी पार्लियामेंट बेकार हो गई है।
ब्रिटिश पार्लियामेंट अंग्रेजी प्रजा की गुलामी की निशानी है, ये पक्की बात है। आप पढ़ेंगे और सोचेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा। इसमें आप अंग्रेजों का दोष ना निकालें, उन पर तो हमें दया आनी चाहिए। वे काबिल प्रजा है, इसलिए किसी दिन उस जाल से निकल जाएंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। वे साहसी और मेहनती हैं, मूल में उनके विचार अनीति भरे नहीं है। इसलिए उनके बारे में मेरे मन में उत्तम ख्याल ही है। उनका दिल बुरा नहीं है, ये सभ्यता उनके लिए कोई अमिट रोग नहीं है, लेकिन अभी वे इस रोग में फंसे हुए हैं, ये तो हमें भूलना ही नहीं चाहिए। अध्याय 7, हिंदुस्तान अंग्रेजों के हाथों में कैसे गया। पाठक, आपने सभ्यता के बारे में बहुत कुछ कहा और मुझे विचार में डाल दिया। अब तो मैं इस संकट में आ पड़ा हूँ कि यूरोप की प्रजा से मैं क्या लूं और क्या ना लूं। लेकिन एक सवाल मेरे मन में तुरंत उठता है, अगर आज की सभ्यता बिगाड़ करने वाली है, एक रोग है, तो ऐसी सभ्यता में फंसे हुए अंग्रेज हिंदुस्तान को कैसे ले सके, इसमें वे कैसे रह सकते हैं। संपादक, आपके इस सवाल का जवाब कुछ आसानी से दिया जा सकेगा और अब थोड़ी देर में हम स्वराज के बारे में भी विचार कर सकेंगे। आपके इस सवाल का जवाब अभी देना बाकी है, ये मैं भूला नहीं हूँ, लेकिन आपके आखिरी सवाल पर हम आए। हिंदुस्तान अंग्रेजों ने लिया सो बात नहीं है, बल्कि हमने उन्हें दिया है। हिंदुस्तान में वे अपने बल से नहीं टिके हैं, बल्कि हमने उन्हें टिका रखा है। वो कैसे सो देखें? आपको मैं याद दिलाता हूँ कि हमारे देश में वे दरअसल व्यापार के लिए आए थे। आप अपनी कंपनी बहादुर को याद कीजिए, उसे बहादुर किसने बनाया? वे बेचारे तो राज करने का इरादा भी नहीं रखते थे। कंपनी के लोगों की मदद किसने की? उनकी चांदी को देखकर कौन मोह में पड़ जाता था? उनका माल कौन बेचता था? इतिहास सबूत देता है कि ये सब हम ही करते थे। जल्दी पैसा बनाने के मतलब से हम उनका स्वागत करते थे, हम उनकी मदद करते थे। मुझे भांग पीने की आदत हो और भांग बेचने वाला मुझे भांग बेचे, तो कसूर बेचने वाले का निकालना चाहिए या अपना खुद का? बेचने वाले का कसूर निकालने से मेरा व्यसन थोड़ा ही मिटने वाला है। एक बेचने वाले को भगा देंगे तो क्या दूसरे मुझे भांग नहीं बेचेंगे? हिंदुस्तान के सच्चे सेवक को अच्छी तरह खोज करके इसकी जड़ तक पहुंचना होगा। ज्यादा खाने से अगर मुझे अजीर्ण हुआ हो तो मैं पानी का दोष निकालकर अजीर्ण दूर नहीं कर सकूंगा। सच्चा डॉक्टर तो वह है जो रोग की जड़ खोजे। आप अगर हिंदुस्तान के रोग के डॉक्टर होना चाहते हैं तो आपको रोग की जड़ खोजनी ही पड़ेगी। पाठक, आप सच कहते हैं। अब मुझे समझाने के लिए आपको दलील करने की जरूरत नहीं होगी। मैं आपके विचार जानने के लिए अधीर बन गया हूँ। अब हम बहुत ही दिलचस्प विषय पर आ गए हैं, इसलिए मुझे आप अपने ही विचार बताएं। जब उनके बारे में शंका पैदा होगी तब मैं आपको रोकूंगा। संपादक, बहुत अच्छा, पर मुझे डर है कि आगे चलने पर हमारे बीच फिर से मतभेद जरूर होगा। फिर भी जब आप मुझे रोकेंगे तभी मैं दलील पर उतरूंगा। हमने देखा है कि अंग्रेज व्यापारियों को हमने बढ़ावा दिया तभी वे हिंदुस्तान में अपने पैर फैला सके। वैसे ही जब हमारे राजा लोग आपस में झगड़े तब उन्होंने कंपनी बहादुर से मदद मांगी। कंपनी बहादुर व्यापार और लड़ाई के काम में कुशल थी, उसमें उसे अनीति नीति की अड़चन नहीं थी। व्यापार बढ़ाना और पैसा कमाना यही उसका धंधा था। उसमें जब हमने मदद दी तब उसने हमारी मदद ली और अपनी कोठियां बनाई। कोठियों का बचाव करने के लिए उसने लश्कर रखा, उस लश्कर का हमने उपयोग किया, इसलिए अब उसे दोष देना बेकार है। उस वक्त हिंदू मुसलमानों के बीच बैर था, कंपनी को उससे मौका मिला। इस तरह हमने कंपनी के लिए ऐसे संजोग पैदा किए जिससे हिंदुस्तान पर उसका अधिकार हो जाए, इसलिए हिंदुस्तान गया। ऐसा कहने के बजाय ज्यादा सच ये कहना होगा कि हमने हिंदुस्तान अंग्रेजों को दिया। पाठक, अब अंग्रेज हिंदुस्तान को कैसे रख सकते हैं, सो कहिए। संपादक, जैसे हमने हिंदुस्तान उन्हें दिया वैसे ही हम हिंदुस्तान को उनके पास रहने देते हैं। उन्होंने तलवार से हिंदुस्तान लिया, ऐसा उनमें से कुछ कहते हैं, और ऐसा भी कहते हैं कि तलवार से उसे रख रहे हैं। ये दोनों बातें गलत हैं। हिंदुस्तान को रखने के लिए तलवार किसी काम में नहीं आ सकती। हम खुद ही उन्हें यहाँ रहने देते हैं। नेपोलियन ने अंग्रेजों को व्यापारी प्रजा कहा है, वो बिल्कुल ठीक बात है। वे जिस देश को अपने काबू में रखते हैं उसे व्यापार के लिए रखते हैं, ये जानने लायक है। उनकी फौजें और जंगी बेड़े सिर्फ व्यापार की रक्षा के लिए हैं। जब ट्रांसवाल में व्यापार का लालच नहीं था तब मिस्टर ग्लेडस्टन को तुरंत सूझ गया था कि ट्रांसवाल अंग्रेजों को नहीं रखना चाहिए। जब ट्रांसवाल में व्यापार का आकर्षण देखा तब उससे लड़ाई की गई और मिस्टर चेम्बरलेन ने यह ढूंढ निकाला कि ट्रांसवाल पर अंग्रेजों की हुकूमत है। मरहूम प्रेसिडेंट क्रूगर से किसी ने सवाल किया, चांद में सोना है या नहीं? उसने जवाब दिया, चांद में सोना होने की संभावना नहीं है, क्योंकि सोना होता तो अंग्रेज अपने राज के साथ उसे जोड़ देते। पैसा उनका खुदा है, ये ध्यान में रखने से बात साफ हो जाएगी। तब अंग्रेजों को हम हिंदुस्तान में सिर्फ अपनी गरज से रखते हैं।
हमें उनका व्यापार पसंद आता है। वे चालबाजी करके हमें रिझाते हैं और रिझा कर हमसे काम लेते हैं। इसमें उनका दोष निकालना उनकी सत्ता को निभाने जैसा है। इसके अलावा हम आपस में झगड़ कर उन्हें ज्यादा बढ़ावा देते हैं। अगर आप ऊपर की बात को ठीक समझते हैं तो हमने ये साबित कर दिया है कि अंग्रेज व्यापार के लिए यहाँ आए, व्यापार के लिए यहाँ रहते हैं और उनके रहने में हम ही मददगार हैं। उनके हथियार तो बिल्कुल बेकार हैं। इस मौके पर मैं आपको याद दिलाता हूँ कि जापान में अंग्रेजी झंडा लहराता है, ऐसा आप मानिए। जापान के साथ अंग्रेजों ने जो करार किया है वो अपने व्यापार के लिए किया है और आप देखेंगे कि जापान में अंग्रेज लोग अपना व्यापार खूब जमाएंगे। अंग्रेज अपने माल के लिए सारी दुनिया को अपना बाजार बनाना चाहते हैं। ये सच है कि वे ऐसा नहीं कर सकेंगे, इसमें उनका कोई कसूर नहीं माना जा सकता। अपनी कोशिश में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। अध्याय 8, हिंदुस्तान की दशा। पाठक, हिंदुस्तान अंग्रेजों के हाथ में क्यों है ये समझा जा सकता है। अब मैं हिंदुस्तान की हालत के बारे में आपके विचार जानना चाहता हूँ। संपादक, आज हिंदुस्तान की रंक दशा है। ये आपसे कहते हुए मेरी आंखों में पानी भर जाता है और गला सूख जाता है। ये बात मैं आपको पूरी तरह समझा सकूंगा या नहीं, इस बारे में मुझे शक है। मेरी पक्की राय है कि हिंदुस्तान अंग्रेजों से नहीं बल्कि आजकल की सभ्यता से कुचला जा रहा है। उसकी चपेट में वो फंस गया है। उसमें से बचने का अभी भी उपाय है, लेकिन दिन ब दिन समय बीतता जा रहा है। मुझे तो धर्म प्यारा है, इसलिए पहला दुख मुझे ये है कि हिंदुस्तान धर्म भ्रष्ट होता जा रहा है। धर्म का अर्थ मैं यहाँ हिंदू मुस्लिम या जरथोस्त्री धर्म नहीं कहता, लेकिन इन सब धर्मों के अंदर जो धर्म है वो हिंदुस्तान से जा रहा है। हम सब ईश्वर से विमुख होते जा रहे हैं। पाठक, सो कैसे? संपादक, हिंदुस्तान पर यह तोहमत है कि हम आलसी हैं और गोरे लोग मेहनती और उत्साही हैं। इसे हमने मान लिया है, इसलिए हम अपनी हालत को बदलना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम जरथोस्ती ईसाई सब धर्म सिखाते हैं कि हमें दुनियावी बातों के बारे में मंद और धार्मिक बातों के बारे में उत्साही रहना चाहिए। हमें अपने दुनियावी लोभ की हद बांधनी चाहिए और धार्मिक लोभ को खुला छोड़ देना चाहिए। हमारा उत्साह धार्मिक लोभ में ही रहना चाहिए। पाठक, इससे तो मालूम होता है कि आप पाखंडी बनने की तालीम देते हैं। धर्म के बारे में ऐसी बातें करके ठग लोग दुनिया को ठगते आए हैं और आज भी ठग रहे हैं। संपादक, आप धर्म पर गलत आरोप लगाते हैं। पाखंडी तो सब धर्मों में है। जहाँ सूरज है वहाँ अंधेरा रहता ही है। परछाई हर एक चीज के साथ जुड़ी हुई है। धार्मिक ठगों को आप दुनियावी ठगों से अच्छे पाएंगे। सभ्यता में जो पाखंड मैं आपको बता चुका हूँ वैसा पाखंड धर्म में मैंने कभी नहीं देखा। पाठक, ये कैसे कहा जा सकता है? धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमान लड़े, धर्म के नाम पर ईसाइयों में बड़े बड़े युद्ध हुए, धर्म के नाम पर हजारों बेगुनाह लोग मारे गए, उन्हें जला दिया गया, उन पर बड़ी बड़ी मुसीबतें गुजारी गईं। ये तो सभ्यता से बदतर ही माना जाएगा। संपादक, मैं तो कहूंगा कि ये सब सभ्यता के दुख से ज्यादा बर्दाश्त हो सकने जैसा है। आपने जो कुछ कहा वो पाखंड है, ऐसा सब लोग समझते हैं। इसलिए पाखंड में फंसे हुए लोग मर गए कि सारा सवाल हल हो गया। जहाँ भोले लोग हैं वहाँ ऐसा ही चलता रहेगा, लेकिन उसका असर हमेशा के लिए बुरा नहीं रहता। सभ्यता की होली में जो लोग जल मरे हैं उनकी तो कोई हद ही नहीं है। उसकी खूबी यह है कि लोग उसे अच्छा मानकर उसमें कूद पड़ते हैं। फिर वे ना तो रहते दीन के और ना रहते दुनिया के, वे सच बात को बिल्कुल भूल जाते हैं। सभ्यता ऊपर से तो सांत्वना देती है, लेकिन अंदर से चूहे की तरह कुतर कर खोखला कर देती है। उसका असर जब हम जानेंगे तब पुराने वहम मुकाबले में हमें मीठे लगेंगे। मेरा कहना ये नहीं कि हमें उन वहमों को कायम रखना चाहिए, नहीं, उनके खिलाफ तो हम लड़ेंगे ही, लेकिन वो लड़ाई धर्म को भूलकर नहीं लड़ी जाएगी बल्कि सही तौर पर धर्म को समझकर और उसकी रक्षा करके लड़ी जाएगी। पाठक, तब तो आप ये भी कहेंगे कि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में शांति का जो सुख हमें दिया है वो बेकार है। संपादक, आप भले शांति देखते हो पर मैं तो शांति का सुख नहीं देखता। पाठक, तब तो ठग पिंडारी भील वगैरह देश में जो त्रास गुजारते थे उनमें आपके ख्याल से कोई बुराई नहीं थी? संपादक, आप जरा सोचेंगे तो मालूम होगा कि उनका त्रास बहुत कम था। अगर सचमुच उनका त्रास भयंकर होता तो प्रजा का जड़मूल से कभी का नाश हो जाता, और हाल की शांति तो नाम की ही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस शांति से हम नामर्द, नपुंसक और डरपोक बन गए हैं। भीलों और पिंडारियों का स्वभाव अंग्रेजों ने बदल दिया है, ऐसा हम न मान ले। हम पर ऐसा जुल्म होता हो तो हमें उसे बर्दाश्त करना चाहिए, लेकिन दूसरे लोग हमें उस जुल्म से बचावें ये तो हमारे लिए बिल्कुल कलंक जैसा है। हम कमजोर और डरपोक बने, इससे तो भीलों के तीर कमान से मरना मुझे ज्यादा पसंद है। उस हालत में जो हिंदुस्तान था उसका जोश कुछ दूसरा ही था।
मैकाले ने हिंदुस्तानियों को नामर्द माना वो उसकी अधम अज्ञान दशा को बताता है। हिंदुस्तानी कभी नामर्द नहीं थे। ये जान लीजिए कि जिस देश में पहाड़ी लोग बसते हैं, जहां बाघ भेड़िए रहते हैं, उस देश के रहने वाले अगर सचमुच डरपोक हों तो उसका नाश ही हो जाए। आप कभी खेतों में गए हैं? मैं आपसे यकीनन कहता हूं कि हमारे खेतों में किसान आज भी निर्भय होकर सोते हैं, जबकि अंग्रेज और आप वहां सोने के लिए आनाकानी करेंगे। बल तो निर्भयता में है, बदन पर मांस के लौंदे होने में बल नहीं है। आप थोड़ा भी सोचेंगे तो इस बात को समझ जाएंगे। और आपको जो स्वराज चाहने वाले हैं, मैं सावधान करता हूं कि भील, पिंडारी और ठग ये सब हमारे ही देशी भाई हैं। उन्हें जीतना मेरा और आपका काम है। जब तक आपके ही भाई का डर आपको रहेगा, तब तक आप कभी मकसद हासिल नहीं कर सकेंगे। अध्याय 9, हिंदुस्तान की दशा, रेलगाड़ियां। पाठक, हिंदुस्तान की शांति के बारे में मेरा जो मोह था वो आपने ले लिया है। अब तो याद नहीं आता कि आपने मेरे पास कुछ भी रहने दिया हो। संपादक, अब तक तो मैंने आपको सिर्फ धर्म की दशा का ही ख्याल कराया है, लेकिन हिंदुस्तान रंक क्यों है इस बारे में मैं अपने विचार आपको बताऊंगा, तब तो शायद आप मुझसे नफरत ही करेंगे, क्योंकि आज तक हमने और आपने जिन चीजों को लाभकारी माना है वे तो मुझे नुकसानदेह ही मालूम होती हैं। पाठक, वे क्या हैं? संपादक, हिंदुस्तान को रेलों ने, वकीलों ने और डॉक्टरों ने कंगाल बना दिया है। ये एक ऐसी हालत है कि अगर हम समय पर नहीं चेतेंगे तो चारों ओर से घिर कर बर्बाद हो जाएंगे। पाठक, मुझे डर है कि हमारे विचार कभी मिलेंगे या नहीं। आपने तो जो कुछ अच्छा देखने में आया है और अच्छा माना गया है उसी पर धावा बोल दिया है, अब बाकी क्या रहा? संपादक, आपको धीरज रखना होगा। सभ्यता नुकसान करने वाली कैसे है ये तो मुश्किल से ही मालूम हो सकता है। डॉक्टर आपको बतलाएंगे कि क्षय का मरीज मौत के दिन तक भी जीने की आशा रखता है। क्षय का रोग बाहर दिखाई देने वाली हानि नहीं पहुंचाता, और वो रोग आदमी को झूठी लाली देता है। इससे बीमार विश्वास में बहता रहता है और आंखें डूब जाता है। सभ्यता का भी ऐसा ही समझिए, वो एक अदृश्य रोग है, उससे चेत कर रहिए। पाठक, अच्छा तो अब आप अपना रेल, अच्छा तो अब आप रेल पुराण सुनाइए। संपादक, आपके दिल में ये बात तुरंत उठेगी कि अगर रेल ना हो तो अंग्रेजों का काबू हिंदुस्तान पर जितना है उतना तो नहीं ही रहेगा। रेल से महामारी फैली है। अगर रेलगाड़ी ना हो तो कुछ ही लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे और इस कारण संक्रामक रोग सारे देश में नहीं पहुंचेंगे। पहले हम कुदरती तौर पर ही सेग्रीगेशन सूतक पालते थे। रेल से अकाल बढ़े क्योंकि रेलगाड़ी की सुविधा के कारण लोग अपना अनाज बेच डालते हैं। जहां महंगाई हो वहां अनाज खिंच जाता है, लोग लापरवाह बनते हैं और उससे अकाल का दुख बढ़ता है। रेल से दुष्टता बढ़ती है, बुरे लोग अपनी बुराई तेजी से फैला सकते हैं। हिंदुस्तानियों में जो पवित्र स्थान थे वे अपवित्र बन गए हैं। पहले लोग बड़ी मुसीबत से वहां जाते थे, ऐसे लोग वहां सच्ची भावना से ईश्वर को भेजने जाते थे। अब तो ठगों की टोली सिर्फ ठगने के लिए वहां जाती है। पाठक, ये तो आपने एक तरफा बात कही, जैसे खराब लोग वहां जा सकते हैं वैसे अच्छे लोग भी तो जा सकते हैं, वे क्यों रेलगाड़ी का पूरा लाभ नहीं लेते? संपादक, जो अच्छा होता है वो बीर बहुटी की तरह धीरे चलता है, उसकी रेल से नहीं बनती। अच्छा करने वाले के मन में स्वार्थ नहीं रहता, वो जल्दी नहीं करेगा। वो जानता है कि आदमी पर अच्छी बात का असर डालने में बहुत समय लगता है, बुरी बात ही तेजी से बढ़ सकती है। घर बनाना मुश्किल है, तोड़ना सहज है, इसलिए रेलगाड़ी हमेशा दुष्टता का ही फैलाव करेगी। ये बराबर समझ लेना चाहिए। उससे अकाल फैलेगा या नहीं, इस बारे में कोई शास्त्रकार मेरे मन में घड़ी भर शंका पैदा कर सकता है, लेकिन रेल से दुष्टता बढ़ती है। ये बात जो मेरे मन में जम गई है वो मिटने वाली नहीं है। पाठक, लेकिन रेल का सबसे बड़ा लाभ दूसरे सब नुकसानों को भुला देता है। रेल है तो आज हिंदुस्तानियों में एक राष्ट्र का जोश देखने में आता है, इसलिए मैं तो कहूंगा कि रेल के आने से कोई नुकसान नहीं हुआ है। संपादक, ये आपकी भूल ही है। आपको अंग्रेजों ने सिखाया है कि आप एक राष्ट्र नहीं थे, और एक राष्ट्र बनने में आपको सैकड़ों बरस लगेंगे। ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है। जब अंग्रेज हिंदुस्तान में नहीं थे तब हम एक राष्ट्र थे, हमारे विचार एक थे, हमारा रहन सहन एक था, तभी तो अंग्रेज ने यहाँ एक राज्य कायम किया। भेद तो हमारे बीच में बाद में उन्होंने पैदा किए। पाठक, ये बात मुझे ज्यादा समझनी होगी। संपादक, मैं जो कहता हूँ वो बिना सोचे समझे नहीं कहता। एक राष्ट्र का ये अर्थ नहीं कि हमारे बीच कोई मतभेद नहीं था, लेकिन हमारे मुख्य लोग पैदल या बैलगाड़ी में हिंदुस्तान का सफर करते थे। वे एक दूसरे की भाषा सीखते थे और उनके बीच कोई अंतर नहीं था।
जिन दूरदर्शी पुरुषों ने रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी और हरिद्वार की यात्रा ठहराई, उनका आपकी राय में क्या ख्याल होगा? वे मूर्ख नहीं थे, ये तो आप कबूल करेंगे। वे जानते थे कि ईश्वर भजन घर बैठे भी होता है। उन्हीं ने हमें यह सिखाया है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। लेकिन उन्होंने सोचा कि कुदरत ने हिंदुस्तान को एक देश बनाया है, इसलिए वो एक राष्ट्र होना चाहिए। इसलिए उन्होंने अलग अलग स्थान तय करके लोगों को एकता का विचार इस तरह दिया जैसे दुनिया में और कहीं नहीं दिया गया है। दो अंग्रेज जितने एक नहीं है, उतने हम हिंदुस्तानी एक थे और एक हैं। सिर्फ हम और आप जो खुद को सभ्य मानते हैं, उन्हीं के मन में ऐसा आभास पैदा हुआ कि हिंदुस्तान में अलग अलग राष्ट्र हैं। रेल के कारण हम अपने को अलग राष्ट्र मानने लगे और रेल के कारण एक राष्ट्र का ख्याल फिर से हमारे मन में आने लगा। ऐसा आप माने तो मुझे हर्ज नहीं है। अफीमची कह सकता है कि अफीम के नुकसान का पता मुझे अफीम से चला, इसलिए अफीम अच्छी चीज है। ये सब आप अच्छी तरह सोचिए, अभी आपके मन में और भी शंकाएं उठेंगी, लेकिन आप खुद उन सबको हल कर सकेंगे। पाठक, आपने जो कुछ कहा उस पर मैं सोचूंगा, लेकिन एक सवाल मेरे मन में इसी समय उठता है। मुसलमान हिंदुस्तान में आए उसके पहले के हिंदुस्तान की बात आपने की, लेकिन अब तो मुसलमानों, पारसियों, ईसाइयों की हिंदुस्तान में बड़ी संख्या है। वे एक राष्ट्र नहीं हो सकते। कहा जाता है कि हिंदू मुसलमानों में कट्टर बैर हैं। हमारी कहावतें भी ऐसी ही हैं, मियां और महादेव की नहीं बनेगी। हिंदू पूर्व में ईश्वर को पूछता है तो मुस्लिम पश्चिम से पूछता है। मुसलमान हिंदू को बुतपरस्त मूर्ति पूजक मानकर उससे नफरत करता है। हिंदू मूर्ति पूजक है, मुसलमान मूर्ति को तोड़ने वाला है। हिंदू गाय को पूजता है, मुसलमान उसे मारता है। हिंदू अहिंसक है, मुसलमान हिंसक है। यो पग पग में जो विरोध है वो कैसे मिटे और हिंदुस्तान एक कैसे हो? अध्याय 10, हिंदुस्तान की दशा, हिंदू मुसलमान। संपादक, आपका आखिरी सवाल बड़ा गंभीर मालूम होता है, लेकिन सोचने पर वो सहज मालूम होगा। ये सवाल उठा है, उसका कारण भी रेल और वकील और डॉक्टर है। वकीलों और डॉक्टरों का विचार अभी करना बाकी है, रेलों का विचार हम कर चुके हैं। इतना मैं जोड़ता हूँ कि मनुष्य इस तरह पैदा किया गया है कि अपने हाथ पैर से बने उतनी ही आगे जाने वगैरह की हलचल उसे करनी चाहिए। अगर हम रेल वगैरह साधनों से दौड़ धूप करें ही नहीं तो बहुत पेचीदे सवाल हमारे सामने आएंगे ही नहीं। हम खुद होकर खुद को न्योते देते हैं। भगवान ने मनुष्य की हद उसके शरीर की बनावट से ही बांध दी, लेकिन मनुष्य ने उस बनावट की हद को लांघने के उपाय ढूंढ निकाले। मनुष्य को अकल दी गई है कि उसकी मदद से वो भगवान को पहचाने, पर मनुष्य ने उस अकल का उपयोग भगवान को भूलने में किया है। मैं अपनी कुदरती हद के मुताबिक अपने आसपास रहने वालों की ही सेवा कर सकता हूँ, परंतु मैंने अपनी मगरूरी में ढूंढ निकाला कि मुझे तो सारी दुनिया की सेवा अपने तन से करनी चाहिए। ऐसा करने में अनेक धर्मों के और कई तरह के लोगों का साथ होगा। ये बोझ मनुष्य उठा ही नहीं सकता और इसलिए अकुलाता है। इस विचार से आप समझेंगे कि रेलगाड़ी सचमुच एक तूफानी साधन है। मनुष्य रेलगाड़ी का उपयोग करके भगवान को भूल गया है। पाठक, पर मैं तो अब जो सवाल मैंने उठाया है उसका जवाब सुनने को अधीर हो रहा हूँ। मुसलमानों के आने से हमारा एक राष्ट्र रहा या मिटा? संपादक, हिंदुस्तान में चाहे जिस धर्म के आदमी रह सकते हैं, उससे वो एक राष्ट्र मिटने वाला नहीं है। जो नए लोग उसमें दाखिल होते हैं वे उसकी प्रजा को तोड़ नहीं सकते, वे उसकी प्रजा में घुल मिल जाते हैं। ऐसा हो तभी कोई एक मुल्क एक राष्ट्र माना जाएगा। ऐसे मुल्क में दूसरे लोगों का समावेश करने का गुण होना चाहिए। हिंदुस्तान ऐसा था और आज भी है। यो तो जितने आदमी उतने धर्म ऐसा मान सकते हैं। एक राष्ट्र होकर रहने वाले लोग एक दूसरे के धर्म में दखल नहीं देते। अगर देते हैं तो समझना चाहिए कि वे एक राष्ट्र होने के लायक नहीं है। अगर हिंदू माने कि सारा हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं से भरा होना चाहिए तो एक निरा सपना है। मुसलमान अगर माने कि उसमें सिर्फ मुसलमान ही रहे तो उसे ही सपना समझिए। फिर भी हिंदू, मुसलमान, पारसी, ईसाई जो इस देश को अपना वतन मानकर बस चुके हैं, एक देशी एक मुल्की हैं। वे देशी भाई हैं और उन्हें एक दूसरे के स्वार्थ के लिए भी एक होकर रहना पड़ेगा। दुनिया के किसी भी हिस्से में एक राष्ट्र का अर्थ एक धर्म नहीं किया गया है। हिंदुस्तान में तो ऐसा था ही नहीं। पाठक, लेकिन दोनों कौमों की कट्टर बैर का क्या? संपादक, कट्टर बैर शब्द दोनों के दुश्मनों ने खोज निकाला है। जब हिंदू मुसलमान झगड़ते थे तब वे ऐसी बातें भी करते थे। झगड़ा तो हमारा सबका बंद हो गया है, फिर कट्टर बैर काहे का? और इतना याद रखिए कि अंग्रेजों के आने के बाद ही हमारा झगड़ा बंद हुआ, ऐसा नहीं है। हिंदू लोग मुसलमान बादशाहों के मातहत और मुसलमान हिंदू राजाओं के मातहत रहते आए हैं।
दोनों को बाद में समझ आ गया कि झगड़ने से कोई फायदा नहीं, लड़ाई से कोई अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे और कोई अपनी जिद भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए दोनों ने मिलकर रहने का फैसला किया। झगड़े तो फिर से अंग्रेजों ने शुरू करवाए। मियां और महादेव की नहीं बनती, इस कहावत को भी ऐसा ही समझिए। कुछ कहावतें हमेशा के लिए रह जाती हैं और नुकसान करती ही हैं। हम कहावत की धुन में इतना भी याद नहीं रखते कि बहुतेरे हिंदुओं और मुसलमानों के बाप दादे एक ही थे, हमारे अंदर एक ही खून है। क्या धर्म बदला इसलिए हम आपस में दुश्मन बन गए? धर्म तो एक ही जगह पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं। हम दोनों अलग अलग रास्ते ले, इससे क्या हो गया? उसमें लड़ाई काहे की? और ऐसी कहावतें तो शैवों और वैष्णवों में भी चलती रहती हैं, पर इससे कोई ये नहीं कहेगा कि वे एक राष्ट्र नहीं है। वेद धर्मियों और जैनियों के बीच बहुत फर्क माना जाता है, फिर भी इससे वे अलग राष्ट्र नहीं बन जाते। हम गुलाम हो गए हैं, इसलिए अपने झगड़े को हम तीसरे के पास ले जाते हैं। जैसे मुसलमान मूर्ति का खंडन करने वाले हैं, वैसे हिंदुओं में भी मूर्ति का खंडन करने वाला एक वर्ग देखने में आता है। ज्यों ज्यों सही ज्ञान बढ़ेगा, त्यों त्यों हम समझते जाएंगे कि हमें पसंद न आने वाला धर्म दूसरा आदमी पालता हो तो भी उससे बैर भाव रखना हमारे लिए ठीक नहीं, हम उस पर जबरदस्ती न करें। पाठक, अब गोरक्षा के बारे में अपने विचार बताइए। संपादक, मैं खुद गाय को पूछता हूँ, यानी मान देता हूँ। गाय हिंदुस्तान की रक्षा करने वाली है, क्योंकि उसकी संतान पर हिंदुस्तान का जो खेती प्रधान देश है आधार है। गाय कई तरह से उपयोगी है, वो उपयोगी जानवर है, ये तो मुसलमान भाई भी कबूल करेंगे। लेकिन जैसे मैं गाय को पूजता हूँ, वैसे मैं मनुष्य को भी पूजता हूँ। जैसे गाय उपयोगी है, वैसे मनुष्य भी, फिर चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू, उपयोगी है। तब क्या गाय को बचाने के लिए मैं मुसलमान से लड़ूंगा? क्या मैं उसे मारूंगा? ऐसा करने से मैं मुसलमान और गाय का भी दुश्मन बनूंगा। इसलिए मैं कहूंगा कि गाय की रक्षा करने का एक ही उपाय है कि मुझे अपने मुसलमान भाई के सामने हाथ जोड़ने चाहिए और उसे देश के खातिर गाय को बचाने के लिए समझाना चाहिए। अगर वो ना समझे तो मुझे गाय को मरने देना चाहिए, क्योंकि वो मेरे बस की बात नहीं। अगर मुझे गाय पर अत्यंत दया आती है तो अपनी जान दे देनी चाहिए, लेकिन मुसलमान की जान नहीं लेनी चाहिए। वही धार्मिक कानून है, मैं तो ऐसा मानता हूँ। हाँ और नहीं के बीच हमेशा बैर रहता है। अगर मैं वाद विवाद करूंगा तो मुसलमान भी वाद विवाद करेगा। अगर मैं टेढ़ा बनूंगा तो वो भी टेढ़ा बनेगा। अगर मैं बालिश्त भर नमूंगा तो वो भी हाथ भर नमेगा। और अगर वो नहीं भी नमे तो मेरा नमना गलत ही कहलाएगा। जब हमने जिद की तब गोश की बढ़ी। मेरी राय है कि गोरक्षा प्रचारणी सभा गोवध प्रचारणी सभा मानी जानी चाहिए। ऐसी सभा का होना हमारे लिए बदनामी की बात है। जब गाय की रक्षा करना हम भूल गए तब ऐसी सभा की जरूरत पड़ी होगी। मेरे भाई गाय को मारने दौड़े तो मैं उसके साथ कैसा बर्ताव करूंगा? उसे मारूंगा या मैं उसके पैरों में पड़ूंगा? अगर आप कहें कि मुझे उसके पाँव में पड़ना चाहिए तो मुझे मुसलमान भाई के भी पाँव पड़ना चाहिए। गाय को दुख देकर हिंदू गाय का वध करता है, इससे गाय को कौन छुड़ाता है? जो हिंदू गाय की औलाद को पैना भोगता है उस हिंदू को कौन समझाता है? इससे हमारे एक राष्ट्र होने में कोई रुकावट नहीं आई है। अंत में हिंदू अहिंसक और मुसलमान हिंसक है। ये बात अगर सही हो तो अहिंसक का धर्म क्या है? अहिंसक को आदमी की हिंसा करनी चाहिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा। अहिंसक के लिए तो राह सीधी है, उसे एक को बचाने के लिए दूसरे की हिंसा करनी ही नहीं चाहिए। उसे तो मात्र चरण वंदना करनी चाहिए, फिर समझाने का काम करना चाहिए, इसी में उसका पुरुषार्थ है। लेकिन क्या तमाम हिंदू अहिंसक हैं? सवाल की जड़ में जाकर विचार करने से मालूम होता है कि कोई भी अहिंसक नहीं है, क्योंकि जीव को तो हम मारते ही हैं। लेकिन इस हिंसा से हम छूटना चाहते हैं, इसलिए अहिंसक हैं। साधारण विचार करने से मालूम होता है कि बहुत से हिंदू मांस खाने वाले हैं, इसलिए वे अहिंसक नहीं माने जा सकते। खींच तान कर दूसरा अर्थ करना हो तो मुझे कुछ कहना नहीं है। जब ऐसी हालत है तब मुसलमान हिंसक और हिंदू अहिंसक, इसलिए दोनों की नहीं बनेगी? वो सोचना बिल्कुल गलत है। ऐसे विचार स्वार्थी धर्म शिक्षकों, शास्त्रियों और मुल्लाओं ने हमें दिए हैं, और इसमें जो कमी रह गई है उसे अंग्रेजों ने पूरा किया है। उन्हें इतिहास लिखने की आदत है, हर एक जाति के रीति रिवाज जानने का वे दंभ करते हैं। ईश्वर ने हमारा मन तो छोटा बनाया है, फिर भी वे ईश्वरी दावा करते आए हैं और तरह तरह के प्रयोग करते हैं। वे अपने बाजे खुद बजाते हैं और हमारे मन में अपनी बात सही होने का विश्वास जमाते हैं। हम भोलेपन में उन सब पर भरोसा कर लेते हैं। जो टेढ़ा नहीं देखना चाहते वे देख सकेंगे कि कुरान शरीफ में ऐसे सैकड़ों वचन हैं जो हिंदुओं को मान्य हो। भगवत गीता में ऐसी बातें लिखी हैं जिनके खिलाफ मुसलमान को कोई भी एतराज नहीं हो सकता। कुरान शरीफ का कुछ भाग मैं न समझ पाऊं या कुछ भाग मुझे पसंद न आए, इस वजह से क्या मैं उसे मानने वालों से नफरत करूं?
झगड़ा दो से ही हो सकता है। मुझे झगड़ा नहीं करना तो मुसलमान क्या करेगा, और मुसलमान को झगड़ा न करना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। हवा में हाथ उठाने वाले का हाथ उखड़ जाता है। सब अपने अपने धर्म का स्वरूप समझकर उससे चिपके रहें और शास्त्रियों व मुल्लाओं को बीच में न आने दें, तो झगड़े का मुंह हमेशा के लिए काला ही रहेगा। पाठक, अंग्रेज दोनों कौमों का मेल होने देंगे? संपादक, ये सवाल डरपोक आदमी का है। ये सवाल हमारी हीनता को दिखाता है। अगर दो भाई चाहते हो कि उनका आपस में मेल बना रहे, तो कौन उनके बीच में आ सकता है? अगर तीसरा आदमी दोनों के बीच झगड़ा पैदा कर सके तो उन भाइयों को हम कच्चे दिल के कहेंगे। उसी तरह अगर हम हिंदू और मुसलमान कच्चे दिल के होंगे तो फिर अंग्रेजों का कसूर निकालना बेकार होगा। कच्चा घड़ा एक कंकड़ से नहीं तो दूसरे कंकड़ से फूटेगा ही। घड़े को बचाने का रास्ता ये नहीं है कि उसे कंकड़ से दूर रखा जाए, बल्कि ये है कि उसे पक्का बनाया जाए जिससे कंकड़ का भय ही ना रहे। उसी तरह हमें पक्के दिल के बनना है। हम दोनों में से कोई एक भी पक्के दिल का होगा तो तीसरे की कुछ नहीं चलेगी। ये काम हिंदू आसानी से कर सकते हैं क्योंकि उनकी संख्या बड़ी है। वे अपने को ज्यादा पढ़े लिखे मानते हैं, इसलिए वे पक्का दिल रख सकते हैं। दोनों कौमों के बीच अविश्वास है, इसलिए मुसलमान लॉर्ड मार्ले से कुछ हक मांगते हैं। इसमें हिंदू क्यों विरोध करें? अगर हिंदू विरोध ना करे तो अंग्रेज चौंकेंगे। मुसलमान धीरे धीरे हिंदुओं का भरोसा करने लगेंगे और दोनों का भाईचारा बढ़ेगा। अपने झगड़े अंग्रेजों के पास ले जाने में हमें शर्माना चाहिए। ऐसा करने से हिंदू कुछ खोने वाले नहीं है, इसका हिसाब आप खुद लगा सकेंगे। जिस आदमी ने दूसरे पर विश्वास किया उसने आज तक कुछ खोया नहीं है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि हिंदू मुसलमान कभी झगड़ेंगे ही नहीं। दो भाई साथ रहें तो उनके बीच तकरार होती है। कभी हमारे सिर भी फूटेंगे ऐसा होना जरूरी नहीं है, लेकिन सब लोग एक सी अकल के नहीं होते। दोनों जोश में आते हैं तब अक्सर गलत काम कर बैठते हैं। उन्हें हमें सहन करना होगा, लेकिन ऐसी तकरार को भी बड़ी वकालत बघार कर हम अंग्रेजों की अदालत में न ले जाएं। दो आदमी लड़े, लड़ाई में दोनों के सिर या एक का सिर फूटे तो उसमें तीसरा क्या न्याय करेगा? जो लड़ेंगे वे जख्मी भी होंगे, बदन से बदन टकराएगा तब कुछ निशानी तो रहेगी ही, उसमें न्याय क्या हो सकता है। अध्याय 11, हिंदुस्तान की दशा। वकील, पाठक, आप कहते हैं कि दो आदमी झगड़े तब उसका न्याय भी नहीं कराना चाहिए, ये तो आपने अजीब बात कही। संपादक, इसे अजीब कहिए या कोई दूसरा विशेषण लगाइए, पर बात सही है। आपकी शंका हमें वकील डॉक्टरों की पहचान कराती है। मेरी राय है कि वकीलों ने हिंदुस्तान को गुलाम बनाया है, हिंदू मुसलमानों के झगड़े बढ़ाए हैं और अंग्रेजी हुकूमत को यहाँ मजबूत किया है। पाठक, ऐसे इल्जाम लगाना आसान है लेकिन उन्हें साबित करना मुश्किल होगा। वकीलों के सिवा दूसरा कौन हमें आजादी का मार्ग बताता? उनके सिवा गरीबों का बचाव कौन करता? उनके सिवा कौन हमें न्याय दिलाता? देखिए, स्वर्गीय मनमोहन घोष ने कितनों को बचाया, खुद एक कौड़ी भी उन्होंने नहीं ली। कांग्रेस, जिसके आप ने ही बखान किए, वकीलों से निभती है और उनकी मेहनत से ही उसमें काम होते हैं। इस वर्ग की आप निंदा करें, ये इंसाफ के साथ गैर इंसाफ करने जैसा है। वो तो आपके हाथ में अखबार आया, इसलिए चाहे जो बोलने की छूट लेने जैसा लगता है। संपादक, जैसा आप मानते हैं वैसा ही मैं भी एक समय मानता था। वकीलों ने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, ऐसा मैं आपसे नहीं कहना चाहता। मिस्टर मनमोहन घोष की मैं इज्जत करता हूँ, उन्होंने गरीबों की मदद की थी, ये बात सही है। कांग्रेस में वकीलों ने कुछ काम किया है, ये भी हम मान सकते हैं। वकील भी आखिर मनुष्य हैं और मनुष्य जाति में कुछ तो अच्छाई है ही। वकीलों की भलमनसी के जो बहुत से किस्से देखने में आते हैं, वे तभी हुए जब वे अपने को वकील समझना भूल गए। मुझे तो आपको सिर्फ यही दिखाना है कि उनका धंधा उन्हें अनीति सिखाने वाला है। वे बुरे लालच में फंसते हैं जिसमें से उबरने वाले बिरले ही होते हैं। हिंदू मुसलमान आपस में लड़े हैं, तटस्थ आदमी उनसे कहेगा कि आप गई बीती को भूल जाए, इसमें दोनों का कसूर रहा होगा, अब दोनों मिलकर रहिए। लेकिन वे वकील के पास जाते हैं, वकील का फर्ज हो जाता है कि वो मुवक्किल की ओर जोर लगाए। मुवक्किल के ख्याल में भी ना हो ऐसी दलीलें मुवक्किल की ओर से ढूंढना वकील का काम है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो माना जाएगा कि वो अपने पेशे को बट्टा लगाता है। इसलिए वकील तो आम तौर पर झगड़ा आगे बढ़ाने की ही सलाह देगा। लोग दूसरों का दुख दूर करने के लिए नहीं बल्कि पैसा पैदा करने के लिए वकील बनते हैं। वो एक कमाई का रास्ता है, इसलिए वकील का स्वार्थ झगड़ा बढ़ाने में है। वो तो मेरी जानी हुई बात है कि जब झगड़े होते हैं तब वकील खुश होते हैं। मुख्तार लोग भी वकील की जात के होते हैं, जहाँ झगड़े नहीं होते वहाँ भी वे झगड़ा खड़ा करते हैं। उनके दलाल जोंक की तरह गरीब लोगों से चिपकते हैं और उनका खून चूस लेते हैं।
वो पेशा ऐसा है उसमें आदमियों को झगड़े के लिए बढ़ावा मिलता ही है। वकील लोग निठल्ले होते हैं, आलसी लोग ऐशो आराम करने के लिए वकील बनते हैं, ये बात सही है। वकालत का पेशा बड़ा आबरूदार पेशा है, ऐसा खोज निकालने वाले भी वकील ही हैं। कानून वे बनाते हैं, उसकी तारीफ भी वे ही करते हैं। लोगों से क्या दाम लिया जाए ये भी वे तय करते हैं, और लोगों पर रोब जमाने के लिए आडंबर ऐसा करते हैं मानो वे आसमान से उतर कर आए हुए देवदूत हो। वे मजदूर से ज्यादा रोजी क्यों मांगते हैं? उनकी जरूरतें मजदूर से ज्यादा क्यों हैं? उन्होंने मजदूर से ज्यादा देश का क्या भला किया है? क्या भला करने वाले को ज्यादा पैसे लेने का हक है? और अगर पैसे के खातिर उन्होंने भला किया हो तो उसे भला कैसे कहा जाए? ये तो उस पेशे का जो गुण है वो मैंने बताया। वकीलों के कारण हिंदू मुसलमानों के बीच कुछ दंगे हुए हैं, ये तो जिन्हें अनुभव है वे जानते होंगे। उनसे कुछ खानदान बर्बाद हो गए हैं, उनकी बदौलत भाइयों में जहर दाखिल हो गया है। कुछ रियासतें वकीलों के जाल में फंसकर कर्जदार हो गई हैं। बहुत से जागीरदार इन वकीलों की कारस्तानी से लुट गए हैं। ऐसी बहुत सी मिसालें दी जा सकती हैं। लेकिन वकीलों से बड़े से बड़ा नुकसान तो ये हुआ है कि अंग्रेजों का जुआ हमारी गर्दन पर मजबूत जम गया है। आप सोचिए, क्या आप मानते हैं कि अंग्रेजी अदालतें यहाँ न होती तो वे हमारे देश में राज कर सकते थे? ये अदालतें लोगों के भले के लिए नहीं है, जिन्हें अपनी सत्ता कायम रखनी है वे अदालतों के जरिए लोगों को बस में रखते हैं। लोग अगर खुद अपने झगड़े निपटा लें तो तीसरा आदमी उन पर अपनी सत्ता नहीं जमा सकता। सचमुच जब लोग खुद मारपीट करके या रिश्तेदारों को पंच बनाकर अपना झगड़ा निपटा लेते हैं तब वे बहादुर थे। अदालतें आईं और वे कायर बन गए। लोग आपस में लड़कर झगड़े मिटाएंगे जंगली माना जाता था, अब तीसरा आदमी झगड़ा निपटाता है, ये क्या कम जंगलीपन है? क्या कोई ऐसा कह सकेगा कि तीसरा आदमी जो फैसला देता है वो सही फैसला ही होता है? कौन सच्चा है ये दोनों पक्ष के लोग जानते हैं। हम भोलेपन में मान लेते हैं कि तीसरा आदमी हमसे पैसे लेकर हमारा इंसाफ करता है। इस बात को अलग रखें, हकीकत तो यही दिखानी है कि अंग्रेजों ने अदालत के जरिए हम पर अंकुश जमाया है, और अगर हम वकील न बने तो ये अदालतें चल ही नहीं सकती। अगर अंग्रेज ही जज होते, अंग्रेज ही वकील होते और अंग्रेज ही सिपाही होते तो वे सिर्फ अंग्रेजों पर ही राज करते। हिंदुस्तानी जज और हिंदुस्तानी वकील के बगैर उनका काम नहीं चल सका। वकील कैसे पैदा हुए, उन्होंने कैसे धांधली मचाई, ये सब अगर आप समझ सके तो मेरे जितनी ही नफरत आपको भी इस पेशे के लिए होगी। अंग्रेजी सत्ता की एक मुख्य कुंजी उनकी अदालतें हैं, और अदालतों की कुंजी वकील है। अगर वकील वकालत करना छोड़ दे तो वो पेशा वेश्या के पेशे जैसा नीच माना जाए, तो अंग्रेजी राज एक दिन में टूट जाए। वकीलों ने हिंदुस्तानी प्रजा पर ये तोहमत लगवाई है कि हमें झगड़े प्यारे हैं और हम कोर्ट कचहरी रूपी पानी की मछलियां हैं। जो शब्द मैं वकीलों के लिए इस्तेमाल करता हूँ वे ही शब्द जजों पर भी लागू होते हैं। ये दोनों मौसेरे भाई हैं और एक दूसरे को बल देने वाले हैं। अध्याय 12, हिंदुस्तान की दशा। डॉक्टर पाठक, वकीलों की बात तो हम समझ सकते हैं, उन्होंने जो अच्छा काम किया है वो जानबूझकर नहीं किया, ऐसा यकीन होता है। बाकी उनके धंधे को देखा जाए तो वो कनिष्ठ ही हैं। लेकिन आप तो डॉक्टरों को भी उनके साथ घसीटते हैं, ये कैसे? संपादक, मैं जो विचार आपके सामने रखता हूँ वो इस समय तो मेरे अपने ही हैं, लेकिन ऐसे विचार मैंने ही किए हैं सो बात नहीं। पश्चिम के सुधारक खुद मुझसे ज्यादा सख्त शब्दों में इन धंधों के बारे में लिख गए हैं। उन्होंने वकीलों और डॉक्टरों की बहुत निंदा की है। उनमें से एक लेखक ने एक जहरी पेड़ का चित्र खींचा है। डॉक्टर वकील वगैरह निकम्मे धंधे वालों को उसकी शाखाओं के रूप में बताया है और उस पेड़ के तने पर नीति धर्म की कुल्हाड़ी उठाई है। अनीति को इन सब धंधों की जड़ बताया है। इससे आप ये समझ लेंगे कि मैं आपके सामने अपने दिमाग से निकाले हुए नए विचार नहीं रखता, लेकिन दूसरों का और अपना अनुभव आपके सामने देखता हूँ। डॉक्टर के बारे में जैसे आपको अभी मोह है वैसे कभी मुझे भी था। एक समय ऐसा था जब मैंने खुद डॉक्टर होने का इरादा किया था और सोचा था कि डॉक्टर बनकर कौम की सेवा करूंगा। मेरा ये मोह अब मिट गया है। हमारे समाज में वैद्य का धंधा कभी अच्छा माना ही नहीं गया, इसका भान अब मुझे हुआ है और उस विचार की कीमत मैं समझ सकता हूँ। अंग्रेजों ने डॉक्टरी विद्या से भी हम पर काबू जमाया है। डॉक्टरों में दम्भ की भी कमी नहीं है। मुगल बादशाह को भरमाने वाला एक अंग्रेज डॉक्टर ही था। उसने बादशाह के घर में कुछ बीमारी मिटाई, इसलिए उसे सिरोपाव मिला। अमीरों के पास पहुंचने वाले भी डॉक्टर ही हैं। डॉक्टरों ने हमें जड़ से हिला दिया है। डॉक्टरों से नीम हकीम ज्यादा अच्छे, ऐसा कहने का मेरा मन होता है। इस पर हम कुछ विचार करें।
डॉक्टरों का काम सिर्फ शरीर को संभालने का है या शरीर को संभालने का भी नहीं है, उनका काम शरीर में जो रोग पैदा होते हैं उन्हें दूर करने का है। रोग क्यों होते हैं? हमारी ही गफलत से। मैं बहुत खाऊं और मुझे बदहजमी अजीर्ण हो जाए, मैं बहुत खाऊं और मुझे बदहजमी अजीर्ण हो जाए, फिर मैं डॉक्टरों के पास जाऊं और वो मुझे गोली दें, गोली खाकर मैं चंगा हो जाऊं और दोबारा खूब खाऊं और फिर से गोली लूं। अगर मैं गोली ना लेता तो अजीर्ण की सजा भुगतता और फिर बेहद नहीं खाता। डॉक्टर बीच में आया और उसने हद से ज्यादा खाने में मेरी मदद की। उससे मेरे शरीर को तो आराम हुआ लेकिन मेरा मन कमजोर बना। इस तरह आखिर मेरी ये हालत होगी कि मैं अपने मन पर जरा भी काबू न रख सकूंगा। मैंने विलास किया, मैं बीमार पड़ा, डॉक्टर ने मुझे दवा दी और मैं चंगा हुआ। क्या मैं फिर से विलास नहीं करूंगा? जरूर करूंगा। अगर डॉक्टर बीच में ना आता तो कुदरत अपना काम करती, मेरा मन मजबूत बनता और अंत में निर्विषयी होकर मैं सुखी होता। अस्पतालें पाप की जड़ हैं, उनकी बदौलत लोग शरीर का जतन कम करते हैं और अनीति को बढ़ाते हैं। यूरोप के डॉक्टर तो हद करते हैं, वे सिर्फ शरीर के ही गलत जतन के लिए लाखों जीवों को हर साल मारते हैं, जिंदा जीवों पर प्रयोग करते हैं। ऐसा करना किसी भी धर्म को मंजूर नहीं। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, जरथोस्ती सब धर्म कहते हैं कि आदमी के शरीर के लिए इतने जीवों को मारने की जरूरत नहीं। डॉक्टर हमें धर्मभ्रष्ट करते हैं। उनकी बहुत सी दवाओं में चर्बी या दारू होती है। इन दोनों में से एक भी चीज हिंदू मुसलमानों को चल सके ऐसी नहीं है। हम सभ्य होने का ढोंग करके दूसरों को वहमी मानकर और बेलगाम होकर चाहे सो करते रहें, ये दूसरी बात है। लेकिन डॉक्टर हमें धर्म से भ्रष्ट करते हैं, ये साफ और सीधी बात है। इसका परिणाम ये आता है कि हम निसत्ता और नामर्द बनते हैं। ऐसी दशा में हम लोक सेवा करने लायक नहीं रहते और शरीर से छीर्ण और बुद्धिहीन होते जा रहे हैं। अंग्रेजी या यूरोपियन डॉक्टरी सीखना गुलामी की गांठ को मजबूत बनाने जैसा है। हम डॉक्टर क्यों बनते हैं ये भी सोचने की बात है। उसका सच्चा कारण तो आबरूदार और पैसा कमाने का धंधा करने की इच्छा है, उसमें परोपकार की बात नहीं है। उस धंधे में परोपकार नहीं है, ये तो मैं बता चुका हूँ। उससे लोगों को नुकसान होता है। डॉक्टर सिर्फ आडंबर दिखाकर ही लोगों से बड़ी फीस वसूल करते हैं और अपनी एक पैसे की दवा के कई रुपए लेते हैं। यूं विश्वास में और चंगे हो जाने की आशा में लोग डॉक्टरों से ठगे जाते हैं। जब ऐसा ही है तब भलाई का दिखावा करने वाले डॉक्टरों से खुले ठग वैद्य नीम हकीम ज्यादा अच्छे। अध्याय 13, सच्ची सभ्यता कौन सी। पाठक, आपने रेल को रद्द कर दिया, वकीलों की निंदा की, डॉक्टरों को दबा दिया, तमाम मशीनरी को भी आप नुकसानदेह मानेंगे, ऐसा मैं देख सकता हूँ। तब सभ्यता कहें तो किसे कहें? संपादक, इस सवाल का जवाब मुश्किल नहीं है। मैं मानता हूँ कि जो सभ्यता हिंदुस्तान ने दिखाई है उसको दुनिया में कोई नहीं पहुँच सकता। जो बीज हमारे पुरखों ने बोए हैं उनकी बराबरी कर सके ऐसी कोई चीज देखने में नहीं आई। रोम मिट्टी में मिल गया, ग्रीस का सिर्फ नाम ही रह गया, मिस्र की बादशाही चली गई, जापान पश्चिम के शिकंजे में फंस गया और चीन का कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन गिरा टूटा जैसा भी हो, हिंदुस्तान आज भी अपनी बुनियाद में मजबूत है। जो रोम और ग्रीस गिर चुके हैं उनकी किताबों से यूरोप के लोग सीखते हैं, उनकी गलतियां वे नहीं करेंगे ऐसा गुमान रखते हैं। ऐसी उनकी कंगाल हालत है, जबकि हिंदुस्तान अचल है, अडिग है, यही उसका भूषण है। हिंदुस्तान पर आरोप लगाया जाता है कि वो ऐसा जंगली, ऐसा अज्ञानी है कि उससे जीवन में कुछ फेर बदल कराए ही नहीं जा सकते। ये आरोप हमारा गुण है, दोष नहीं। अनुभव से जो हमें ठीक लगा है उसे हम क्यों बदलेंगे? बहुत से अकल देने वाले आते जाते रहते हैं पर हिंदुस्तान अडिग रहता है, ये उसकी खूबी है, ये उसकी आशाओं का शरण स्थल है। सभ्यता वो आचरण है जिससे आदमी अपना फर्ज अदा करता है। फर्ज अदा करने के माने हैं नीति का पालन करना। नीति के पालन का मतलब है अपने मन और इंद्रियों को बस में रखना। ऐसा करते हुए हम अपने को पहचानते हैं, यही सभ्यता है। इससे जो उल्टा है वो बिगाड़ करने वाला है। बहुत से अंग्रेज लेखक लिख गए हैं कि ऊपर की व्याख्या के मुताबिक हिंदुस्तान को कुछ भी सीखना बाकी नहीं रहता। ये बात ठीक है। हमने देखा कि मनुष्य की वृत्तियां चंचल हैं, उसका मन बेकार की दौड़ धूप किया करता है। उसका शरीर जैसे जैसे ज्यादा दिया जाए वैसे वैसे ज्यादा मांगता है, ज्यादा लेकर भी वो सुखी नहीं होता। भोग भोगने से भोग की इच्छा बढ़ती जाती है, इसलिए हमारे पुरखों ने भोग की हद बांध दी। बहुत सोचकर उन्होंने देखा कि सुख दुख तो मन के कारण है। अमीर अपनी अमीरी की वजह से सुखी नहीं है, गरीब अपनी गरीबी के कारण दुखी नहीं है। अमीर दुखी देखने में आता है और गरीब सुखी देखने में आता है। करोड़ों लोग तो गरीब ही रहेंगे ऐसा देखकर उन्होंने भोग की वासना छुड़वाई। हजारों साल पहले जो हल काम में लिया जाता था उससे हमने काम चलाया,
हजारों साल पहले जैसे झोपड़े थे उन्हें हमने कायम रखा। हजारों साल पहले जैसी हमारी शिक्षा थी वही चलती आई। हमने नाशकारक होड़ को समाज में जगह नहीं दी। सब अपना अपना धंधा करते रहे, उसमें उन्होंने दस्तूर के मुताबिक दाम लिए। ऐसा नहीं था कि हमें यंत्र वगैरह की खोज करना ही नहीं आता था, लेकिन हमारे पूर्वजों ने देखा कि लोग अगर यंत्र वगैरह की झंझट में पड़ेंगे तो गुलाम बनेंगे और अपनी नीति को छोड़ देंगे। उन्होंने सोच समझकर कहा कि हमें अपने हाथ पैरों से जो काम हो सके वही करना चाहिए। हाथ पैरों का इस्तेमाल करने में ही सच्चा सुख है, उसी में तंदुरुस्ती है। उन्होंने सोचा कि बड़े शहर खड़े करना बेकार की झंझट है, उनमें लोग सुखी नहीं होंगे, उनमें धूर्तों की टोलियां और वेश्याओं की गालियां पैदा होंगी, गरीब अमीरों द्वारा लूटे जाएंगे। इसलिए उन्होंने छोटे देहातों में संतोष माना। उन्होंने देखा कि राजाओं और उनकी तलवार के बनिबस्त नीति का बल ज्यादा बलवान है, इसलिए उन्होंने राजाओं को नीतिवान पुरुषों, ऋषियों और फकीरों से कम दर्जे का माना। ऐसी जिस राष्ट्र की गठन है वो राष्ट्र दूसरों को सिखाने लायक है, वो दूसरों से सीखने लायक नहीं है। इस राष्ट्र में अदालतें थी, वकील थे, डॉक्टर वैद्य थे, लेकिन वे सब ठीक ढंग से नियम के मुताबिक चलते थे। सब जानते थे कि ये धंधे बड़े नहीं हैं, और वकील डॉक्टरों वगैरह लोगों में लूट नहीं चलाते थे, वे तो लोगों के आश्रित थे, वे लोगों के मालिक बनकर नहीं रहते थे। इंसाफ काफी अच्छा होता था, अदालतों में ना जाना ये लोगों का ध्येय था, उन्हें भरमाने वाले स्वार्थी लोग नहीं थे। इतनी सड़न भी सिर्फ राजा और राजधानी के आसपास ही थी, यूं प्रजा तो उससे स्वतंत्र रहकर अपने खेत का मालिकी हक भोगती थी, उसके पास सच्चा स्वराज था। और जहां ये चांडाल सभ्यता नहीं पहुंची है वहां हिंदुस्तान आज भी वैसा ही है। उसके सामने आप अपने नए ढोंगों की बात करेंगे तो वो आपकी हंसी उड़ाएगा, उस पर ना तो अंग्रेज राज करते हैं ना आप कर सकेंगे। जिन लोगों के नाम पर हम बात करते हैं उन्हें हम पहचानते नहीं है, ना वे हमें पहचानते हैं। आपको और दूसरों को जिनमें देश प्रेम है मेरी सलाह है कि आप देश में जहां रेल की बाढ़ नहीं फैली है उस भाग में 6 माह के लिए घूमें और बाद में देश की लगन लगाएं, बाद में स्वराज की बात करें। अब आपने देखा कि सच्ची सभ्यता मैं किस चीज को कहता हूँ। ऊपर मैंने जो तस्वीर खींची है वैसा हिंदुस्तान जहां हो वहां जो आदमी फेरफार करेगा उसे आप दुश्मन समझिए, वो मनुष्य पापी है। पाठक, आपने जैसा बताया वैसा ही हिंदुस्तान होता तब तो ठीक था, लेकिन जिस देश में हजारों बाल विधवाएं हैं, जिस देश में 2 बरस की बच्ची की शादी हो जाती है, जिस देश में 12 साल की उम्र के लड़के लड़कियां घर संसार चलाते हैं, जिस देश में स्त्री एक से ज्यादा पति करती है, जिस देश में नियोग की प्रथा है, जिस देश में धर्म के नाम पर कुमारिकाएं वैश्याएं बनती हैं, जिस देश में धर्म के नाम पर पाड़ों और बकरों की हत्या होती है, वो देश भी हिंदुस्तान ही है। ऐसा होने पर भी आपने जो बताया है वो क्या सभ्यता का लक्षण है? संपादक, आप भूलते हैं, आपने जो दोष बताए वे तो सचमुच दोष ही हैं, उन्हें कोई सभ्यता नहीं कहता। वे दोष सभ्यता के बावजूद कायम रहे हैं, उन्हें दूर करने के प्रयत्न हमेशा से हुए हैं और होते ही रहेंगे। हम में जो नया जोश पैदा हुआ है उसका उपयोग हम इन दोषों को दूर करने में कर सकते हैं। मैंने आपको आज की सभ्यता की जो निशानी बताई उसे ही सभ्यता की हिमायती खुद बताते हैं। मैंने हिंदुस्तान की सभ्यता का जो वर्णन किया वो वर्णन नई सभ्यता की हिमायतियों ने किया है। किसी भी देश में किसी भी सभ्यता के माथात सभी लोग संपूर्णता तक नहीं पहुंच पाए हैं। हिंदुस्तान की सभ्यता का झुकाव नीति को मजबूत करने की ओर है, पश्चिम की सभ्यता का झुकाव अनीति को मजबूत करने की ओर है, इसलिए मैंने उसे हानिकारक कहा है। पश्चिम की सभ्यता निरीश्वरवादी है, हिंदुस्तान की सभ्यता ईश्वर को मानने वाली है। यो समझकर ऐसी श्रद्धा रखकर हिंदुस्तान के हित चिंतकों को चाहिए कि वे हिंदुस्तान की सभ्यता से बच्चा जैसे माँ से चिपटा रहता है वैसे चिपटे रहें। अध्याय 14, हिंदुस्तान कैसे आजाद हो। पाठक, सभ्यता के बारे में आपके विचार मैं समझ गया, आपने जो कहा उस पर मुझे ध्यान देना होगा। तुरंत सब कुछ मंजूर कर लिया जाए ऐसा आप नहीं मानते होंगे, ऐसी आशा भी नहीं रखते होंगे। आपके ऐसे विचारों के अनुसार आप हिंदुस्तान के आजाद होने का क्या उपाय बताएंगे? संपादक, मेरे विचार सब लोग तुरंत मान ले ऐसी आशा मैं नहीं रखता। मेरा फर्ज इतना ही है कि आपके जैसे जो लोग मेरे विचार जानना चाहते हैं उनके सामने अपने विचार रख दूं। वे विचार उन्हें पसंद आएंगे या नहीं आएंगे ये तो समय बीतने पर ही मालूम होगा। हिंदुस्तान की आजादी के उपायों का हम विचार कर चुके, फिर भी हमने दूसरे रूप में उन पर विचार किया। अब हम उन पर उनके स्वरूप में विचार करें। जिस कारण से रोगी बीमार हुआ हो वो कारण अगर दूर कर दिया जाए तो रोगी अच्छा हो जाएगा, ये जग मशहूर बात है। इसी तरह जिस कारण से हिंदुस्तान गुलाम बना वो कारण अगर दूर कर दिया जाए तो वो बंधन से मुक्त हो जाएगा। पाठक, आपकी मान्यता के मुताबिक हिंदुस्तान की सभ्यता अगर सबसे अच्छी है तो फिर वो गुलाम क्यों बना? संपादक,
सभ्यता तो मैंने कही वैसी ही है, लेकिन देखने में आया है कि हर सभ्यता पर आफतें आती हैं। जो सभ्यता अचल है वो आखिरकार आफतों को दूर कर देती है। हिंदुस्तान के बालकों में कोई ना कोई कमी थी, इसलिए वो सभ्यता आफतों से घिर गई। लेकिन इस घेरे में से छूटने की ताकत उसमें है, ये उसके गौरव को दिखाता है। और फिर सारा हिंदुस्तान गुलामी से घिरा हुआ नहीं है, जिन्होंने पश्चिम की शिक्षा पाई है और जो उसके पाश में फंस गए हैं वे ही गुलामी में घिरे हुए हैं। हम जगत को अपनी दमड़ी के नाप से नापते हैं। अगर हम गुलाम हैं तो जगत को भी गुलाम मान लेते हैं। हम कंगाल दशा में हैं इसलिए मान लेते हैं कि सारा हिंदुस्तान ऐसी दशा में है। दरअसल ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी हमारी गुलामी सारे देश की गुलामी है, ऐसा मानना ठीक है। लेकिन ऊपर की बात हम ध्यान में रखें तो समझ सकेंगे कि हमारी अपनी गुलामी मिट जाए तो हिंदुस्तान की गुलामी मिट गई ऐसा मान लेना चाहिए। इसमें अब आपको स्वराज्य की व्याख्या भी मिल जाती है। हम अपने ऊपर राज करें, वही स्वराज है और वो स्वराज हमारी हथेली में है। इस स्वराज को आप सपने जैसा ना माने, मन से मानकर बैठे रहने का भी ये स्वराज नहीं है। ये तो ऐसा स्वराज है कि आपने अगर इसका स्वाद चख लिया हो तो दूसरों को इसका स्वाद चखाने के लिए आप जिंदगी भर कोशिश करेंगे। लेकिन मुख्य बात तो हर शख्स के स्वराज भोगने की है। डूबता आदमी दूसरों को नहीं तारेगा, लेकिन तैरता आदमी दूसरे को तारेगा। हम खुद गुलाम होंगे और दूसरों को आजाद करने की बात करेंगे तो वो संभव नहीं है। लेकिन इतना काफी नहीं है, हमें और भी आगे सोचना होगा। अब इतना तो आपकी समझ में आया होगा कि अंग्रेजों को देश से निकालने का मकसद सामने रखने की जरूरत नहीं है। अगर अंग्रेज हिंदुस्तानी बनकर रहें तो हम उनका समावेश यहाँ कर सकते हैं। अंग्रेज अगर अपनी सभ्यता के साथ रहना चाहें तो उनके लिए हिंदुस्तान में जगह नहीं है। ऐसी हालत पैदा करना हमारे हाथ में है। पाठक, अंग्रेज हिंदुस्तानी बने ये नामुमकिन है। संपादक, हमारा ऐसा कहना ये कहने के बराबर है कि अंग्रेज मनुष्य नहीं है। वे हमारे जैसे बने या ना बने इसकी हमें परवाह नहीं है। हम अपना घर साफ करें, फिर रहने लायक लोग ही उसमें रहेंगे, दूसरे अपने आप चले जाएंगे। ऐसा अनुभव तो हर आदमी को हुआ होगा। ऐसा होने की बात तवारीख में तो हमने नहीं पढ़ी। पाठक, जो चीज तवारीख में नहीं देखी वो कभी नहीं होगी, ऐसा मानना मनुष्य की प्रतिष्ठा में अविश्वास करना है। जो बात हमारी अकल में आ सके उसे आखिर हमें आजमाना तो चाहिए ही। हर देश की हालत एक सी नहीं होती। हिंदुस्तान की हालत विचित्र है। हिंदुस्तान बल में असाधारण है, इसलिए दूसरी तवारीखों से हमारा कम संबंध है। मैंने आपको बताया कि दूसरी सभ्यताएं मिट्टी में मिल गई, जबकि हिंदुस्तानी सभ्यता को आँच नहीं आई है। पाठक, मुझे तो ये सब बातें ठीक नहीं लगती। हमें लड़कर अंग्रेजों को निकालना ही होगा, इसमें कोई शक नहीं। जब तक वे हमारे मुल्क में हैं तब तक हमें चैन नहीं पड़ सकती। पराधीन सपने हो सुख नाही, ऐसा देखने में आता है। अंग्रेज यहाँ हैं इसलिए हम कमजोर होते जा रहे हैं। हमारा तेज चला गया है और हमारे लोग घबराए से दिखते हैं। अंग्रेज हमारे देश के लिए यम जैसे हैं। उस यम को हमें किसी भी प्रयत्न से भगाना होगा। संपादक, आप अपने आवेश में मेरा सारा कहा भूल गए हैं। अंग्रेजों को यहाँ लाने वाले हम हैं और वे हमारी बदौलत ही यहाँ रहते हैं। आप ये कैसे भूल जाते हैं कि हमने उनकी सभ्यता अपनाई है इसलिए वे यहाँ रह सकते हैं। आप उनसे जो नफरत करते हैं वो नफरत आपको उनकी सभ्यता से करनी चाहिए, फिर भी मान ले कि हम लड़कर उन्हें निकालना चाहते हैं, ये कैसे हो सकेगा। पाठक, इटली ने किया वैसे, मैजिनी और गैरिबाल्डी ने जो किया वो भी हम कर सकते हैं। वे महावीर थे, इस बात से क्या आप इनकार कर सकेंगे। अध्याय 15, इटली और हिंदुस्तान। संपादक, आपने इटली का उदाहरण ठीक दिया। मैजिनी महात्मा था, गैरिबाल्डी बड़ा योद्धा था, दोनों पूजनीय थे, उनसे हम बहुत सीख सकते हैं। फिर भी इटली की दशा और हिंदुस्तान की दशा में फर्क है। पहले तो मैजिनी और गैरिबाल्डी के बीच का भेद जानने लायक है। मैजिनी के अरमान अलग थे। मैजिनी जैसा सोचता था वैसा इटली में नहीं हुआ। मैजिनी ने मनुष्य जाति के कर्तव्य के बारे में लिखते हुए ये बताया है कि हर एक को स्वराज भोगना सीख लेना चाहिए। ये बात उसके लिए सपने जैसी रही। गैरिबाल्डी और मैजिनी के बीच मतभेद हो गया था, ये हमें याद रखना चाहिए। इसके सिवा गैरिबाल्डी ने हर इटालियन के हाथ में हथियार दिए और हर इटालियन ने हथियार लिए। इटली और ऑस्ट्रिया के बीच सभ्यता का भेद नहीं था, वे तो चचेरे भाई माने जाएंगे। जैसे को तैसा वाली बात इटली की थी। इटली को परदेसी जुए से छुड़ाने का मोह गैरिबाल्डी को था, इसलिए उसने कावूर के मार्फत जो साजिशें की वे उसकी शूरता को बट्टा लगाने वाली है। और अंत में नतीजा क्या निकला? इटली में इटालियन राज करते हैं, इसलिए इटली की प्रजा सुखी है। ऐसा आप मानते हो तो मैं आपसे कहूंगा कि आप अंधेरे में भटकते हैं।
मैजिनी ने साफ साफ बताया है कि इटली आजाद नहीं हुआ है। विक्टर इमैनुअल ने इटली का एक अर्थ लिया, मैजिनी ने दूसरा। इमैनुअल कावूर और गैरिबाल्डी के विचार से इटली का अर्थ था इमैनुअल या इटली का राजा और उसकी हुजूरी। मैजिनी के विचार से इटली का अर्थ था इटली के लोग, उसके किसान। इमैनुअल वगैरह तो उसके नौकर थे। मैजिनी का इटली अब भी गुलाम है। दो राजाओं के बीच शतरंज की बाजी लगी थी। इटली की प्रजा तो सिर्फ प्यादा थी और है। इटली के मजदूर अब भी दुखी हैं। इटली के मजदूरों की दाद फरियाद सुनी नहीं जाती, इसलिए वे लोग खून करते हैं, विरोध करते हैं, सिर फोड़ते हैं, और बलवा होने का डर आज भी बना हुआ है। ऑस्ट्रिया के जाने से इटली को क्या लाभ हुआ? नाम का ही लाभ हुआ। जिन सुधारों के लिए जंग मचा वे सुधार हुए नहीं, प्रजा की हालत सुधरी नहीं। हिंदुस्तान की ऐसी दशा करने का तो आपका इरादा नहीं ही होगा। मैं मानता हूं कि आपका विचार हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को सुखी करने का होगा, ये नहीं कि आप या मैं राजसत्ता ले लूं। अगर ऐसा है तो हमें एक ही विचार करना चाहिए, वो ये कि प्रजा स्वतंत्र कैसे हो। आप कबूल करेंगे कि कुछ देशी रियासतों में प्रजा कुचली जाती है, वहां के शासक नीचता से लोगों को कुचलते हैं, उनका जुल्म अंग्रेजों के जुल्म से भी ज्यादा है। ऐसा जुल्म अगर आप हिंदुस्तान में चाहते हैं तो हमारी पटरी कभी नहीं बैठेगी। मेरा स्वदेशाभिमान मुझे ये नहीं सिखाता कि देशी राजाओं के मातहत जिस तरह प्रजा कुचली जाती है उसी तरह उसे कुचलने दिया जाए। मुझ में बल होगा तो मैं देशी राजाओं के जुल्म के खिलाफ और अंग्रेजी जुल्म के खिलाफ जूझूंगा। स्वदेशाभिमान का अर्थ मैं देश का हित समझता हूँ। अगर देश का हित अंग्रेजों के हाथों होता हो तो मैं अंग्रेजों को झुककर नमस्कार करूंगा। अगर कोई अंग्रेज कहे कि देश को आजाद करना चाहिए, जुल्म के खिलाफ होना चाहिए और लोगों की सेवा करनी चाहिए, तो उस अंग्रेज को मैं हिंदुस्तानी मानकर उसका स्वागत करूंगा। फिर इटली की तरह जब हिंदुस्तान को हथियार मिले तभी वो लड़ सकता है। इस पर भगीरथ काम का तो मालूम होता है, पर इस भगीरथ काम का तो मालूम होता है आपने विचार ही नहीं किया है। अंग्रेज गोला बारूद से पूरी तरह लैस हैं, इससे मुझे डर नहीं लगता, लेकिन ऐसा तो दिखता है कि उनके हथियारों से उन्हीं के खिलाफ लड़ना हो तो हिंदुस्तान को हथियार बंद करना होगा। अगर ऐसा हो सकता हो तो इसमें कितने साल लगेंगे, और तमाम हिंदुस्तानियों को हथियार बंद करना तो हिंदुस्तान को यूरोप सा बनाने जैसा होगा। अगर ऐसा हुआ तो आज यूरोप के जो बेहाल हैं वैसे ही हिंदुस्तान के भी होंगे। थोड़े में हिंदुस्तान को यूरोप की सभ्यता अपनानी होगी। ऐसा ही होने वाला हो तो अच्छी बात ये होगी कि जो अंग्रेज उस सभ्यता में कुशल हैं उन्हीं को हम यहाँ रहने दें। उनसे थोड़ा बहुत झगड़ कर कुछ हक हम पाएंगे, कुछ नहीं पाएंगे और अपने दिन गुजारेंगे। लेकिन बात तो यह है कि हिंदुस्तान की प्रजा कभी हथियार नहीं उठाएगी। न उठाए ये ठीक ही है। पाठक, आप तो बहुत आगे बढ़ गए। सबके हथियार बंद होने की जरूरत नहीं। हम पहले तो कुछ अंग्रेजों का खून करके आतंक फैलाएंगे, फिर तो थोड़े लोग हथियार बंद होंगे, वे खुल्लम खुल्ला लड़ेंगे। उसमें पहले तो 20-25 लाख हिंदुस्तानी जरूर मरेंगे, लेकिन आखिर हम देश को अंग्रेजों से जीत लेंगे। हम गुरिल्ला लड़ाई लड़कर अंग्रेजों को हरा देंगे। संपादक, आपका ख्याल हिंदुस्तान की पवित्र भूमि को राक्षसी बनाने का लगता है। अंग्रेजों का खून करके हिंदुस्तान को छुड़ाएंगे, ऐसा विचार करते हुए आपको त्रास क्यों नहीं होता? खून तो हमें अपना करना चाहिए, क्योंकि हम नामर्द बन गए हैं इसलिए हम खून का विचार करते हैं। ऐसा करके आप किसे आजाद करेंगे? हिंदुस्तान की प्रजा ऐसा कभी नहीं चाहती। हम जैसे लोग ही हैं जिन्होंने अधम सभ्यता रूपी भांग पी है, नशे में ऐसा विचार करते हैं। खून करके जो लोग राज करेंगे वे प्रजा को सुखी नहीं बना सकेंगे। धींगरा ने जो खून किया है उससे या जो खून हिंदुस्तान में हुए हैं उनसे देश को फायदा हुआ है, ऐसा अगर कोई मानता है तो ये बड़ी भूल करता है। धींगरा को मैं देशाभिमानी मानता हूँ, लेकिन उसका देश प्रेम पागलपन से भरा था। उसने अपने शरीर का बलिदान गलत तरीके से दिया, उससे अंत में तो देश को नुकसान ही होने वाला है। पाठक, लेकिन आपको इतना तो कबूल करना ही होगा कि अंग्रेज इस खून से डर गए हैं, और लॉर्ड मार्ले ने जो कुछ हमें दिया है वो ऐसे डर से ही दिया है। संपादक, अंग्रेज जैसे डरपोक प्रजा हैं वैसे बहादुर भी हैं। गोला बारूद का असर उन पर तुरंत होता है, ऐसा मैं मानता हूँ। संभव है लॉर्ड मार्ले ने हमें जो कुछ दिया है वो डर से दिया हो, लेकिन डर से मिली हुई चीज जब तक डर बना रहता है तभी तक टिक सकती है। अध्याय 16, गोला बारूद। पाठक, डर से दिया हुआ जब तक डर रहे तभी तक टिक सकता है, ये तो आपने विचित्र बात कही। जो दिया सो दिया, उसमें फिर क्या हेरफेर हो सकता है? संपादक, ऐसा नहीं है। 1857 की घोषणा बलवे के अंत में लोगों में शांति कायम करने के लिए की गई थी। जब शांति हो गई और लोग भोले दिल के बन गए तब उसका अर्थ बदल गया।
अगर मैं सजा के डर से चोरी ना करूं तो सजा का डर मिट जाने पर चोरी करने की मेरी फिर से इच्छा होगी और मैं चोरी करूंगा। ये तो बहुत ही साधारण अनुभव है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हमने मान लिया है कि डांट डपट कर लोगों से काम लिया जा सकता है और इसलिए हम ऐसा करते आए हैं। पाठक, आपकी ये बात आपके खिलाफ जाती है, ऐसा आपको नहीं लगता? आपको स्वीकार करना होगा कि अंग्रेजों ने खुद जो हासिल किया है वो मार काट करके ही हासिल किया है। आप कह चुके हैं कि उन्होंने जो कुछ हासिल किया है वो बेकार है, ये मुझे याद है। इससे मेरी दलील को धक्का नहीं पहुंचता। उन्होंने बेकार चीज पाने का सोचा और उसे पाया, मतलब ये है कि उन्होंने अपनी मुराद पूरी की। साधन क्या था इसकी चिंता हम क्यों करें? अगर हमारी मुराद अच्छी हो तो क्या उसे हम चाहे जिस साधन से मार काट करके भी पूरा नहीं करेंगे? चोर मेरे घर में घुसे तब क्या मैं साधन का विचार करूंगा? मेरा धर्म तो उसे किसी तरह बाहर निकालने का ही होगा। ऐसा लगता है कि आप ये तो कबूल करते हैं कि हमें सरकार के पास अर्जियां भेजने से कुछ नहीं मिला है और ना आगे कभी मिलने वाला है, तो फिर उन्हें मार कर हम क्यों ना लें? जरूरत हो तो उतनी मार का डर हम हमेशा बनाए रखेंगे। बच्चा अगर आग में पैर रखे और उसे आग से बचाने के लिए हम उस पर रोक लगाएं तो आप भी इसे दोष नहीं मानेंगे? किसी भी तरह हमें अपना काम पूरा कर लेना है। संपादक, आपने दलील तो अच्छी की, वो ऐसी है कि बहुतों ने उससे धोखा खाया है। मैं भी ऐसी ही दलील करता था, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं और मैं अपनी गलती समझ सकता हूँ। आपको वो गलती बताने की कोशिश करूंगा। पहले तो इस दलील पर विचार करें कि अंग्रेजों ने जो कुछ पाया वो मार काट करके पाया, इसलिए हम भी वैसा ही करके मनचाही चीज पाए। अंग्रेजों ने मार काट की और हम भी कर सकते हैं, ये बात तो ठीक है, लेकिन मार काट से जैसी चीज उन्हें मिली वैसी ही हम भी ले सकते हैं। आप कबूल करेंगे कि वैसी चीज हमें नहीं चाहिए। आप मानते हैं कि साधन और साध्य, जरिया और मुराद के बीच कोई संबंध नहीं है। ये बहुत बड़ी भूल है। इस भूल के कारण जो लोग धार्मिक कहलाते हैं उन्होंने घोर दुष्कर्म किए हैं। ये तो धतूरे का पौधा लगाकर मोगरे के फूल करने की इच्छा जैसा हुआ। मेरे लिए समुद्र पार करने का साधन जहाज ही हो सकता है। अगर मैं पानी में बैलगाड़ी डाल दूं तो वो गाड़ी और मैं दोनों समुद्र के तले पहुंच जाएंगे। जैसे देव वैसी पूजा, ये वाक्य बहुत सोचने लायक है। उसका गलत अर्थ करके लोग भुलावे में पड़ गए हैं। साधन बीज है और साध्य हासिल करने की चीज पेड़ है, इसलिए जितना संबंध चीज और पेड़ के बीच में है उतना ही साधन और साध्य के बीच है। शैतान को भजकर मैं ईश्वर भजन का फल पाऊं, ये कभी नहीं हो सकता। इसलिए कहना कि हमें तो ईश्वर को ही भजना है, साधन भले शैतान हो, बिल्कुल अज्ञान की बात है। जैसी करनी वैसी भरनी। अंग्रेजों ने मार काट करके 1833 में वोट के विशेष अधिकार पाए। क्या मार काट करके वे अपना फर्ज समझ सके? उनकी मुराद अधिकार पाने की थी, इसलिए उन्होंने मार काट मचाकर अधिकार पा लिए। सच्चे अधिकार तो फर्ज के फल हैं, वे अधिकतर उन्होंने नहीं पाए। नतीजा ये हुआ कि सबने अधिकार पाने का प्रयत्न किया लेकिन फर्ज सो गया। जहाँ सभी अधिकार की बात करें वहाँ कौन किसको दे? वे कोई भी फर्ज अदा नहीं करते, ऐसा कहने का मतलब यहाँ नहीं है। लेकिन जो अधिकार वे मांगते हैं उन्हें हासिल करके उन्होंने वे फर्ज पूरे नहीं किए जो उन्हें करने चाहिए थे। उन्होंने योग्यता प्राप्त नहीं की, इसलिए उनके अधिकार उनकी गर्दन पर जुए की तरह सवार हो बैठे हैं। इसलिए जो कुछ उन्होंने पाया है वो उनके साधन का ही परिणाम है। जैसी चीज उन्हें चाहिए थी वैसे साधन उन्होंने काम में लिए। मुझे अगर आपसे आपकी घड़ी छीन लेनी हो तो बेशक आपके साथ मुझे मारपीट करनी होगी, लेकिन अगर मुझे आपकी घड़ी खरीदनी हो तो आपको दाम देने होंगे। अगर मुझे बख्शिश के तौर पर आपकी घड़ी लेनी हो तो मुझे आपसे विनती करनी होगी। घड़ी पाने के लिए मैं जो साधन काम में लूंगा उसके अनुसार वो चोरी का माल, मेरा माल या बख्शिश की चीज होगी। तीन साधनों के तीन अलग परिणाम आएंगे। तब आप कैसे कह सकते हैं कि साधन की कोई चिंता नहीं? अब चोर को घर में से निकालने की मिसाल लें। मैं आपसे इसमें सहमत नहीं हूँ कि चोर को निकालने के लिए चाहे जो साधन काम में लिया जा सकता है। अगर मेरे घर में मेरे पिता चोरी करने आएगा तो मैं एक साधन काम में लूंगा। अगर कोई मेरी पहचान का चोरी करने आएगा तो मैं वही साधन काम में नहीं लूंगा, और कोई अनजान आदमी आएगा तो मैं तीसरा साधन काम में लूंगा। अगर वो गोरा हो तो एक साधन और हिंदुस्तानी हो तो दूसरा साधन काम में लेना चाहिए। ऐसा भी शायद आप कहेंगे, अगर कोई मुर्दार लड़का चोरी करने आया होगा तो मैं बिल्कुल दूसरा ही साधन काम में लूंगा। अगर वो मेरी बराबरी का होगा तो और ही कोई साधन काम में लूंगा, और अगर वो हथियारबंद तगड़ा आदमी होगा तो मैं चुपचाप सो रहूंगा। इसमें पिता को लेकर ताकतवर आदमी तक अलग अलग साधन इस्तेमाल किए जाएंगे। पिता होगा तो भी मुझे लगता है कि मैं सो रहूंगा, और हथियार से लैस कोई होगा तो भी मैं सो रहूंगा। पिता में भी बल है, हथियार बंद आदमी में भी बल है। दोनों बलों के बस होकर मैं अपनी चीज को जाने दूंगा।
पिता का बल मुझे दया से रुलाएगा, हथियारबंद आदमी का बल मेरे मन में गुस्सा पैदा करेगा, हम कट्टर दुश्मन हो जाएंगे। ऐसी मुश्किल हालत है। इन मिसालों से हम दोनों साधनों के निर्णय पर तो नहीं पहुंच सकेंगे। मुझे तो सब चोरों के बारे में क्या करना चाहिए ये सोचता है, लेकिन उस इलाज से आप घबरा जाएंगे, इसलिए मैं आपके सामने उसे नहीं रखता। आप इसे समझ लें, और अगर नहीं समझेंगे तो हर वक्त आपको अलग अलग साधन काम में लेने होंगे। लेकिन आपने इतना तो देखा कि चोर को निकालने के लिए चाहे जो साधन काम नहीं देगा, और जैसा साधन आपका होगा उसके मुताबिक नतीजा आएगा। आपका धर्म किसी भी साधन से चोर को घर से निकालने का हरगिज नहीं है। जरा आगे बढ़ें। वो हथियार बंद आदमी आपकी चीज ले गया है, आपने उसे याद रखा है, आपके मन में उस पर गुस्सा भरा है। आप उस लुच्चे को अपने लिए नहीं लेकिन लोगों के कल्याण के लिए सजा देना चाहते हैं। आपने कुछ आदमी जमा किए, उसके घर पर आपने धावा बोलने का निश्चय किया, उसे मालूम हुआ वो भागा, उसने दूसरे लुटेरे जमा किए, वो भी खींचा हुआ है। अब तो उसने आपका घर दिन दहाड़े लूटने का संदेश आपको भेजा है। आप उसके मुकाबले के लिए तैयार बैठे हैं। इस बीच लुटेरा आपके आसपास के लोगों को हैरान करता है, वे आपसे शिकायत करते हैं। आप कहते हैं, ये सब मैं आपके लिए ही तो करता हूँ, मेरा माल गया तो उसकी कोई बिसात नहीं। लोग कहते हैं, पहले तो वो हमें लूटता नहीं था, आपने जब से उसके साथ लड़ाई शुरू की है तभी से उसने ये काम शुरू किया है। आप दुविधा में फंस जाते हैं। गरीबों के ऊपर आपको रहम है, उनकी बात सही है। अब क्या किया जाए? क्या लुटेरों को छोड़ दिया जाए? इससे तो आपकी इज्जत चली जाएगी, इज्जत सबको प्यारी होती है। आप गरीबों से कहते हैं, कोई फिक्र नहीं, आइए, मेरा धन आपका ही है, मैं आपको हथियार देता हूँ, मैं आपको उनका उपयोग सिखाऊंगा। आप उस बदमाश को मारिए, छोड़िए नहीं। यूं लड़ाई बढ़ी, लुटेरे बढ़े, लोगों ने खुद होकर मुसीबत मोल ली। चोर से बदला लेने का परिणाम ये आया कि नींद बेचकर जागरण मोल लिया। जहां शांति थी वहां अशांति पैदा हुई। पहले तो जब मौत आती तभी मरते थे, अब तो सदा ही मरने के दिन आए। लोग हिम्मत हार कर पस्त हिम्मत बने। इसमें मैंने बढ़ा चढ़ा कर कुछ नहीं कहा है, ये आप धीरज से सोचेंगे तो देख सकेंगे। ये एक साधन हुआ, अब दूसरे साधन की जांच करें। चोर को आप अज्ञानी मान लेते हैं, कभी मौका मिलने पर उसे समझाने का आपने सोचा है। आप ये भी सोचते हैं कि वो भी हमारे जैसा आदमी है, उसने किस इरादे से चोरी की ये आपको क्या मालूम। आपके लिए अच्छा रास्ता तो यही है कि जब मौका मिले तब आप उस आदमी के भीतर से चोरी का बीज ही निकाल दें। ऐसा आप सोच रहे हैं, इतने दिन में वे भाई साहब फिर से चोरी करने आते हैं, आप नाराज नहीं होते, आपको उस पर दया आती है। आप सोचते हैं कि आदमी रोगी है, आप खिड़की दरवाजे खुले कर देते हैं, आप अपनी सोने की जगह बदल देते हैं, आप अपनी चीजें झट ले जाई सके इस तरह रख देते हैं। चोर आता है वो घबराता है, ये सब उसे नया ही मालूम होता है। चोर आता है वो घबराता है, ये सब उसे नया ही मालूम होता है। माल तो वो ले जाता है लेकिन उसका मन चक्कर में पड़ जाता है, वो गांव में जांच पड़ताल करता है, आपकी दया के बारे में उसको मालूम होता है, वो पछताता है और आपसे माफी मांगता है, आपकी चीजें वापस ले आता है, वो चोरी का धंधा छोड़ देता है, आपका सेवक बन जाता है, आप उसे काम धंधे से लगा देते हैं। ये दूसरा साधन है। आप देखते हैं कि अलग अलग साधनों से अलग अलग नतीजे आते हैं। सब चोर ऐसा ही बर्ताव करेंगे या सब में आपका सा दया भाव होगा, ऐसा मैं इसे साबित नहीं करना चाहता, लेकिन यही दिखाना चाहता हूँ कि अच्छे नतीजे लाने के लिए अच्छे ही साधन चाहिए, और अगर सब नहीं तो ज्यादातर मामलों में हथियार बल से ज्यादा दया बल ताकतवर साबित होता है। हथियार से हानि है, दया से कभी नहीं। अब अर्जी की बात लें। जिसके पीछे बल नहीं है वो अर्जी निकम्मी है, इसमें कोई शक नहीं। फिर भी स्वर्गीय न्यायमूर्ति रानाडे कहते थे कि अर्जी लोगों को तालीम देने का एक साधन है, उससे लोगों को अपनी स्थिति का भान कराया जा सकता है और राजकर्ता को चेतावनी दी जा सकती है। यो सोचे तो अर्जी निकम्मी चीज है। बराबरी का आदमी अर्जी करेगा तो वो उसकी नम्रता की निशानी मानी जाएगी, गुलाम अर्जी करेगा तो वो उसकी गुलामी की निशानी होगी। जिस अर्जी के पीछे बल है वो बराबरी के आदमी की अर्जी है, और वो अपनी मांग अर्जी के रूप में रखता है, ये उसकी खानदानियत को बताता है। अर्जी के पीछे दो तरह के बल होते हैं, अगर आप नहीं देंगे तो हम आपको मारेंगे, ये गोला बारूद का बल है, इसका बुरा नतीजा हम देख चुके हैं। दूसरा बल ये है, अगर आप नहीं देंगे तो हम आपके अर्जदार नहीं रहेंगे, हम अर्जदार होंगे तो आप बादशाह बने रहेंगे, हम आपके साथ कोई व्यवहार नहीं रखेंगे। इस बल को चाहे दया बल कहें, चाहे आत्मबल कहें या सत्याग्रह कहें, ये बल अविनाशी है। इस बल का उपयोग करने वाला अपनी हालत को बराबर समझता है। इसका समावेश हमारे बुजुर्गों ने एक ना ही सब रोगों की दवा में किया है। ये बल जिसमें है उसका हथियार बल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बच्चा अगर आग में पैर रखे तो उसको दबाने की मिसाल की छानबीन करने में तो आप हार जाएंगे,
बच्चे के साथ आप क्या करेंगे? मान लीजिए कि बच्चा ऐसा जोर करे कि आपको मार कर वो आग में जा पड़े, तब तो आग में पड़े बिना वो रहेगा ही नहीं। इसका उपाय आपके पास ये है, या तो आग में पड़ने से रोकने के लिए आप उसके प्राण ले लें, या उसका आग में पड़ना आपसे देखा नहीं जाता इसलिए आप स्वयं आग में पड़कर अपनी जान दे दें। आप बच्चे के प्राण तो नहीं ही लेंगे, आप में अगर संपूर्ण दया भाव ना हो तो मुमकिन है कि आप अपने प्राण नहीं देंगे, तो फिर लाचारी से आप बच्चे को आग में कूदने देंगे। इस तरह आप बच्चे पर हथियार बल का उपयोग नहीं करते हैं। बच्चे को आप और किसी तरह रोक सकेंगे तो रोकेंगे, और वो बल कम दर्जे का लेकिन हथियार बल ही होगा, ऐसा ही आप ना समझ लें। वो बल और ही प्रकार का है, उसी को समझ लेना है। बच्चे को रोकने में आप सिर्फ बच्चे का स्वार्थ देखते हैं, जिसके ऊपर आप अंकुश रखना चाहते हैं, पर उसके स्वार्थ के लिए ही अंकुश रखेंगे। ये मिसाल अंग्रेजों पर जरा भी लागू नहीं होती। आप अंग्रेज पर जो हथियार बल का उपयोग करना चाहते हैं उसमें आप अपना ही यानी प्रजा का स्वार्थ देखते हैं, उसमें दया जरा भी नहीं है। अगर आप यूं कहें कि अंग्रेज जो अधम नीच काम करते हैं वो आग है, वे आग में अज्ञान के कारण जाते हैं, और आप दया से अज्ञानी को यानी बच्चे को उससे बचाना चाहते हैं, तो इस प्रयोग को आजमाने के लिए आपको जहां तहां जो भी आदमी नीच काम करता होगा वहां वहां पहुंचना होगा, और सामने वाले के बच्चे के प्राण के बजाय अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी। इतना पुरुषार्थ आप करना चाहे तो कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, पर यह बात बिल्कुल असंभव है। अध्याय 17, सत्याग्रह आत्मबल। पाठक, आप जिस सत्याग्रह आत्मबल की बात करते हैं उसका इतिहास में कोई प्रमाण है? आज तक दुनिया का एक भी राष्ट्र इस बल से ऊपर चढ़ा हो ऐसा देखने में नहीं आता। मार काट के बिना बुरे लोग सीधे रहेंगे ही नहीं, ऐसा विश्वास अभी मेरे मन में बना हुआ है। संपादक, कवि तुलसीदास जी ने लिखा है, दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। मुझे तो ये वाक्य शास्त्र वचन जैसा लगता है। जैसे दो और दो चार ही होते हैं, उतना ही भरोसा मुझे ऊपर के वचन पर है। दया बल आत्म बल है, सत्याग्रह है, और इस बल के प्रमाण पग पग पर दिखाई देते हैं। अगर ये बल नहीं होता तो पृथ्वी रसातल में पहुंच गई होती। लेकिन आप तो इतिहास का प्रमाण चाहते हैं, इसके लिए हमें इतिहास का अर्थ जानना होगा। इतिहास का शब्दार्थ है ऐसा हो गया। ऐसा अर्थ करे तो आपको सत्याग्रह के कई प्रमाण दिए जा सकते हैं। इतिहास जिस अंग्रेजी शब्द का तर्जुमा है और जिस शब्द का अर्थ बादशाहों या राजाओं की तवारीख होता है, उसका अर्थ लेने से सत्याग्रह का प्रमाण नहीं मिलता। जस्ते की खान में आप अगर चांदी ढूंढने जाएं तो वो कैसे मिलेगी? हिस्ट्री में दुनिया के कोलाहल की कहानी मिलेगी। इसलिए गोरे लोगों में कहावत है कि जिस राष्ट्र की हिस्ट्री नहीं है वो राष्ट्र सुखी है। राजा लोग कैसे खेलते थे, कैसे खून करते थे, कैसे बैर रखते थे, ये सब हिस्ट्री में मिलता है। अगर यही इतिहास होता, अगर इतना ही हुआ होता, तब तो दुनिया कब की डूब गई होती। अगर दुनिया की कथा लड़ाई से शुरू हुई होती तो आज एक भी आदमी जिंदा नहीं रहता। जो प्रजा लड़ाई का ही भोग बन गई उसकी ऐसी ही दशा हुई। ऑस्ट्रेलिया के हप्शी लोगों का नामो निशान मिट गया है। ऑस्ट्रेलिया के गोरों ने उनमें से शायद ही किसी को जीने दिया है। जिनकी जड़ ही खत्म हो गई वे लोग सत्याग्रही नहीं थे। जो जिंदा रहेंगे वे देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के गोरे लोगों के यही हाल होंगे। जो तलवार चलाते हैं उनकी मौत तलवार से ही होती है। हमारे यहाँ ऐसी कहावत है कि तैराक की मौत पानी में। दुनिया में इतने लोग आज भी जिंदा हैं। ये बताता है कि दुनिया का आधार हथियार बल नहीं है, परंतु सत्य दया या आत्मबल पर है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है कि दुनिया लड़ाई के हंगामों के बावजूद टिकी हुई है। इसलिए लड़ाई के बल के बजाय दूसरा ही बल उसका आधार है। हजारों बल्कि लाखों लोग प्रेम के बस रहकर अपना जीवन बसर करते हैं। करोड़ों कुटुंबों का क्लेश प्रेम की भावनाओं में समा जाता है, डूब जाता है। सैकड़ों राष्ट्र मेलजोल से रहे हैं। इसको हिस्ट्री नोट नहीं करती, हिस्ट्री कर भी नहीं सकती। जब इस दया की, प्रेम की और सत्य की धारा टूटती रुकती है, तभी इतिहास में वो लिखा जाता है। एक कुटुंब के दो भाई लड़े, इसमें एक ने दूसरे के खिलाफ सत्याग्रह का बल काम में लिया, दोनों फिर से मिलजुल कर रहने लगे, इसका नोट कौन लेता है? अगर दोनों भाइयों में वकीलों की मदद से या दूसरे कारणों से वैर भाव बढ़ता है और वे हथियारों या अदालतों के जरिए लड़ते हैं, तो उनके नाम अखबारों में छपते, आस पड़ोस के लोग जानते और शायद इतिहास में भी लिखे जाते। जो बात कुटुंबों, जमातों और इतिहास के बारे में सच है, वही राष्ट्रों के बारे में भी समझ लेना चाहिए। कुटुंब के लिए एक कानून और राष्ट्र के लिए दूसरा, ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है। हिस्ट्री अस्वाभाविक बातों को दर्ज करती है, सत्याग्रह स्वाभाविक है, इसलिए उसे दर्ज करने की जरूरत ही नहीं है। पाठक, आपके कहे मुताबिक तो यही समझ में आता है कि सत्याग्रह की मिसालें इतिहास में नहीं लिखी जा सकती।
इस सत्याग्रह को ज्यादा समझने की जरूरत है। आप जो कुछ कहना चाहते हैं उसे ज्यादा साफ शब्दों में कहेंगे तो अच्छा होगा। संपादक, सत्याग्रह या आत्मबलों को अंग्रेजी में पैसिव रेजिस्टेंस कहा जाता है। जिन लोगों ने अपने अधिकार पाने के लिए खुद दुख सहन किया था, उनके दुख सहने के ढंग के लिए ये शब्द बरता गया है। उसका ध्येय लड़ाई के ध्येय से उल्टा है। जब मुझे कोई काम पसंद न आए और वह काम मैं न करूं, तो उससे मैं सत्याग्रह या आत्मबल का उपयोग करता हूं। मिसाल के तौर पर, मुझ पर लागू होने वाला कोई कानून सरकार ने पास किया, वो कानून मुझे पसंद नहीं है। अब अगर मैं सरकार पर हमला करके ये कानून रद्द करवाता हूँ तो ये कहा जाएगा कि मैंने शरीर बल का उपयोग किया। अगर मैं उस कानून को मंजूर ही ना करूं और उस कारण से होने वाली सजा भुगत लूं तो कहा जाएगा कि मैंने आत्मबल या सत्याग्रह से काम लिया। सत्याग्रह में मैं अपना ही बलिदान देता हूं। ये तो सब कोई कहेंगे कि दूसरे का भोग बलिदान लेने से अपना भोग देना ज्यादा अच्छा है। इसके सिवा सत्याग्रह से लड़ते हुए अगर लड़ाई गलत ठहरी तो सिर्फ लड़ाई छेड़ने वाला ही दुख भोगता है, यानी अपनी भूल की सजा वो खुद भोगता है। ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिनमें लोग गलती से शामिल हुए थे। कोई भी आदमी दावे से ये नहीं कह सकता कि फला काम खराब ही है, लेकिन जिसे वो खराब लगा उसके लिए तो वो खराब ही है। अगर ऐसा ही है तो फिर उसे वो काम नहीं करना चाहिए और उसके लिए दुख भोगना, कष्ट सहन करना चाहिए। यही सत्याग्रह की कुंजी है। पाठक, तब तो आप कानून के खिलाफ होते हैं, ये बेवफाई कही जाएगी। हमारी गिनती हमेशा कानून को मानने वाली प्रजा में होती है। आप तो एक्सट्रीमिस्ट से भी आगे बढ़ते दिखते हैं। एक्सट्रीमिस्ट कहता है कि जो कानून बन चुके हैं उन्हें तो मानना ही चाहिए, लेकिन कानून खराब हो तो उनके बनाने वालों को मारकर भगा देना चाहिए। संपादक, मैं आगे बढ़ता हूँ या पीछे रहता हूँ, इसकी परवाह न आपको होनी चाहिए न मुझे। हम तो जो अच्छा है उसे खोजना चाहते हैं और उसके मुताबिक बरतना चाहते हैं। हम कानून को मानने वाली प्रजा हैं। इसका सही अर्थ तो ये है कि हम सत्याग्रही प्रजा हैं। कानून जब पसंद न आए तब हम कानून बनाने वालों का सिर नहीं तोड़ते, बल्कि उन्हें रद्द कराने के लिए खुद उपवास करते हैं, खुद दुख उठाते हैं। हमें अच्छे या बुरे कानून को मानना चाहिए, ऐसा अर्थ तो आजकल का है। पहले ऐसा नहीं था। तब चाहे जिस कानून को लोग तोड़ते थे और उसकी सजा भोगते थे। कानून हमें पसंद ना हो तो भी उसके मुताबिक चलना चाहिए, ये सिखावन मर्दानगी के खिलाफ है, धर्म के खिलाफ है और गुलामी की हद है। सरकार तो कहेगी कि हम उसके सामने नंगे होकर नाचें, तो क्या हम नाचेंगे? अगर मैं सत्याग्रही हूं तो सरकार से कहूंगा, ये कानून आप अपने घर में रखिए, ना तो मैं आपके सामने नंगा होने वाला हूं और ना नाचने वाला हूं। लेकिन हम ऐसे असत्याग्रही हो गए हैं कि सरकार के जुल्म के सामने झुककर नंगे होकर नाचने से भी ज्यादा नीच काम करते हैं। जिस आदमी में सच्ची इंसानियत है, जो खुदा से ही डरता है और वो और किसी से नहीं डरेगा, दूसरे के बनाए हुए कानून उसके लिए बंधन कारक नहीं होते। बेचारी सरकार भी नहीं कहती कि तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा, वो कहती है कि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें सजा होगी। हम अपनी अधम दशा के कारण मान लेते हैं कि हमें ऐसा करना ही चाहिए, ये हमारा फर्ज है, ये हमारा धर्म है। अगर लोग एक बार सीख लें कि जो कानून हमें अन्यायी मालूम हो उसे मानना नामर्दगी है, तो हमें किसी का भी जुल्म बांध नहीं सकता। यही स्वराज की कुंजी है। ज्यादातर लोग जो कहें उसे थोड़े लोगों को मान लेना चाहिए, ये तो अनीश्वरी बात है, एक वहम है। ऐसी हजारों मिसालें मिलेंगी जिनमें बहुतों ने जो कहा वो गलत निकला हो और ऐसे थोड़े लोगों ने जो कहा हो वह सही निकला हो। सारे सुधार बहुत से लोगों के खिलाफ जाकर कुछ लोगों ने ही दाखिल करवाए हैं। ठगों के गांव में अगर बहुत से लोग ये कहें कि ठग विद्या सीखनी ही चाहिए, तो क्या कोई साधु ठग बन जाएगा? हरगिज नहीं। अन्यायी कानून को मानना चाहिए, ये वहम जब तक दूर नहीं होता तब तक हमारी गुलामी जाने वाली नहीं है, और इस वहम को सिर्फ सत्याग्रही ही दूर कर सकता है। शरीर बल का उपयोग करना, गोला बारूद काम मिलाना हमारे सत्याग्रह के कानून के खिलाफ है। इसका अर्थ तो ये हुआ कि हमें जो पसंद है वो दूसरे आदमी से हम जबरन करवाना चाहते हैं। अगर ये सही हो तो फिर वो सामने वाला आदमी भी अपनी पसंद का काम हमसे करवाने के लिए हम पर गोला बारूद चलाने का हकदार है। इस तरह तो हम कभी एक राय पर पहुंचेंगे ही नहीं। कोल्हू के बैल की तरह आंखों पर पट्टी बांधकर भले ही मान लें कि हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन दरअसल तो बैल की तरह हम गोल गोल चक्कर ही काटते रहते हैं। जो लोग ऐसा मानते हैं कि जो कानून खुद को नापसंद है उसे मानने के लिए आदमी बंधा हुआ नहीं है, उन्हें तो सत्याग्रह को ही सही साधन मानना चाहिए, वरन बड़ा विकट नतीजा आएगा। पाठक,
आप जो कहते हैं उस पर से मुझे लगता है कि सत्याग्रह कमजोर आदमियों के लिए काफी काम का है, लेकिन जब वे बलवान बन जाएं तब तो उन्हें तोप ही चलाना चाहिए। संपादक, ये तो आपने बड़े अज्ञान की बात कही। सत्याग्रह सबसे बड़ा सर्वोपरि बल है, पर जब तोप बल से ज्यादा काम करता है तो सत्याग्रह सबसे बड़ा कमजोरों का हथियार कैसे माना जाएगा? सत्याग्रह के लिए जो हिम्मत और बहादुरी चाहिए वो तोप का बल रखने वाले के पास हो ही नहीं सकती। क्या आप ये मानते हैं कि डरपोक और कमजोर आदमी नापसंद कानून को तोड़ सकेगा? एक्सट्रीमिस्ट तोप बल पशु बल के हिमायती हैं। वे क्यों कानून मानने की बात कर रहे हैं? मैं उनका दोष नहीं निकालता। वे दूसरी कोई बात कर ही नहीं सकते। वे खुद जब अंग्रेजों को मार कर राज्य करेंगे तब आपसे और हमसे कानून मनवाना चाहेंगे। उनके तरीके के लिए यही कहना ठीक है, लेकिन सत्याग्रही तो कहेगा कि जो कानून उसे पसंद नहीं है उन्हें वो स्वीकार नहीं करेगा, फिर चाहे उसे तोप के मुंह पर बांधकर उसकी धज्जियां क्यों ना उड़ा दी जाएं। आप क्या मानते हैं, तोप चलाकर सैकड़ों को मारने में हिम्मत की जरूरत, या हंसते हंसते तोप के मुंह पर बांधकर धज्जियां उड़ने देने में हिम्मत की जरूरत है? खुद मौत को हथेली में रखकर जो चलता फिरता है वो रणवीर है, या दूसरों की मौत को अपने हाथ में रखता है वो रणवीर है? ये निश्चित मानिए कि नामर्द आदमी घड़ी भर के लिए भी सत्याग्रही नहीं रह सकता। हाँ, ये सही है कि शरीर से जो दुबला हो वो भी सत्याग्रही हो सकता है। एक आदमी भी सत्याग्रही हो सकता है और लाखों लोग भी हो सकते हैं। मर्द भी सत्याग्रही हो सकता है, औरत भी हो सकती है। उसे अपना लश्कर तैयार करने की जरूरत नहीं रहती, उसे पहलवानों की कुश्ती सीखने की जरूरत नहीं रहती। उसने अपने मन को काबू में किया कि फिर वो वनराज सिंह की तरह गर्जना कर सकता है, और जो उसके दुश्मन बन बैठे हैं उनके दिल इस गर्जना से फट जाते हैं। सत्याग्रही ऐसी तलवार है जिसके दोनों ओर धार है, उसे चाहे जैसे काम में लिया जा सकता है। जो उसे चलाता है और जिस पर वो चलाई जाती है वे दोनों सुखी होते हैं। वो खून नहीं निकालती, लेकिन उससे भी बड़ा परिणाम ला सकती है। उसको जंग नहीं लग सकती, उसे कोई चुरा कर नहीं ले जा सकता। अगर सत्याग्रही दूसरे सत्याग्रही के साथ होड़ में उतरता है तो उसमें उसे थकान लगती ही नहीं। सत्याग्रही की तलवार को म्यान की जरूरत नहीं रहती, उसे कोई छीन नहीं सकता। फिर भी सत्याग्रह को आप कमजोरों का हथियार माने, तब तो उसे अंधेरे में रहना ही कहा जाएगा। पाठक, आपने कहा कि वो हिंदुस्तान का खास हथियार है, तो क्या हिंदुस्तान में तोप के बल पर कभी उपयोग नहीं हुआ है? संपादक, आप हिंदुस्तान का अर्थ मुट्ठी भर राजा करते हैं। मेरे मन में तो हिंदुस्तान का अर्थ वे करोड़ों किसान हैं जिनके सहारे राजा और हम सब जी रहे हैं। राजा तो हथियार काम में लाएंगे ही, उनका वो रिवाज ही हो गया है, उन्हें हुक्म चलाना है। लेकिन हुक्म मानने वाले को तोप बल की जरूरत नहीं है। दुनिया के ज्यादातर लोग हुक्म मानने वाले हैं, उन्हें या तो तोप बल या सत्याग्रह का बल सिखाना चाहिए। जहाँ वे तोप बल सीखते हैं वहाँ राजा प्रजा दोनों पागल जैसे हो जाते हैं। जहाँ हुक्म मानने वालों ने सत्याग्रह करना सीखा है वहाँ राजा का जुल्म उसकी तीन गज की तलवार से आगे नहीं जा सकता, और हुक्म मानने वालों ने अन्यायी हुक्म की परवाह भी कभी नहीं की। किसान किसी के तलवार बल के बस ना तो कभी हुए हैं और ना होंगे। वे तलवार चलाना नहीं जानते, ना किसी की तलवार से डरते हैं। वे मौत को हमेशा अपना तकिया बनाकर सोने वाली महान प्रजा है। उन्होंने मौत का डर छोड़ दिया है, इसलिए सबका डर छोड़ दिया है। यहाँ मैं कुछ बढ़ा चढ़ा कर तस्वीर खींचता हूँ ये ठीक है, लेकिन हम जो तलवार के बल से चकित हो गए हैं उनके लिए ये कुछ ज्यादा नहीं है। बात यह है कि किसानों ने, प्रजा मंडलों ने अपने और राज्य के कारोबार में सत्याग्रह को काम में लिया है। जब राजा जुल्म करता है तब प्रजा रूठती है, ये सत्याग्रह ही है। मुझे याद है कि एक रियासत में रैयत को अमुक हुक्म पसंद नहीं आया, इसलिए रैयत ने हिजरत करना, गांव खाली करना शुरू कर दिया। राजा घबराए, उन्होंने रैयत से माफी मांगी और हुक्म वापस ले लिया। ऐसी मिसालें तो बहुत मिल सकती हैं, लेकिन वे ज्यादातर भारत भूमि की ही उपज होंगी। ऐसी रैयत जहां है वहां स्वराज है, इसके बिना स्वराज कुराज्य है। पाठक, तो क्या आप कहेंगे कि शरीर को कसने की जरूरत ही नहीं है? संपादक, ऐसा मैं कभी नहीं कहूंगा। शरीर को कसे बिना सत्याग्रही होना मुश्किल है। अक्सर जिन शरीरों को गलत लाड़ लड़ाकर सहलाकर कमजोर बना दिया गया है उनमें रहने वाला मन भी कमजोर होता है, और जहां मन का बल नहीं है वहां आत्मबल कैसे हो सकता है? हमें बाल विवाह वगैरह के कुरिवाज को और ऐश आराम की बुराई को छोड़कर शरीर को कसना ही होगा। अगर मैं मरियल और कमजोर आदमी को यकायक तोप के मुंह पर खड़ा हो जाने के लिए कहूं तो लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। पाठक, आपके कहने से तो ऐसा लगता है कि सत्याग्रही होना मामूली बात नहीं है, और अगर ऐसा है तो कोई आदमी सत्याग्रही कैसे बन सकता है, यह आपको समझाना होगा।
संपादक, सत्याग्रही होना आसान है, लेकिन जितना वो आसान है उतना ही मुश्किल भी है। 14 बरस का एक लड़का सत्याग्रही हुआ है, ये मेरे अनुभव की बात है। रोगी आदमी सत्याग्रही हुए हैं ये भी मैंने देखा है। मैंने ये भी देखा है कि जो लोग शरीर से बलवान थे और दूसरी बातों में भी सुखी थे, वे सत्याग्रही नहीं हो सके। अनुभव से मैं देखता हूँ कि जो देश के भले के लिए सत्याग्रही होना चाहता है, उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सत्य का पालन तो करना ही चाहिए और हर हालत में अभय बनना चाहिए। ब्रह्मचर्य एक महान व्रत है जिसके बिना मन मजबूत नहीं होता। ब्रह्मचर्य पालन न करने से मनुष्य वीरवान नहीं रहता, नामर्द और कमजोर हो जाता है। जिसका मन विषय में भटकता है वो क्या शेर मारेगा, ये बात अनगिनत मिसालों से साबित की जा सकती है। तब सवाल ये उठता है कि घर संसारी को क्या करना चाहिए, लेकिन ऐसा सवाल उठने की कोई जरूरत नहीं। घर संसारी ने जो संग किया वो विषय भोग नहीं है, ऐसा कोई नहीं कहेगा। संतान पैदा करने के लिए ही अपनी स्त्री का संग करने की बात कही गई है, और सत्याग्रही को संतान पैदा करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, इसलिए संसारी होने पर भी वो ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। ये बात ज्यादा खोलकर लिखने की जरूरत नहीं। स्त्री का क्या विचार है, ये सब कैसे हो सकता है, ऐसे विचार मन में पैदा होते हैं। फिर भी जिसे महान कार्यों में हिस्सा लेना है उसे तो ऐसे सवालों का हल ढूंढना ही होगा। जैसे ब्रह्मचर्य की जरूरत है, वैसे ही गरीबी को अपनाने की भी जरूरत है। पैसे का लोभ और सत्याग्रह का सेवन दोनों साथ साथ कभी नहीं चल सकते। लेकिन मेरा मतलब ये नहीं है कि जिसके पास पैसा है वो उसे फेंक दे। फिर भी पैसे के बारे में लापरवाह रहने की जरूरत है। सत्याग्रह सेवन करते हुए अगर पैसा चला जाए तो चिंता नहीं करनी चाहिए। जो सत्य का सेवन नहीं करता वो सत्य का बल, सत्य की ताकत कैसे दिखा सकेगा। इसलिए सत्य की तो पूरी पूरी जरूरत रहेगी ही। बड़े से बड़ा नुकसान होने पर भी सत्य को नहीं छोड़ा जा सकता। सत्य के लिए कुछ छिपाने को होता ही नहीं, इसलिए सत्याग्रही के लिए छिपी सेना की जरूरत नहीं होती। जान बचाने के लिए झूठ बोलना चाहिए या नहीं, ऐसा सवाल यहाँ मन में नहीं उठाना चाहिए। जिसे झूठ का बचाव करना है वही ऐसे बेकार सवाल उठाता है। जिसे सत्य की राह लेनी है उसके सामने ऐसे धर्म संकट कभी आते ही नहीं। ऐसी मुश्किल हालत में आ पड़े तो भी सत्यवादी उसमें से उबर जाता है। अभय के बिना तो सत्याग्रही की गाड़ी एकदम भी आगे नहीं चल सकती। अभय संपूर्ण और सब बातों के लिए होना चाहिए। जमीन जायदाद का, झूठी इज्जत का, सगे संबंधियों का, राज दरबार का, शरीर को पहुंचने वाली चोटों का और मरण का भय हो, तभी सत्याग्रह का पालन हो सकता है। ये सब करना मुश्किल है, ऐसा मानकर इसे छोड़ नहीं देना चाहिए। जो सिर पर पड़ता है उसे सह लेने की शक्ति कुदरत ने हर मनुष्य को दी है। जिसे देश की सेवा न करनी हो उसे भी ऐसे गुणों का सेवन करना चाहिए। इसके सिवा हम ये भी समझ सकते हैं कि जिसे हथियार बल पाना होगा उसे भी इन बातों की जरूरत रहेगी। रणवीर होना कोई ऐसी बात नहीं कि किसी ने इच्छा की और तुरंत रणवीर हो गया। योद्धा को ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, भिखारी बनना होगा। रण में जिसके भीतर अभय न हो वो लड़ नहीं सकता। उसे सत्यव्रत का पालन करने की उतनी जरूरत नहीं है, ऐसा शायद किसी को लगे, लेकिन जहाँ अभय है वहाँ सत्य कुदरती तौर पर रहता ही है। मनुष्य जब सत्य को छोड़ता है तब किसी तरह के भय के कारण ही छोड़ता है, इसलिए इन 4 गुणों से डर जाने का कोई कारण नहीं है। फिर तलवारबाज को और भी कुछ बेकार कोशिशें करनी पड़ती हैं, जो सत्याग्रही को नहीं करनी पड़ती। तलवारबाज को जो दूसरी कोशिशें करनी पड़ती हैं उसका कारण भय है। अगर उसमें पूरी निडरता आ जाए तो उसी पल उसके हाथ से तलवार गिर जाएगी, फिर उसे तलवार के सहारे की जरूरत नहीं रहती। जिसकी किसी से दुश्मनी नहीं उसे तलवार की जरूरत ही नहीं। सिंह के सामने आने वाले एक आदमी के हाथ की लाठी अपने आप उठ गई। उसने देखा कि अभय का पाठ उसने सिर्फ जबानी ही किया था। उसने लाठी छोड़ी और वो निर्भय निडर बना। अध्याय 18, शिक्षा। आपने इतना सारा कहा परंतु उसमें कहीं भी शिक्षा तालीम की जरूरत तो बताई ही नहीं। हम शिक्षा की कमी को हमेशा शिकायत करते रहते हैं। लाजिमी तालीम देने का आंदोलन हम सारे देश में देखते हैं। महाराजा गायकवाड़ ने लाजिमी शिक्षा शुरू की है, उसकी ओर सबका ध्यान गया है। हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। ये सारी कोशिशें क्या बेकार ही समझनी चाहिए। संपादक, अगर हम अपनी सभ्यता को सबसे अच्छी मानते हैं तब तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि वो कोशिश ज्यादातर बेकार ही है। महाराजा साहब और हमारे दूसरे धुरंधर नेता सबको तालीम देने की जो कोशिश कर रहे हैं उनमें उनका हेतु निर्मल है, इसलिए उन्हें धन्यवाद ही देना चाहिए। लेकिन उनके हेतु का जो नतीजा आने की संभावना है उसे हम छिपा नहीं सकते। शिक्षा तालीम का अर्थ क्या है? अगर उसका अर्थ सिर्फ अक्षर ज्ञान ही हो तो वो तो एक साधन जैसी ही हुई है।
उसका अच्छा उपयोग भी हो सकता है और बुरा उपयोग भी हो सकता है। एक शस्त्र से चीर फाड़ करके बीमार को अच्छा किया जा सकता है और वही शस्त्र किसी की जान लेने के लिए भी काम में लाया जा सकता है। अक्षर ज्ञान भी ऐसा ही है, बहुत से लोग उसका बुरा उपयोग करते हैं ये तो हम देखते हैं, उसका अच्छा उपयोग प्रमाण में कम ही लोग करते हैं। ये बात अगर ठीक है तो इससे ये साबित होता है कि अक्षर ज्ञान से दुनिया को फायदे के बदले नुकसान ही हुआ है। शिक्षा का साधारण अर्थ अक्षर ज्ञान ही होता है। लोगों को लिखना पढ़ना और हिसाब करना सिखाना बुनियादी या प्राथमिक प्राइमरी शिक्षा कहलाती है। एक किसान ईमानदारी से खुद खेती करके रोटी कमाता है, उसे मामूली तौर पर दुनियावी ज्ञान है। अपने माँ बाप के साथ कैसा बरतना, अपनी स्त्री के साथ कैसे बरतना, बच्चों के साथ कैसे पेश आना, जिस देहात में वो बसा हुआ है वहाँ उसकी चालढ़ाल कैसी होनी चाहिए, इन सब का उसे काफी ज्ञान है। वो नीति के नियम समझता है और उनका पालन करता है, लेकिन वो अपने दस्तखत करना नहीं जानता। इस आदमी को आप अक्षर ज्ञान देकर क्या करना चाहते हैं? उसके सुख में आप कौन सी बढ़ोतरी करेंगे? क्या उसकी झोपड़ी या उसकी हालत के बारे में आप उसके मन में असंतोष पैदा करना चाहते हैं? ऐसा करना हो तो भी उसे अक्षर ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। पश्चिम के असर के नीचे आकर हमने ये बात चलाई है कि लोगों को शिक्षा देनी चाहिए, लेकिन उसके बारे में हम आगे पीछे की बात सोचते ही नहीं। अपनी ऊंची शिक्षा को लें। मैं भूगोल विद्या सीखा, खगोल विद्या सीखा, बीज गणित भी मुझे आ गया, रेखा गणित का ज्ञान भी मैंने हासिल किया, लेकिन उससे क्या? उससे मैंने अपना कौन सा भला किया? अपने आसपास के लोगों का क्या भला किया? किस मकसद से मैंने वो ज्ञान हासिल किया? उससे मुझे क्या फायदा हुआ? एक अंग्रेज विद्वान ने शिक्षा के बारे में यूं कहा है, उस आदमी ने सच्ची शिक्षा पाई है जिसके शरीर को ऐसी आदत डाली गई है कि वो उसके बस में रहता है, जिसका शरीर चैन से और आसानी से सौंपा हुआ काम करता है। उस आदमी ने सच्ची शिक्षा पाई है जिसकी बुद्धि शुद्ध, शांत और न्यायदर्शी है। उसने सच्ची शिक्षा पाई है जिसका मन कुदरती कानूनों से भरा है और जिसकी इंद्रियां उसके बस में हैं, जिसके मन की भावनाएं बिल्कुल शुद्ध हैं, जिसे नीच कामों से नफरत है और जो दूसरों को अपने जैसा मानता है। ऐसा आदमी ही सच्चा शिक्षित माना जाएगा, क्योंकि वो कुदरत के कानून के मुताबिक चलता है। कुदरत उसका अच्छा उपयोग करेगी और वो कुदरत का अच्छा उपयोग करेगा। अगर यही सच्ची शिक्षा है तो मैं कसम खाकर कहूंगा कि ऊपर जो शास्त्र मैंने गिनाए हैं उनका उपयोग मेरे शरीर या मेरी इंद्रियों को बस में करने के लिए मुझे नहीं करना पड़ा। इसलिए प्राइमरी प्राथमिक शिक्षा को लीजिए या ऊंची शिक्षा को लीजिए, उसका उपयोग मुख्य बात में नहीं होता। उससे हम मनुष्य नहीं बनते, उससे हम अपना कर्तव्य नहीं जान सकते। पाठक, अगर ऐसा ही है तो मैं आपसे एक सवाल करूंगा। आप ये जो सारी बातें कह रहे हैं वो किसकी बदौलत कह रहे हैं? अगर आपने अक्षर ज्ञान और ऊंची शिक्षा नहीं पाई होती तो ये सब बातें आप मुझे कैसे समझा पाते? संपादक, आपने अच्छी सुनाई, लेकिन आपके सवाल का मेरा जवाब भी सीधा ही है। अगर मैंने ऊंची या नीची शिक्षा नहीं पाई होती तो मैं नहीं मानता कि मैं निकम्मा आदमी हो जाता। अब ये बातें कहकर मैं उपयोगी बनने की इच्छा रखता हूँ। ऐसा करते हुए जो कुछ मैंने पढ़ा उसे मैं काम में लेता हूँ और उसका उपयोग, अगर वो उपयोग हो तो, मैं अपने करोड़ों भाइयों के लिए नहीं कर सकता, सिर्फ आप जैसे पढ़े लिखों के लिए ही कर सकता हूँ। इससे भी मेरी ही बात का समर्थन होता है, मैं और आप दोनों गलत शिक्षा के पंजे में फंस गए थे, उसमें से मैं अपने को मुक्त हुआ मानता हूँ। अब वो अनुभव मैं आपको देता हूँ और उसे देते समय ली गई शिक्षा का उपयोग करके उसमें रही सड़न मैं आपको दिखाता हूँ। इसके सिवा आपने जो बात मुझे सुनाई उसमें आप गलती खा गए, क्योंकि मैंने अक्षर ज्ञान को बुरा नहीं कहा है। मैंने तो इतना ही कहा है कि उस ज्ञान की हमें मूर्ति की तरह पूजा नहीं करनी चाहिए, वो हमारी कामधेनु नहीं है। वो अपनी जगह पर शोभा दे सकता है और वो जगह ये है, जब मैंने और आपने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया हो, जब हमने नीति की नींव मजबूत बना ली हो, तब अगर हमें अक्षर ज्ञान पाने की इच्छा हो तो उसे पाकर हम अच्छा उपयोग कर सकते हैं। वो शिक्षा आभूषण के रूप में अच्छी लग सकती है, लेकिन अक्षर ज्ञान का अगर आभूषण के तौर पर ही उपयोग हो तो ऐसी शिक्षा को लाजमी करने की हमें जरूरत नहीं। हमारे पुराने स्कूल ही काफी हैं, वहाँ नीति को पहला स्थान दिया जाता है, वो सच्ची प्राथमिक शिक्षा है, उस पर हम जो इमारत खड़ी करेंगे वो टिक सकेगी। पाठक, तब क्या मेरा ये समझना ठीक है कि आप स्वराज के लिए अंग्रेजी शिक्षा का कोई उपयोग नहीं मानते? संपादक, मेरा जवाब हाँ और नहीं दोनों है। करोड़ों लोगों को अंग्रेजी की शिक्षा देना उन्हें गुलामी में डालने जैसा है। मैकाले ने शिक्षा की जो बुनियाद डाली वो सचमुच गुलामी की बुनियाद थी, उसने इसी इरादे से अपनी योजना बनाई थी, ऐसी मैं नहीं सुझाना चाहता, लेकिन उसके काम का नतीजा यही निकला है। ये कितने दुख की बात है कि हम स्वराज की बात भी पराई भाषा में करते हैं। जिस शिक्षा को अंग्रेजों ने ठुकरा दिया है वो हमारा सिंगार बनती है,
ये जानने लायक है। उन्हीं के विद्वान कहते रहते हैं कि उसमें ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, वे जिसे भूल से गए हैं उसी से हम अपने अज्ञान के कारण चिपके रहते हैं। उनमें अपनी अपनी भाषा की उन्नति करने की कोशिश चल रही है। वेल्स इंग्लैंड का एक छोटा सा परगना है, उसकी भाषा धूल जैसी नगण्य है। ऐसी भाषा का अब जीर्णोद्धार हो रहा है। वेल्स के बच्चे वेल्श भाषा में ही बोलें, ऐसी वहां कोशिश की जा रही है। इसमें इंग्लैंड के खजांची लॉयड जॉर्ज बड़ा हिस्सा लेते हैं। और हमारी दशा कैसी है? हम एक दूसरे को पत्र लिखते हैं, तब गलत अंग्रेजी में लिखते हैं। एक साधारण एमए पास आदमी भी ऐसी गलत अंग्रेजी से बचा नहीं होता। हमारे अच्छे से अच्छे विचार प्रकट करने का जरिया है अंग्रेजी। हमारी कांग्रेस का कारोबार भी अंग्रेजी में चलता है। अगर ऐसा लंबे अरसे तक चला तो मेरा मानना है कि आने वाली पीढ़ी हमारा तिरस्कार करेगी और उसका शाप हमारी आत्मा को लगेगा। आपको समझना चाहिए कि अंग्रेजी शिक्षा लेकर हमने अपने राष्ट्र को गुलाम बनाया है। अंग्रेजी शिक्षा से दंभ, राग, जुल्म वगैरह बढ़े हैं। अंग्रेजी शिक्षा पाए हुए लोगों ने प्रजा को ठगने में, उसे परेशान करने में कुछ भी उठा नहीं रखा है। अब अगर हम अंग्रेजी शिक्षा पाए हुए लोग उसके लिए कुछ करते हैं तो उसका हम पर जो कर्ज चढ़ा हुआ है उसका कुछ हिस्सा ही हम अदा करते हैं। ये क्या कम जुल्म की बात है कि अपने देश में अगर मुझे इंसाफ पाना है तो मुझे अंग्रेजी भाषा का उपयोग करना चाहिए। बैरिस्टर होने पर मैं स्वभाषा में नहीं बोल सकता, दूसरे आदमी को मेरे लिए तर्जुमा कर देना चाहिए। ये कुछ कम दम्भ है? ये गुलामी की हद नहीं तो और क्या है? इससे मैं अंग्रेजों का दोष निकालूं या अपना? हिंदुस्तान को गुलाम बनाने वाले तो हम अंग्रेजी जानने वाले लोग ही हैं। राष्ट्र की हाय अंग्रेजों पर नहीं पड़ेगी बल्कि हम पर पड़ेगी। लेकिन मैंने आपसे कहा कि मेरा जवाब हाँ और ना दोनों है। हाँ कैसे? सो मैंने आपको समझाया, अब ना कैसे ये बताता हूँ। हम सभ्यता के रोग में ऐसे फंस गए हैं कि अंग्रेजी शिक्षा बिल्कुल लिए बिना अपना काम चला सके ऐसा समय अब नहीं रहा। जिसने वो शिक्षा पाई है वो उसका अच्छा उपयोग करे। अंग्रेजों के साथ के व्यवहार में ऐसे हिंदुस्तानियों के साथ के व्यवहार में जिनकी भाषा हम समझ ना सकते हो, और अंग्रेज खुद अपनी सभ्यता से कैसे परेशान हो गए हैं, ये समझने के लिए अंग्रेजी का उपयोग किया जाए। जो लोग अंग्रेजी पढ़े हुए हैं उनकी संतानों को पहले तो नीति सिखानी चाहिए, उनकी मातृभाषा सिखानी चाहिए और हिंदुस्तान की एक दूसरी भाषा सिखानी चाहिए। बालक जब पुख्ता हो जाए तब भले ही वो अंग्रेजी शिक्षा पाए, और वो भी उसे मिटाने के इरादे से, ना कि उसके जरिए पैसे कमाने के इरादे से। ऐसा करते हुए भी हमें ये सोचना होगा कि अंग्रेजी में क्या सीखना चाहिए और क्या नहीं, कौन से शास्त्र पढ़ने चाहिए, ये भी हमें सोचना होगा। थोड़ा विचार करने से ही हमारी समझ में आ जाएगा कि अगर अंग्रेजी डिग्री लेना हम बंद कर दें तो अंग्रेज हाकिम चौंकेंगे। पाठक, तब कैसी शिक्षा दी जाए? संपादक, उसका जवाब ऊपर कुछ हद तक आ गया है, फिर भी सवाल पर हम और विचार करें। मुझे तो लगता है कि हमें अपनी सभी भाषाओं को उज्जवल शानदार बनाना चाहिए। हमें अपनी भाषा में ही शिक्षा लेनी चाहिए। इसके क्या माने हैं? इसे ज्यादा समझाने का ये स्थान नहीं है। जो अंग्रेजी पुस्तकें काम की हैं, उनका हमें अपनी भाषा में अनुवाद करना होगा। बहुत से शास्त्र सीखने का दंभ और वहम हमें छोड़ना होगा। सबसे पहले तो धर्म की शिक्षा या नीति की शिक्षा दी जानी चाहिए। हर एक पढ़े लिखे हिंदुस्तानी को अपनी भाषा का, हिंदू को संस्कृत का, मुसलमान को अरबी का, पारसी को फारसी का और सबको हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। कुछ हिंदुओं को अरबी और कुछ मुसलमानों और पारसियों को संस्कृत सीखनी चाहिए। सारे हिंदुस्तान के लिए जो भाषा चाहिए वो तो हिंदी ही होनी चाहिए। उसे उर्दू या नागरी लिपि में लिखने की छूट रहनी चाहिए। हिंदू मुसलमान के संबंध ठीक रहें इसके लिए बहुत हिंदुस्तानियों को इन दोनों लिपियों का ज्ञान होना जरूरी है। ऐसा होने से हम आपस के व्यवहार में अंग्रेजों को निकाल सकेंगे। और ये सब किसके लिए जरूरी है? हम जो गुलाम बन गए हैं उसके लिए। हमारी गुलामी की वजह से देश में प्रजा गुलाम बनी है। अगर हम अपनी गुलामी से छूट जाएं तो प्रजा छूट ही जाएगी। पाठक, आपने जो धर्म की शिक्षा की बात कही है वो बड़ी कठिन है। संपादक, फिर भी उसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। हिंदुस्तान कभी नास्तिक नहीं बनेगा। हिंदुस्तान की भूमि में नास्तिक फल फूल नहीं सकते। बेशक ये काम मुश्किल है। धर्म की शिक्षा का ख्याल करते ही सिर चकराने लगता है। धर्म के आचार्य दम्भी और स्वार्थी मालूम होते हैं। उनके पास पहुंच हमें नम्र भाव से उन्हें समझाना होगा। उसकी कुंजी मूल्य दस्तूरों और ब्राह्मणों के हाथ में है, लेकिन उनमें अगर सद्बुद्धि पैदा ना हो तो अंग्रेजी शिक्षा के कारण हम में जो जोश पैदा हुआ है उसका उपयोग करके हम लोगों को नीति की शिक्षा दे सकते हैं। ये कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। हिंदुस्तानी सागर के किनारे पर ही मैल जमा है। उस मैल से जो गंदे हो गए हैं उन्हें साफ होना है। हम लोग ऐसे ही हैं और खुद ही बहुत साफ हो सकते हैं।
मेरा ये टीका करोड़ों लोगों के बारे में नहीं है। हिंदुस्तान को असली रास्ते पर लाने के लिए हमें ही असली रास्ते पर आना होगा। बाकी करोड़ों लोग तो असली रास्ते पर ही हैं। उसमें सुधार बिगाड़ उन्नति अवनति समय के अनुसार होते ही रहेंगे। पश्चिम की सभ्यता को निकाल बाहर करने की हमें कोशिश करनी चाहिए, दूसरा सब अपने आप ठीक हो जाएगा। अध्याय 19 मशीनें। पाठक, आप पश्चिम की सभ्यता को निकाल बाहर करने की बात कहते हैं, तब तो आप ये भी कहेंगे कि हमें कोई मशीन नहीं चाहिए। संपादक, मुझे जो चोट लगी थी उसे ये सवाल करके आपने ताजा कर दिया है। मिस्टर रमेश चंद्र दत्त की पुस्तक हिंदुस्तान आर्थिक इतिहास जब मैंने पढ़ी तब भी मेरी ऐसी हालत हो गई थी। उसका फिर से विचार करता हूँ तो मेरा दिल भर आता है। मशीन की झपट लगने से ही हिंदुस्तान दरिद्र हो गया है। मैनचेस्टर ने हमें जो नुकसान पहुंचाया है उसकी तो कोई हद ही नहीं है। हिंदुस्तान से कारीगरी जो करीब करीब खत्म हो गई है वो मैनचेस्टर का ही काम है। लेकिन मैं भूलता हूँ, मैनचेस्टर को दोष कैसे दिया जा सकता है? हमने उसके कपड़े पहने तभी तो उसने कपड़े बनाए। बंगाल की बहादुरी का वर्णन जब मैंने पढ़ा तब मुझे हर्ष हुआ। बंगाल में कपड़े की मिले नहीं है, इसलिए लोगों ने अपना असली धंधा फिर से हाथ में ले लिया। बंगाल बंबई की मिलों को बढ़ावा देता है वो ठीक ही है, लेकिन अगर बंगाल ने तमाम मशीनों से परहेज किया होता, उनका बायकॉट बहिष्कार किया होता तो और भी अच्छा होता। मशीनें यूरोप को उजाड़ने लगी हैं और वहाँ की हवा अब हिंदुस्तान में चल रही है। यंत्र आज की सभ्यता की मुख्य निशानी है और वो महापाप है, ऐसा तो मैं साफ देख सकता हूँ। बंबई की मिलों में जो मजदूर काम करते हैं वे गुलाम बन गए हैं। जो औरतें उनमें काम करती हैं उनकी हालत देखकर कोई भी कांप उठेगा। जब मिले नहीं थी तब वे औरतें भूखों नहीं मरती थी। मशीन की ये हवा अगर ज्यादा चली तो हिंदुस्तान की दशा बुरी होगी। मेरी बात आपको कुछ मुश्किल मालूम होती होगी, लेकिन मुझे कहना चाहिए कि हम हिंदुस्तान में मिले कायम करें। उसके बजाय हमारा भला इसी में है कि हम मैनचेस्टर को और भी रुपए भेजकर उसका सड़ा हुआ कपड़ा काम में लें, क्योंकि उसका कपड़ा काम में लेने से सिर्फ हमारे पैसे ही जाएंगे। हिंदुस्तान में अगर हम मैनचेस्टर कायम करेंगे तो पैसा हिंदुस्तान में ही रहेगा, लेकिन वो पैसा हमारा खून चूसेगा, क्योंकि वो हमारी नीति को बिल्कुल खत्म कर देगा। जो लोग मिलों में काम करते हैं उनकी नीति कैसी है ये उन्हीं से पूछा जाए। उनमें से जिन्होंने रुपए जमा किए हैं उनकी नीति दूसरे पैसों वालों से अच्छी नहीं हो सकती। अमेरिका के रॉकफेलरों से हिंदुस्तान के रॉकफेलर कुछ कम है ऐसा मानना निरा अज्ञान है। गरीब हिंदुस्तान तो गुलामी से छूट सकेगा, लेकिन अनीति से पैसा वाला बना हुआ हिंदुस्तान गुलामी से कभी नहीं छूटेगा। मुझे तो लगता है कि हमें ये स्वीकार करना होगा कि अंग्रेजी राज्य को यहाँ टिकाए रखने वाले ये धनवान लोग ही हैं। ऐसी स्थिति में उनका स्वार्थ सदेगा। पैसा आदमी को दीन बना देता है। ऐसी दूसरी चीज दुनिया में विषय भोग है। ये दोनों विषय विषमय हैं। उनका डंक सांप के डंक से ज्यादा जहरीला है। जब सांप काटता है तो हमारा शरीर लेकर हमें छोड़ देता है। जब पैसा या विषय काटता है तब वो शरीर ज्ञान मन सब कुछ ले लेता है, तो भी हमारा छुटकारा नहीं होता। इसलिए हमारे देश में मिले कायम हो, इसमें खुश होने जैसा कुछ भी नहीं है। पाठक, तब क्या मिलों को बंद कर दिया जाए? ये बात मुश्किल है। जो चीज स्थायी या मजबूत हो गई है उसे निकालना मुश्किल है, इसलिए काम शुरू न करना पहली बुद्धिमानी है। मिल मालिकों की ओर हम नफरत की निगाह से नहीं देख सकते। हमें उन पर दया नहीं करनी चाहिए। वे यकायक मिले छोड़ दें ये तो मुमकिन नहीं है, लेकिन हम उनसे ऐसी विनती कर सकते हैं कि वे अपने इस साहस को बढ़ाए नहीं। अगर वे देश का भला करना चाहें तो खुद अपना काम धीरे धीरे कम कर सकते हैं। वे खुद पुराने प्रौढ़ पवित्र चरखे देश के हजारों घरों में दाखिल कर सकते हैं और लोगों का बुना हुआ कपड़ा लेकर उसे बेच सकते हैं। अगर वे ऐसा ना करें तो भी लोग खुद मशीनों का कपड़ा इस्तेमाल करना बंद कर सकते हैं। पाठक, ये तो कपड़े के बारे में हुआ, लेकिन यंत्र की बनी तो अनेक चीजें हैं। वे चीजें या तो हमें परदेश से लानी होंगी या ऐसे यंत्र हमारे देश में दाखिल करने होंगे। संपादक, सचमुच हमारे देव भी जर्मनी के यंत्रों में बनकर आते हैं, तो फिर दिया सलाई या आलपिन से लेकर कांच के झाड़ फनूस की तो बात ही क्या। मेरा अपना जवाब तो एक ही है, जब ये सब चीजें यंत्र से नहीं बनती थी तब हिंदुस्तान क्या करता था? वैसा ही आज भी कर सकता है। जब तक हम हाथ से आलपीन नहीं बनाएंगे तब तक उसके बिना हम अपना काम चला लेंगे। झाड़ फनूस को तो आग लगा देंगे। मिट्टी के दिए में तेल डालकर और हमारे खेत में पैदा हुई रुई की बाती बनाकर दिया जलाएंगे। ऐसा करने से हमारी आंखें बचेंगी, पैसे बचेंगे और स्वदेशी बनेंगे, बने रहेंगे और स्वराज की धुनी जगाएंगे। ये सारा काम सब लोग एक ही समय में करेंगे या एक ही समय में कुछ लोग यंत्र की सब चीजें छोड़ देंगे ये संभव नहीं है। लेकिन अगर ये विचार सही होगा तो हम हमेशा शोध खोज करते रहेंगे और हमेशा थोड़ी थोड़ी चीजें छोड़ते जाएंगे।
अगर हम ऐसा करेंगे तो दूसरे लोग भी ऐसा करेंगे। पहले तो ये विचार जड़ पकड़े, ये जरूरी है, बाद में उसका मुताबिक काम होगा। पहले एक ही आदमी करेगा, फिर 10, फिर 100, फिर यूं तो नारियल की कहानी की तरह लोग बढ़ते ही जाएंगे। बड़े लोग जो काम करते हैं उसे छोटे भी करते हैं और करेंगे। समझे तो बात छोटी है और सरल है। आपको और मुझे दूसरों को करने की राह नहीं देखना है। हम तो ज्यों ही समझ लें त्यों ही उसे शुरू कर दें। जो नहीं करेगा वो खाएगा, समझते हुए भी जो नहीं करेगा वो निरादम्भी कहलाएगा। पाठक, ट्राम गाड़ी और बिजली की बत्ती का क्या होगा? संपादक, ये सवाल आपने बहुत देर से किया। इस सवाल में अब कोई जान नहीं रही। रेल ने अगर हमारा नाश किया है तो क्या ट्राम नहीं करती? यंत्र तो सांप का एक ऐसा बिल है जिसमें एक नहीं बल्कि सैकड़ों सांप होते हैं। एक के पीछे दूसरा लगा ही रहता है। जहां यंत्र होंगे वहां बड़े शहर होंगे, जहां बड़े शहर होंगे वहां ट्राम गाड़ी और रेल गाड़ी होगी। वहीं बिजली की बत्ती की जरूरत रहती है। आप जानते होंगे कि विलायत में भी देहातों में बिजली की बत्ती या ट्राम नहीं है। प्रामाणिक वैद्य और डॉक्टर आपको बताएंगे कि जहां रेलगाड़ी ट्राम गाड़ी वगैरह साधन बड़े हैं वहां लोगों की तंदुरुस्ती गिरी हुई होती है। मुझे याद है कि यूरोप के एक शहर में जब पैसे की तंगी हो गई थी तब ट्रामों वकीलों और डॉक्टरों की आमदनी घट गई थी, लेकिन लोग तंदुरुस्त हो गए थे। यंत्र का गुण तो मुझे एक भी याद नहीं आता, जबकि उसके अवगुणों से मैं पूरी किताब लिख सकता हूँ। पाठक, ये सारा लिखा हुआ यंत्र की मदद से छापा जाएगा और उसकी मदद से बांटा जाएगा। ये यंत्र का गुण है या अवगुण? संपादक, ये जहर की दवा जहर है कि मिसाल है। इसमें यंत्र का कोई गुण नहीं है। यंत्र मरते मरते कह जाता है कि मुझसे बचिए, होशियार रहिए, मुझसे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर ऐसा कहा जाए कि यंत्र ने इतनी ठीक कोशिश की तो ये भी उन्हीं के लिए लागू होता है जो यंत्र के जाल में फंसे हुए हैं। लेकिन मूल बात न भूलिएगा, मन में ये तय कर लेना चाहिए कि यंत्र खराब चीज है, बाद में हम उसका धीरे धीरे नाश करेंगे। ऐसा कोई सरल रास्ता कुदरत ने नहीं बनाया है जिस चीज की हम इच्छा करें वो तुरंत मिल जाए। यंत्र के ऊपर हमारी मीठी नजर के बजाय जहरीली नजर पड़ेगी तो आखिर वो जाएगा ही। अध्याय 20, अंत में। पाठक, आपके विचार से ऐसा लगता है कि आप एक तीसरा ही पक्ष कायम करना चाहते हैं। आप एक्सट्रीमिस्ट भी नहीं है और मॉडरेट भी नहीं है। संपादक, यहाँ आपकी भूल होती है। मेरे मन में तीसरे पक्ष का कोई ख्याल नहीं है। सबके विचार एक से नहीं रहते। मॉडरेटों में सभी एक विचार के हैं ऐसा नहीं मानना चाहिए। जिसे लोगों की सेवा करनी है उसके लिए पक्ष कैसा? मैं तो मॉडरेटों की सेवा करूंगा और एक्सट्रीमिस्ट की भी करूंगा। जहां उनके विचार से मेरी राय अलग पड़ेगी वहां मैं उन्हें नम्रता से बताऊंगा और अपना काम करता चलूंगा। पाठक, अगर आप दोनों से कहना चाहें तो आप क्या कहेंगे? संपादक, एक्सट्रीमिस्टों से मैं कहूंगा कि आपका हेतु हिंदुस्तान के लिए स्वराज हासिल करने का है। स्वराज आपकी कोशिश से मिलने वाला नहीं है। स्वराज तो सबको अपने लिए पाना चाहिए और सबको उसे अपना बनाना चाहिए। दूसरे लोग जो स्वराज दिला दें वो स्वराज नहीं बल्कि पर राज्य है। इसलिए सिर्फ अंग्रेजों को बाहर निकाला कि आपने स्वराज पा लिया, ऐसा अगर आप मानते हो तो वो ठीक नहीं है। सच्चा स्वराज जो मैंने पहले बताया वही होना चाहिए। उसे आप गोला बारूद से कभी नहीं पाएंगे। गोला बारूद हिंदुस्तान को सधेगा नहीं। इसलिए सत्याग्रह पर ही भरोसा रखिए। मन से ऐसा शक भी पैदा ना होने दीजिए कि स्वराज पाने के लिए हमें गोला बारूद की जरूरत है। मॉडरेटों से मैं कहूंगा कि हम खाली आजीजी करना चाहें तो ये हमारी हीनता होगी। उसमें हम अपना हल्कापन कबूल करते हैं। अंग्रेजों से संबंध रखना हमारे लिए जरूरी है, ऐसा कहना हमारे लिए ईश्वर के चोर बनने जैसा हो जाता है। हमें ईश्वर के सिवा और किसी की जरूरत है ऐसा कहना ठीक नहीं है। और साधारण विचार करने से भी हमें लगेगा कि अंग्रेजों के बिना आज तो हमारा काम चलेगा ही नहीं, ऐसा कहना अंग्रेजों को अभिमानी बनाने जैसा होगा। अंग्रेज बोरिया बिस्तर बांधकर अगर चले जाएंगे तो हिंदुस्तान अनाथ हो जाएगा, ऐसा नहीं मानना चाहिए। अगर वे गए तो संभव है कि जो लोग उनके दबाव से चुप रहे होंगे वे लड़ेंगे। फोड़े को दबा कर रखने से कोई फायदा नहीं, उसे तो फूटना ही चाहिए। इसलिए अगर हमारे भाग में आपस में लड़ना लिखा है तो हम लड़ मरेंगे। उसमें कमजोर को बचाने के बहाने किसी दूसरे को बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। इसी से तो हमारा सत्यानाश हुआ है। इस तरह कमजोर को उसे और भी कमजोर बनाने जैसा है। मॉडरेटों को इस बात पर अच्छी तरह विचार करना चाहिए। इसके बिना स्वराज प्राप्त नहीं हो सकता। मैं उन्हें एक अंग्रेज पादरी के शब्दों की याद दिलाऊंगा। स्वराज में अंधाधुंधी बर्दाश्त की जा सकती है, लेकिन परराज्य की व्यवस्था हमारी कंगाली को बताती है। सिर्फ उस पादरी के स्वराज और हिंदुस्तान के स्वराज का अर्थ अलग है। हम किसी का भी जुर्म या दबाव नहीं चाहते, चाहे वो गोरा हो या हिंदुस्तानी हो। हम सबको तैरना सीखना और सिखाना है।
अगर ऐसा हो तो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट दोनों मिलेंगे, मिल सकेंगे, दोनों को मिलना चाहिए। दोनों को एक दूसरे का डर रखने की या अविश्वास करने की जरूरत नहीं है। पाठक, इतना तो आप दोनों पक्षों से कहेंगे, परंतु अंग्रेजों से क्या कहेंगे? संपादक, मैं उनसे विनय से कहूंगा कि आप हमारे राजा जरूर हैं। आप अपनी तलवार से हमारे राजा हैं या हमारी इच्छा से, इस सवाल की चर्चा मुझे करने की जरूरत नहीं। आप हमारे देश में रहें, इसका भी मुझे द्वेष नहीं है, लेकिन राजा होते हुए भी आपको हमारे नौकर बनकर रहना होगा। आपका कहा हमें नहीं, बल्कि हमारा कहा आपको करना होगा। आज तक आप इस देश से जो धन ले गए, वो भले आपने हजम कर लिया, लेकिन अब आपको आगे करना हमें पसंद नहीं। आप हिंदुस्तान की सिपाही गिरी करना चाहें तो रह सकते हैं, हमारे साथ व्यापार करने का लालच आपको छोड़ना होगा। जिस सभ्यता की आप हिमायत करते हैं, उसे हम नुकसानदेह मानते हैं। अपनी सभ्यता हम आपकी सभ्यता से कहीं ज्यादा ऊंची समझते हैं। आपको भी ऐसा लगे तो उसमें आपका ही लाभ है, लेकिन ऐसा न लगे तो आपको भी आपकी कहावत के मुताबिक हमारे देश में हिंदुस्तानी होकर रहना होगा। आपको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे हमारे धर्म को बाधा पहुंचे। राजकर्ता होने के नाते आपका फर्ज है कि हिंदुओं की भावना का आदर करने के लिए आप गाय का मांस खाना छोड़ दें और मुसलमानों के खातिर बुरे जानवर का मांस खाना छोड़ दें। हम दब गए थे इसलिए बोल नहीं सके, लेकिन आप ऐसा न समझें कि आपके इस बर्ताव से हमारी भावनाओं को चोट नहीं पहुंची है। हम स्वार्थ या दूसरे भय से आज तक नहीं कह सके, लेकिन अब ये कहना हमारा फर्ज हो गया है। हम मानते हैं कि आपकी कायम की हुई शालाएं और अदालतें हमारे किसी काम की नहीं है, उनके बजाय हमारी पुरानी असली शालाएं और अदालतें ही हमें चाहिए। हिंदुस्तान की आम भाषा अंग्रेजी में नहीं बल्कि हिंदी है, वो आपको सीखनी होगी, और हम तो आपके साथ अपनी भाषा में ही व्यवहार करेंगे। आप रेलवे और फौज के लिए बेशुमार रुपए खर्च करते हैं, ये हमसे देखा नहीं जाता, हमें उसकी जरूरत मालूम नहीं होती। रूस का डर आपको होगा, हमें नहीं है। रूसी आएंगे तब हम उनसे निपट लेंगे, आप होंगे तो हम दोनों मिलकर उनसे निपट लेंगे। हमें विलायती या यूरोपीय कपड़ा नहीं चाहिए, इस देश में पैदा होने वाली चीजों से हम अपना काम चला लेंगे। आपकी एक आंख मैनचेस्टर पर और दूसरी आंख हम पर रहे, ये अब नहीं पुसाएगा। आपका और हमारा स्वार्थ एक ही है, इस तरह आप बरतेंगे तभी आपका हमारा साथ बना रह सकता है। आपसे ये सब हम बेअदबी से नहीं कह रहे हैं, आपके पास हथियार बल है, भारी जहाजी सेना है, उसके खिलाफ वैसी ही ताकत से हम नहीं लड़ सकते। लेकिन आपको अगर ऊपर कही गई बात मंजूर ना हो तो आपसे हमारी नहीं बनेगी। आपका हंसना बेकार है, आपकी मर्जी में आए तो, और मुमकिन हो तो आप हमें तलवार से काट सकते हैं, मर्जी में आए तो हमें तोप से उड़ा सकते हैं। हमें जो पसंद नहीं वो अगर आप करेंगे तो हम आपकी मदद नहीं करेंगे, और बगैर हमारी मदद के आप एक कदम भी नहीं चल सकेंगे। संभव है आपकी सत्ता के मद में हमारी इस बात को आप हंसी में उड़ा दें। आपका हंसना बेकार है, ऐसा आज शायद हम नहीं दिखा सके, लेकिन अगर हम में कुछ दम होगा तो हम दिखा देंगे कि आपका मद बेकार है और आपका हंसना विपरीत बुद्धि की निशानी है। हम मानते हैं कि आप स्वभाव से धार्मिक राष्ट्र की प्रजा हैं, हम तो धर्म स्थान में ही बसे हुए हैं। आपका और हमारा कैसे साथ हुआ इसमें उतरना फिजूल है, लेकिन अपने इस संबंध का हम दोनों अच्छा उपयोग कर सकते हैं। पुस्तक के अध्याय पठन की यात्रा में साथ देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अलविदा।